हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। पहले अपोलॉजीज, एक हफ्ता हमारा मिस हो गया। वी हैड टू डू अ बचोदियां बट मूवीज गॉट कोविड। उसको प्लीज जाके प्यार और वेल विशेस दें अपनी। एंड देन नासिर खान जान से हमारे स्केड्यूलिंग इश्यूज हो रहे थे, बट वी आर बैक नाउ एंड वी आर बैक विद समबडी जो आप लोग बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। और आजकल पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, इनसे बेहतर कौन इंसान होगा पूछने के लिए कि हमारे मसले कितने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू द पॉडकास्ट मिस्टर अदील अफजल। हाउ आर यू डूइंग सर? अलैकुम, बहुत शुक्रिया। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे लिए तो बड़ी हैरानी की बात थी, आपने कहा कि रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब अच्छा मेरी रिक्वेस्ट भी आती कि इससे बात हाँ, सारे जो पुराने मैंगो बाज वाले हैं ना, वही अलग अलग अकाउंट बना बुलाए अदील भाई, अदील भाई प्लीज, अदील भाई को बुलाए। करें। हाँ, ये दैट आई कैन इमेजिन, क्योंकि अभी कल परसों परसों की मुझे याद है कि यासिर से मेरी बात हो रही थी। तो मैंने वैसे यासिर से जिक्र किया, मैंने कहा, वो मुझे शहजाद का टेक्स्ट आया था और वो कह रहा था कि मेरे साथ पॉडकास्ट पे आ जाए। तो मैंने कहा मुझे, मैं जूम कॉल से थोड़ा सा ना वो हुआ हूँ कि मजा नहीं आता कॉन्वर्सेशन करने का। तो खैर, यासिर पुश्ड मी अलॉट के नहीं, कॉन्वर्सेशन पे तो आप जाएंगे, पॉडकास्ट पे आप जाएंगे, आप जूम पे ही जाएंगे। और बहुत ज्यादा बोलने के बाद उसने कहा आप ये बात शो में भी मेंशन करेंगे कि आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड बट यासिर फोर्स मी टू डू अ पॉडकास्ट विद जो शहजाद खुद कभी नहीं आया। यासिर, नियाज़। इफ यू या आर लिसनिंग, आप खुद आ जाएं पहले। बट ही लव्स योर कंटेंट, तो उसने आई इतनी लव तारीफें हिम, की। आई लव हिम, ही इज अ ग्रेट नो पर्सन। डाउट, नो डाउट, नो डाउट। मतलब मैं ठीक मेरे है, लिए नहीं, प्लेटफॉर्म को काफी नहीं, आप कहते हैं मेरे लिए, आपके लिए क्या? मेरे लिए, मैं चूंकि खुद अपने आप को इस तरह समझता हूँ कि सोशल मीडिया में कुछ लोग हैं जिनकी मुझे ना वो होती है, क्या उसको कहने की गाइडलाइन, या जिनकी ओपिनियन बड़ी मैटर करती है। सो यासिर इज वन ऑफ देम। मेरा बिल्कुल अर्ली एक्सपीरियंस यासिर के साथ ही है कि उसने कुछ चीजें जो है ना शुरू में काफी सिखाई हुई है। और वो फिर एकदम से, आपको पता है ना कि कोई शख्स इस तरीके से इन्फ्लुएंशियल हो जाए आपकी लाइफ में, तो फिर आप थोड़ा सा सोचने लग जाते हो कि हाँ ये काम करना चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए। सो इज दैट काइंड ऑफ गाय राइट नाउ आई फॉर आई अस। थिंक प्लेटफॉर्म को काफी गालियां पड़ती है मैंगो बाज। लोग तो सारे ही अच्छे हैं। एवरीबडी आई हैव मेट हु हैज वर्कड एट मैंगो बाज इज ग्रेट। यार, अगर इवन 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 ऐसा भी है ना, तो आई वुड से कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि चले, अगर किसी को एतराज है तो वो, उसको हो सकता है हमारी बात से हो, हमसे तो नहीं है ना। अगर हमसे कोई एतराज नहीं है तो जो कुछ हमारा कंटेंट असल वगैरह में निकल आता है मैं उसमें, आज अली गुल को स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। आपके जो सारे एम्प्लॉयज है ना, वो अपने प्लेटफॉर्म से बेहतर कंटेंट बनाते हैं। सारे जो अच्छे आइडियाज होते हैं ना, ये लोग अपने प्लेटफॉर्म पे डालते यार हो सकता है, लेकिन ऐसा है कि नहीं, मजाक कर नहीं, आई कैन, हम खुद भी आपस में यही जोक अक्सर करते हैं, क्योंकि जब कभी कोई ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म आता है, ये मुझसे अक्सर कभी किसी ने पूछा भी ना कि यार वो क्या हुआ मैंगो बास को, पहले तो बड़ा हिट था, अभी ऐसे थोड़ा डाउन हो गया। तो मैं कहता हूँ यार वो मैं हूं ना रिस्पॉन्सिबल। वो कहते हैं नहीं, आप कोई मतलब रीजन तो बताए ना, इतना अच्छा जा रहा था, ऐसे काम हो रहा था, और अभी आजकल थोड़ा कोई कंटेंट वॉन्टेंट नहीं आ रहा है वो। या कोई अगर ये कहेगा कि यार स्क्रिप्ट में जान नहीं थी वीडियोस में, मैं कहूंगा भाई मैं ही बनाता था ना, मैं अब मैं लिख रहा था यासिर बना रहा था, मैं लिख रहा था यासिर बना रहा था, तो हम ही है रिस्पॉन्सिबल किसी हद तक, जो भी हमने किया अच्छा किया बुरा किया। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर मेकिंग टू मच कॉन्टेंट, यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू मच। आप, हम एक्सपेरिमेंट बहुत कुछ कर रहे थे, हम भी सीख रहे थे, हमने, वी नेवर क्लेम्ड के यार हमें बहुत कुछ आता भाई, बाकी सबके काम छोड़ दो, सबके चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, हमें देखो बैठ के, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। सो इंसान सीखता है, कुछ चीजें अच्छी निकलती हैं, कुछ चीजें बुरी लगती है, कुछ पे क्रिटिसिज्म आता है, कुछ पे आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। आगे बढ़ते रहना चाहिए, दैट्स व्हाट आई बिलीव। ठीक है, हो गया, आगे 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 चले जाए। बस लोग अक्सर अवकात जो कुछ स्टक हो जाते हैं ना किसी चीज में, वो चाहे एक आर्टिकल हो, चाहे एक वीडियो हो, कि वो या कोई एक किसी की ट्वीट हो, एक बात हो, किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट में हो गई हो, वो उसके बाहर उस शख्स को देख ही नहीं पाते, वो या उस प्लेटफॉर्म को नहीं देख पाते। दैट्स समथिंग मेरे लिए थोड़ा सा हो रहा कि नहीं, आप चीजों को थोड़ा सा वाइडली देखें, कॉन्टेक्स्ट में देखें। ऐसे ही ये बीच बीच में हम सीरियस होते जाएंगे, इस कोई मसला नहीं। हाँ, कोई मसला नहीं है। तो आपकी हमने काफी वीडियोस भी देखी, आपका पर्सपेक्टिव इज अ वेरी कीन पर्सपेक्टिव, और लोगों ने मुझे बड़ी ये बातें की, इनसे पूछें इतना आर्टिकुलेट कैसे हैं, बड़ी ये सवाल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैं नहीं पूछूंगा। मतलब आप एक इंसान से कैसे ही पूछ सकते हैं आप इतने आर्टिकुलेट कैसे हैं, आप बताएं आप इतने औसम कैसे हैं, लाइक ये सवाल का मुझे ज्यादा पॉइंट नहीं समझ में आता। यार मतलब खैर, कोई खुद अपने आप को तो नहीं कह सकता ना कि मैं बहुत आर्टिकुलेटेड बात करता हूँ, या मेरी बात जा रहा हूँ बड़ी एकदम ये बात, तो खुद आप से खान तो साहब पे अब तनकीद करना छोड़ें पहले। मेरे यार उनसे तो दिल ही भर गया हमारा, उनपे से बेहतर है कौन, मुझे तो पता है, मुझे कोई अब जरूरत थी।
मुझे कोई जरूरत नहीं, नहीं। मैं कहता हूँ हमारी हमारी ना जिंदगी गुजर गई उनके एहसानात झुकाते झुकाते, वो आगे भी पता नहीं कितने अरसे तक हम इसी बोझ में रहेंगे जो एहसानात हम परखान साहब ने किए। मैं तो अब दुआएं करने लगता हूँ कि कभी पाकिस्तान कोई वर्ल्ड कप ना जीते। मैं तो नहीं यार, नहीं नहीं वर्ल्ड कप जीते हैं ऑब्वियसली पाकिस्तान, आई विश वर्ल्ड कप जरूर जीते, लेकिन उस वर्ल्ड कप की जीत का सहरा जो है ना वो फिर पूरी टीम को मिल जाए अगर कुछ इस तरीके से, तो शायद हमारे आने वाले हालात थोड़े अच्छे हो जाएंगे। हम लोग बस ऐसे ही है ना, हमने ये एक एक बात हमने कुछ अर्सा पहले पढ़ी थी कि जो ओल्ड स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग था ना फॉर सेंचुरीज, वो इस तरीके का था, उसको आप कैपिटलिस्ट स्टोरी टेलिंग भी कह सकते हो, उसमें हमेशा हीरो भी एक होता है और विलन भी एक होता है। यानी आप कभी भी ना सिस्टम के ऊपर बात ही नहीं करते या रीजंस के ऊपर बात नहीं करते या चीजों को वाइडर पर्सपेक्टिव में नहीं देखते। हम इवन सेंचुरीज ओल्ड की भी जब बात करेंगे ना तो हम किसी एक शख्स को या तो हीरो बना देंगे और किसी एक शख्स को ही विलन बना देंगे। हाँ भाई वो किसी को पृथ्वी हीरो लगता है, किसी को गौरी हीरो लगता है, किसी को कोई हीरो लगता है, किसी को कोई हीरो लगता है। कोई शख्स कभी भी अकेला तो होता नहीं ना, उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं और एक सोच होती है और उस सोच के मानने वाले होते हैं, फिर उस सोच के भी पीछे कोई रीजंस होती हैं, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे बने होते हैं जिसकी वजह से एक सर्टन हम जो है ना वो थॉट को देखते हैं। लेकिन हम लोगों को आदत सी को बना दी गई कि बस किसी तरीके से ना चीजों को ऐसे सिंप्लीफाई करके ना बस एक आदमी को क्रेडिट दे दो। एंड इन वन ऑफ माई पॉडकास्ट लास्ट ईयर, बल्कि शायद डेढ़ साल पहले, जब खान साहब की नई नई कॉमेडी थी, तो मैंने एक चीज कही थी कि हर बंदा ना इमरान खान साहब को क्रेडिट भी दे देता है। अभी उनकी कैबिनेट में से जो भी बंदा निकलता है ना वो कहता है नवाज शरीफ को बात जाने की इजाजत खान साहब ने दे दी, फलानी जलसे की इजाजत खान साहब ने दे दी। खान साहब इज नॉट अ लॉ, ठीक है ना, लॉ इजाजत देगा ना खान साहब एक, मतलब हमें ऐसे तासुर देते हैं कि सारे फैसले मुल्क में खान साहब कर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि फैसले कैसे हो रहे हैं इस मुल्क में या किसी भी मुल्क में फैसले कैसे हो। अब ये मैंने उस वक्त कहा था कि ये ना 5 साल लोगों के जहन में ये बात बिठा देंगे कि इस मुल्क में जो कुछ हुआ है अच्छा या बुरा उसके जिम्मेदार है खान साहब, और 5 साल बाद आपने जो रिवेंज लेना होगा ना वो भी आप लेंगे खान साहब से। यानी ज्यादा से ज्यादा खान साहब जहां पे होंगे आप उनको रिजेक्ट कर देंगे तो, या उनको एक्सेप्ट कर लेंगे वट एवर जो भी उनकी परफॉर्मेंस होगी। अगर खान साहब रिजेक्ट हुए, यही सारे लोग जो इस वक्त खान साहब के गुण गा रहे हैं ये सारे ना पतली गली से निकल जाएंगे और ये फिर हमें ऐसे ही 5-6 साल के अरसे के अंदर किसी और पॉलिटिकल पार्टी में बैठे हुए उस लीडर के गुनगाते हुए नजर आ रहे होंगे। अभी भी पीटीआई का ज्यादातर हिस्सा जो है उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल है, उमर अयूब है या फवाद चौधरी है या और ऐसे एक लंबी लिस्ट है। अब ये जो ये तरीका है ना कि खान साहब को हीरो बनाना या खान साहब को विलन बनाना, उसमें होगा यही कि हमेशा जो ये इलेक्टेबल्स, ये जो रिस्पॉन्सिबल है इस सारे सिनेरियो के, इस सारे सर्कमस्टांसिस के जो हम फेस करें, ये बच के निकल जाएंगे। नोबडी को ना से कि फवाद चौधरी ने कुछ किया था, कोई नहीं पूछेगा कि यार शेख रशीद साहब जो थे वो रेल के वजीर थे लेकिन वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते थे और ऐवी तोते की तरह वो नजूमी के पर्चियां निकाल निकाल के तारीखें, कभी 4 सितंबर को ये हो जाएगा, 8 अक्टूबर को ये हो जाएगा। कम ऑन यार, आप जाओ जाके आप रेलवे को देखो, आपके मुल्क का इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, मेरे जैसा जो कॉमन पाकिस्तानी है वो रेल से सफर करता है, आई स्टिल प्रेफर रेल। अब हमने मतलब मैं छोटा था, मैं तब से रेल से सफर कर रहा हूँ, हमारी जवानी गुजर गई, हमें कुछ जिंदगी में ट्रेन की कंडीशन चेंज होती भी नजर आएगी या नहीं? मतलब एक कितना टाइम चाहिए होता है किसी काम को करने के लिए? और कोई हमें रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, मतलब आपने रेलवे को इंप्रूव करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका वजीर आप चेंज कर दें, लाइक ख्वाजा साद रफीक बना दें या शेख रशीद बना दें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपने रेलवे को इंप्रूव करना है, सारी दुनिया कर चुकी है, उनको देख लें, एक केस स्टडी मंगाए और उसी तरीके से आप अपने यहाँ पे जो है उसको जो भी जिस तरीके से आपने अपने सिस्टम के हिसाब से मॉडिफाई करना है और इम्प्लीमेंट करना है। इतना सा काम है सर, बजाय बहुत बड़ा लगता है ठीक है, लेकिन इतना सा काम है कि दुनिया ने कैसे तरक्की की है उनका वो तरीका देखना है, वहीं यहाँ पे लाके इम्प्लीमेंट करना है, भले वो शेख रशीद करे या साद रफीक करे। आपने इलेक्टेबल्स को तो रोल दिया, लेकिन पाकिस्तान का जो फलसफा है ना चलाने का पाकिस्तान, वो ये है कि एक मर्द अक्सर घर में कुत्ता इसलिए रखता है कि अगर वो पाद मारे तो कुत्ते पे इल्जाम लगा सके। तो पाकिस्तान में ये है कि पाता कोई और है और इल्जाम किसी और कुत्ते पे लगा देते हैं। बेचारे शेरू की कोई इतनी गलती है नहीं जितना शेरू को गालियां पड़ रही हैं इस मुल्क में। ऐसे ही है यार, आई थिंक वही वाली बात है ना, कुछ लोग पीछे रह के खेलते हैं और कुछ लोग आगे आके फ्रंट पे आते हैं, तो वो जो फ्रंट पे आते हैं ना उन्हें पता होता है कि वो कभी भी इनकी मदद के बगैर तो फ्रंट पे आ नहीं सकते,
और उनको ये भी पता होता है कि अच्छा अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें गालियां पड़ेंगी आवाम से, बट दे डोंट केयर। मैं अक्सर सोचता हूँ और या मतलब हमारी अपनी आपस में जब कभी भी डिस्कशन होती है, इमरान खान साहब तो चले इस वक्त एक प्राइम मिनिस्टर हैं, वैसे इमरान खान साहब के अलावा आप किसी भी बंदे को देख लें, जो भी आदमी सोसाइटी में कुछ अच्छा करना चाहता है उसको वजीर आजम बनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वजीर आजम बन भी नहीं सकता, वो बन भी नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अगेन देखें एक तो सीधी सी बात है ना, आप अपना सिस्टम देख लें, आपके स्कूलों में दाखिला कैसे मिलता है, उसका एक निजाम है, उसी से आप मतलब स्कूल से आप अप्लाई करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मुल्क में जो सारा निजाम है, चाहे वो CSS है, चाहे वो मिलिट्री के अंदर रिक्रूटमेंट है, हर चीज का एक सर्टन फॉर्मूला है, उसके तहत ही आप जाते हैं। तो जब आप अपने PM का फॉर्मूला देखते हैं, विच इज अ लॉन्ग जर्नी, कि यार आपने एक पोलिटिकल पार्टी बनानी है, फिर आपने लोग चुनने हैं, फिर आपने हुकूमत बनानी है, फिर आपने चेंज लाना है, ये 20-22 साल में अगर फोकस किया जाता किसी सोच को बनाने में, किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में, कोई थिंक टैंक बनाने में, अवेयरनेस के ऊपर काम किया जाता, ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम किया जाता, तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी चेंज हो जाती ना। आप सोच को थोड़ा सा जाविया को बदलने की कोशिश करनी है ना। हम लोग जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमारा स्टैंडर्ड क्या है पॉलिटिशियंस को जज करने का, यार इस पॉलिटिशियन ने अस्पताल बनाया था या इस पॉलिटिशियन ने अस्पताल नहीं बनाया था, इसने सड़क बनाई थी, ये दोनों चीजें हमारी जरूरत है। अब अस्पताल हम बनाते हैं क्यों, क्योंकि लोग बीमार होते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर एक आदमी 5 से 6 अस्पताल बना देगा आप बोलोगे यार इसने बहुत अच्छा किया। अच्छा तो वो होगा ना जो आपको ये बताएगा कि बीमारी क्यों है, आपको एक अस्पताल के बाद दूसरे अस्पताल की या तीसरे अस्पताल की जरूरत क्यों हो रही है। हो सकता है आपकी सड़क खराब हो, उस सड़क पे हादसा बहुत होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम अस्पताल पे अस्पताल बनाते जाएं, यानी हम ना फौरन से चीजों का वो कहते हैं कि एक बस मसला हुआ है हमें जल्दी से कोई इसका सोल्यूशन बता दो कि क्या है, और बस वो जो सोल्यूशन करके देगा वो यही करते हैं शहबाज शरीफ साहब, वो साल के अंदर सड़क खड़ी करके दिखा देते हैं, ये देखो ये लाहौर में आप कभी घूमे ना फिरोजपुर रोड के ऊपर कई ब्रिजेस हैं, उनके नीचे लिखा हुआ है 100 दिन में मुकम्मल होने वाला ब्रिज, मतलब ये कोई फखर का काम थोड़ी है यार कि आपने पुल बनाया। हाँ आप ये कहेंगे ये पुल मैंने बना दिया, अगले 50 साल यहाँ पे ट्रैफिक जैम नहीं होगी, इतना विजनरी बनाया, भले आप उसको 4 साल में बना ले, आई वोंट माइंड। ये जो हमारा है ना फौरन फौरन और सबको अपनी जिंदगी में इंकलाब देखना, ये सब इन इन बातों से सोसाइटी वहीं की वहीं रहती है। ये जो मीनारे पाकिस्तान पे इन्होंने पूरा बनाया है फ्लाईओवर, ये शहबाज शरीफ साहब को सस्पेंशन ब्रिज बनाने का बहुत शौक था, लेकिन वो हमें बनाने आता नहीं था तो हमने नॉर्मल ब्रिज बना दिया, तो उसके ऊपर फिर उन्होंने स्टाइलिस्टिकली सस्पेंशन डाल दिए कि वो लगे कि ये सस्पेंशन ब्रिज है, वो सस्पेंशन ब्रिज नहीं है। सस्पेंशन ब्रिज का मतलब होता है सस्पेंड हुआ हुआ ब्रिज, दूर से जब आप गाड़ी पे आते हो ना तो एक सेकंड के लिए, जब मैं पहली दफा गया था तो ऑब्वियसली हमने ये तो नहीं सोचा था कि सस्पेंशन ब्रेक है, क्योंकि हम नीचे से कई अरसे से पिलर खड़े होते हुए देख रहे थे, लेकिन जब मुझे याद है मैं फर्स्ट टाइम उसके ऊपर से जा रहा था तो मैंने कहा यार रस्सियों का मकसद क्या है बाय द वे, ठीक है, उसके ऊपर पाइप भी लगे हुए, क्योंकि मैं वो सोचा बस हम आ रही है डिस्कशन होती रही, फिर हमने कहा नहीं यार अच्छा ही है ना उसकी लुक निकालने के लिए, जैसा कुछ सिडनी विडनी का कोई ऐसा ना सस्पेंशन ब्रिज जाए और वो रस्सियों ने पकड़ा, वो दूर से अच्छा लगता। तो यही मकसद यही है कि दिखावे के काम हो रहे हैं ना, इवन जो वो कलमा चौक पे बना हुआ है इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, वो दो अलग अलग आने और जाने के अलग ब्रिज बनाए हुए, विच इंक्रीजेस द कॉस्ट, लेकिन वो अपेरेंटली मुझे कोई टीम में ही था, उन्होंने बताया था कि शहबाज शरीफ साहब टर्की गए थे, उन्होंने ये देखा था, उनको अच्छा लगा था, तो उन्होंने बोला ये पता है क्या, ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि ये जहाँ जाते हैं ना, मतलब टर्की चले गए, जो जो भाई टर्की चला जाता है वो टर्की से इंस्पिरेशन ले आता है, जो भाई कभी अगर इनका सिंगापुर का दौरा लग जाए या तो चाइना का दौरा लग जाए, एम्स्टरडेम के दौरे लगवाए, अल्लाह या खुदा वहां से जो ये लेकर आते हैं ये वही लेकर आते हैं। अच्छा यार इस तरह की वहां पे इन्होंने एक टाइल देखी लगी हुई, इन्होंने कहा इसी तरीके की यहाँ पे लगा। अब मतलब आप लाहौर के अंदर फिर रहे हैं, सड़क का नाम मतलब एक अंडर पास से गुजरने, बीजिंग अंडर पास ठीक है यार चाइना हमारा दोस्त है, मुझे उससे कोई मसला नहीं, ठीक है एक हो गया बीजिंग अंडर पास। फिर आप थोड़ा आगे आते हैं तो आप देखते हैं आई थिंक मुस्लिम टाउन बोर्ड का या पंजाब यूनिवर्सिटी का, मुझे भी कंफर्म नहीं, बहरहाल एक अंडर पास अलग से, मुस्लिम टाउन अंडर पास ब्रैकेट कश्मीर, मतलब
अगर आपके पास कश्मीर के लिए एक सेपरेट अंडरपास नहीं है, मतलब अच्छा ठीक है वो मोदी ने वहां पे 5 अगस्त को पूरा जो है ना वो कश्मीर शामिल कर लिया अपने इंडिया में, अब आपने कुछ करना है, आपको नहीं समझ आया आपने क्या करना है, आपने कैसे करो अंडरपास, अंडरपास तो नहीं है कोई, अच्छा चलो किसी एक अंडरपास में कुछ इतनी स्पेस हो कि ब्रैकेट्स के अंदर कश्मीर आ जाए, बस एडजस्ट कर दो, ठीक है। सो ये वो वाली चीजें हैं जो जब आप अपना शहर डेकोरेट कर रहे होते हैं या अपने शहर को आप कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, मैं मतलब दिस इज माय ओपन क्वेश्चन टू एवरीवन, आप पेरिस जाते हो आपको एक फील आएगी ना पेरिस की, आप रोम जाओगे आपको रोम की एक फील आएगी, आप कहीं भी जाते हो आपको उस शहर की एक फील आती है, वो तेहरान हो काबुल हो कहीं भी हो, आप लाहौर कराची या पिंडी आ जाते हो कि जो हमारे कंपैरेटिवली बड़े शहर है, इनका कोई मतलब एक सर पैर नहीं है। एक ओल्ड पार्ट है जो तबाह हालत में है उसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, करेंगे तो इतना गंदा करेंगे कि आप कहोगे कि यार पहले वाला बेहतर था। वही जो आप वैसे किनारे पाकिस्तान आपको अच्छा लग रहा है, इट डजंट जेल इन विद व्हाट्स अराउंड इट, वो लगता है कहीं और से आपने एक प्लांट कर दी है चीज, वो इट डजंट यूज द एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर, या वो लगे कि इन सिंक है विद द मीनारे पाकिस्तान एंड ओल्ड लाहौर, वो बस बना हुआ है यार उसका। Once I had a discussion with a friend of mine who's an architect, तो वो थोड़ा सा defend ये कर रहा था कि नहीं आपने ना urban development को और जो आपका historical culture जो भी होता है आपने उसको साथ लेके चलना। Absolutely. So all the big cities are like this कि आपका जो old architecture style है, patterns हैं, designs हैं, वो भी सब आपने secure करने, but उसके साथ साथ आपने क्योंकि आपका जो architecture है वो functional ज़्यादा है, मतलब उसकी ये नहीं है कि बस मुझे एक बड़ा सा घर बना दो, आपने ये देखना है कि अच्छा किस चीज की आपको जरूरत है, दुनिया में रिसोर्सेज कम हो रहे हैं और इस हिसाब से आपने कंस्ट्रक्ट करना है चीजों को। फिर वही वाली बात है ना कि हम डेवलपमेंट को शहरों में डेवलपमेंट करनी है, उन मखसूस शहरों के स्पेसिफिक एरियाज में डेवलपमेंट करनी है, उन एरियाज के साथ फिर पता नहीं कोई लैंड के बिजनेसेस जुड़े हुए, तो वो इतना आप फिर देखिए नीयत ही नहीं है ना आपकी। आप जो तरक्याती काम कहीं पर करना चाह रहे हैं उसमें आपकी नीयत ही अच्छा चलो ये करेंगे, यहाँ से पब्लिसिटी मिल जाएगी, यहाँ से जमीन मिल जाएगी, अच्छा इसको ठेका दे देंगे इसका भी थोड़ा सा काम निकल जाएगा, लोहे का काम नहीं निकल रहा निकालो यार जरूरी करो, ठीक है लोहे का भी थोड़ा सा काम निकाल दो। सो आपने सबको बांट बूंट दिया, ऑब्वियसली 4 लोगों की जेब में पैसा गया, उनसे 8 लोगों की जेब में पैसा गया, लोगों ने थोड़ा सा गुड फील किया, वेला टप गया आपका, वक्त आपका गुजर जाएगा, लेकिन प्राइस फिर इन द एंड आप ही पे कर रहे होगे क्योंकि आप थोड़े अरसे बाद फिर उसी सिनेरियो में खड़े होगे कि अब क्या करना है, अच्छा इसको गिराओ नई चीज बनाओ। सो वो चीज हमारी अभी भी, मैं भी कह रहा हूँ ना कि हमारे अपने साथ ही क्वेश्चंस नहीं है कि यार अगर हमने कराची को देखना है और हम कहते हैं कि यार ये हमारा कराची है, अब कराची के ऊपर हम बात करें एवरीवन क्लेम्स कराची, मजे की बात क्या है, बलोच कहता है मैं सबसे पुराना, सिंधी कहता है ये मेरा है, माजर कहता है मैंने आके आबाद किया है, ठीक है, और पठान तो वैसे ही एक हमारा ऐसा दोस्त है कि वो तो फिर रहा है सदियों से इधर उधर, ठीक है तो वो भी वहां पे हमारे, अब ये सब कहेंगे कराची हमारा है, सब कहेंगे। आप किसी के एरिया में चले जाओ या किसी के उसके साथ जाके देखो कि अपने इवन यार अपने कम्युनिटी लेवल के ऊपर आप क्या कर रहे हो, आप क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो, आपको आपने कितना अपना आर्ट और कल्चर से निकाल के कुछ करने की कोशिश की, कोई भी रूल कर ले कराची को, कोई सिंधी कर ले, कोई पंजाबी कर ले, कोई महाजन कर ले, कोई भी रूल कर ले, उसकी जो इंस्पिरेशन है वो वही है ना, फ्लाईओवर सड़कें या थोड़ी सी और बस इधर उधर की एक्टिविटीज करवा दी लोगों को, बस हैप्पी हुपी करा दिया, 4 लाइटें लगा ली। आप जिन अगर आप बात करते हैं कि यार यहाँ की बलोच आबादी है, तो मुझे ऐसा होना चाहिए ना कि मैं कराची में आऊं तो मुझे पता चले कि यार यहाँ पे कुछ बलोच कल्चर नजर आ रहा है मुझे, अगर उर्दू बोलने वाले आए थे और उन्होंने आके यहाँ पर कराची को एक बूम दिया, एक आम शहर से एक बड़ा शहर बनाया जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर बना, वो हिस्ट्री मुझे कैसे नजर आएगी। That's what I'm saying, कि हमें लोगों को समझ नहीं आती कि कल्चर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड। अब मीनारे पाकिस्तान की बात चले शायद उसमें कोई फिलोसफी थोड़ी बहुत नजर आ जाए। इफ यू कम टू कराची एंड यू लुक एट बहरिया आइकॉन टावर, उसके साथ आपका एक कल्चरल आइकॉन है अब्दुल्ला शाह गाजी का मजार, वो अब नजर भी नहीं आता। वहां पे एक इतना हिडियस लुकिंग फ्लाईओवर बनाया हुआ है जो लिटरली दुबई की लाइटिंग की हुई है, अपनी तरफ से मलिक रियाज ने आइकॉन टावर दुबई हम बना देंगे, नहीं आप वो लोकल कल्चर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी इज एन आइकॉन, आपने वो बस खत्म कर दिया, इट्स ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट नाउ, दैट शुड बी अ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन योर वर्ल्ड। मैं जो इलाके की पहचान है
हजार साल पुरानी, अगर वो पहचान ही नहीं नजर आ रही, आप कह रहे हैं मैं इसको दुबई बना दूंगा, भाई दुबई क्या है, दुबई तो खुद 40 साल पहले आपने सहरा में एक आर्टिफिशियल शहर बनाया, उसकी तो हिस्ट्री यही है कि वो डेजर्ट है। सही है, कराची वॉज नॉट अ डेजर्ट या लाहौर वॉज नॉट अ डेजर्ट। आप इनकी वही वाली बात है जो हमारे हम किसी को बेकसूर नहीं कह सकते, नॉट जस्ट द पॉलिटिशियन, द ठेकेदार, द आर्किटेक्ट्स, द इंजीनियर्स, एवरीवन। लाहौर में ना जगह जगह नारियल लगा हुआ है, मतलब वो सड़क के बीच में, बस दुबई में होता होगा ना ऐसे, नारियल लगा होता है, सड़क अच्छी लगती है। यार मैं उस दरख्त को देखता हूँ ना, मुझे तरस आता है, वो इस वेदर के लिए है ही नहीं, वो सड़क के बीच गाड़ियों के बीच में उगने वाला दरख्त है ही नहीं, वो है समंदर किनारे ऐसे बस हवा से सारा दिन झूलते रहने वाला दरख्त। आपके जो दरख्त हैं लाहौर के या आपके जो सिंध के दरख्त हैं, वो दरख्त हैं जो साया देते हैं, जो फल देते हैं, जिनकी लकड़ी काम आती है। आप वो दरख्त हटाई जा रहे हो, वो काट रहे हो, फिर आप सड़क बना रहे हो, फिर आप उसके ऊपर नारियल लगा ले हो। अच्छा, इवन जिस जहां जहां मुझे दरख्त नजर आते हैं, जो पुराना लाहौर का दरख्त लगा हुआ है, यार आपको वहां परिंदे नजर आते हैं, आपको एक लाइफ नजर आती है। तो आप एक मतलब ये लोग डेवलपमेंट सोच कैसे लेते हैं कि अच्छा बस वो चमकती हुई सड़क जा रही होगी और उसके दरमियान में नारियल लगा होगा जिसमें ना किसी परिंदे का घोंसला होगा, जिससे ना कोई किसी को फल मिल रहा होगा, ना कोई कभी उसका साया इस्तेमाल कर सकता होगा, इसको आप खूबसूरती कहते हो? मतलब अगर कराची का कोई लोकल पौधा है, मुझे वो पौधा नजर आना चाहिए ना। लाहौर का कोई पौधा है, मुझे वो पौधा नजर आना चाहिए। और अगर वो फलदार पौधे हैं, हम मतलब इतनी लकी लैंड पे रहते हैं, यहाँ पे अक्सर औकात में सुबह फजर के वक्त ना निकल जाया करता था बाइक की एक राइड लेने, या कभी पैदल चले गए तो नहर पे आप जाओ तो जामन लगा हुआ है, और सुबह सुबह लोग जामन तोड़ रहे हैं। अब इतना मुझे अच्छा लगता था ना, मुझे ऐसे वो अपनी बचपन वाली फील आ जाती थी कि यार ये वो रिस्क है जिसके ऊपर किसी का क्लेम ही नहीं है ना। हाँ, एक दरख्त लगा हुआ है, आप उससे तोड़ के खा रहे हो, मतलब ठीक है फल खरीद के भी खाओगे बहुत मजेदार होगा, लेकिन जो तोड़ के खाने का मजा है वो तो है ही नहीं ना। वो हमें बचपन में मिल जाता था कि हमारे घर में होता था या आपके किसी दोस्त के घर में होता था, अब तो हमारी लाइफ से वो भी निकल गया। दरख्त तो छोड़ ही देना, इतनी स्पेस ही नहीं बची आपके घरों में। सो अगर आप सोचें आपके यहाँ पे दरख्त लगे हों जिनके ऊपर फल लगे हों, कोई बच्चे ऊपर चढ़ेंगे, कोई खेलेंगे, कोई एक्टिविटी करेंगे, कोई बॉन्ड बनाएंगे, कुछ पौधे लगाएंगे, वो दमाह उनके खुलेंगे। अगर आप उनको दिखा रहे हो ये सड़क है बेटा, इधर से ऐसे यूं करके गुजर जाना है, फिर ऐसे करके अंडरपास आना है, उसका नाम बीजिंग अंडरपास है, तो मतलब क्या है, एक कंफ्यूज जनरेशन आप पैदा कर रहे हो। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, थोड़ा ये शायद फिलोसफी की तरफ या फलसफे की तरफ चला जाएगा जिक्र, लेकिन मुझे लगता है इंसान जो है ना एक इंतहाई चूतिया स्पीशीज है, जिसको लगता है कि आपकी सराउंडिंग और सब तो मैटर ही नहीं करते, आप बस इंसान को उठाएंगे कहीं भी डाल देंगे, जिस तरह जानवरों के साथ भी करते हैं ना, भले वो पोलर बेयर हो उसको लाहौर ज़ू में डाल दो आप, कोई मसला नहीं है, वो जिंदा रहेगा। जिस तरह आपने परिंदों का जिक्र किया, अगर वो सेंचुरी से एक सिस्टम से चल रहे हैं, उनको पता है किस दरख्त पे जाना है, समर्स में कहाँ जाना है, विंटर्स में कहाँ जाना है, टू द एक्सटेंट के जो दुनिया रोती रहती है और कुछ किसी को फिक्र नहीं पड़ता कि एक डिग्री टेम्परेचर से भी दुनिया ऊपर नीचे हो जाएगी, क्योंकि सारे जो जानवर, सारा जो नेचर है, इट्स अट्यून्ड टू अ वे ऑफ लाइफ। आप अगर वो दरख्त काट के कुछ और लगा देंगे एंड यू थिंक इट वॉन्ट मैटर, इट विल डिस्ट्रॉय, स्पीसीज पूरी एक्सटिंक्ट हो जाती है इस वजह से। वी डोंट थिंक ऑफ आवर सेल्व्स एज पार्ट ऑफ दैट। हमें लगता है इंसान इन सबसे अलग है, हम तो बस ये काट देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट व्हेन यू टेक अवे योर कल्चर, व्हेन यू टेक अवे थिंग्स लाइक योर ट्रीज, योर सराउंडिंग्स, आप उसमें खुश रहेंगे ही नहीं। कहीं ना कहीं आप उसको रैशनलाइज ना भी कर सकें, आपके जहन में एक ताजाद रहेगा, आपको एक फील आएगी कि ये नेचुरल नहीं है। और जनरली भी ये जो अर्बन वे ऑफ लाइफ है ये बिल्कुल नेचुरल नहीं है, आपकी वो एक एंग्स्ट, आपका वो एक डिप्रेशन रहता है, टू द एक्सटेंट कि आप पहाड़ भी चले जाएं थोड़ी देर तो यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। So, अभी जिस तरह कराची में भी वो आइलैंड्स तोड़कर बोलना चाह रहे हैं हम इनको दुबई आइलैंड्स बनाएंगे, आपके लोकल्स वो नहीं चाहते भी, यू आर डिस्ट्रॉइंग द मैंग्रोव्स। अभी जिस तरह जितनी फ्लडिंग आई है कराची में भी, अब आपको पता चला क्या फायदा हुआ, आपने नया नाजमाबाद मंगोपीर लेक पे बना दिया, एक बारिश हुई वो पूरा डूब चुका है 6 फीट पानी में। क्या मिला आपको इस ऐसी अर्बन डेवलपमेंट का, जो आपने दुनिया से या जमीन से कुछ चोरी करके बनाया? यार बात वही है ना, देखो एक लैंड के साथ ना आपकी ओनरशिप होती है, या किसी भी हवाले से आपकी ना एक सेंस ऑफ ओनरशिप होती है, वो सिर्फ आपके कहने से नहीं झलकती।
मैं कहता हूँ मेरे से ज्यादा मुहिब वतन पाकिस्तानी कोई नहीं है। मैंने शुरू में हमने बात की थी ना, हमने चीजों को बहुत ओवरली सिंप्लीफाई कर दी है। 14 अगस्त को झंडा लगा लो, रात को निकल के हूटिंग कर लो, फेसबुक के ऊपर गालियां दे दो और आप एक मुहिब वतन पाकिस्तानी। आप ऐसे मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं बन सकते बेटा। आपको सर्टिफिकेट तो कोई नहीं देगा ऑब्वियसली, लेकिन आपका एक्शन बताएगा ना आप जो भी कर रहे हो। मतलब एक जज है, एक आर्किटेक्ट है, एक डिजाइनर है, एक डेवलपर है, वो ये नहीं सोचता कि यार मेरे बाद मेरे बच्चों ने भी तो रहना है। ठीक है, मैं अभी किसी भी तरीके से पैसे कमा के अपने बच्चों को एक बेहतर एजुकेशन दे दूंगा, किसी तरीके से जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके इनको प्रोटेक्ट भी कर लूंगा, नौकरियां भी लगवा दूंगा, सब काम भी आप कर लोगे। लेकिन एक बात होता है ना कि आप अपने बच्चों को वही इश्यूज दे के जा रहे हो जिनसे आप लड़ते रहे हो। मतलब अगर मैंने सारी अपने बच्चों को नहीं दे रहे ना, दैट्स द पॉइंट, हमारे बच्चों को दे रहे हैं, अपने बच्चों को तो यूएस भेज रहे हैं। गुजार दी थी कि यार मेरी मेरी हाँ नहीं, मतलब वही वाली बात है ना, वो ओनरशिप नहीं है ना लैंड के साथ। वो फिर या तो उनके प्लान ही यही है कि हमने बच्चों को भी बाहर भेज देना और खुद भी बाहर चले जाना है, या कम से कम हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, हमें तो कोई इस नीयत के साथ जब लोग बैठ के काम करेंगे, ठीक है, कि यार आपकी कोई लैंड के साथ ओनरशिप नहीं है, आपकी कोई कल्चर के साथ ओनरशिप नहीं है, आपके अपने आस पास आबाद लोगों के साथ कोई ओनरशिप ही नहीं, आपको उनके कोई दर्द दुख कोई खुशी को गम फील ही नहीं होता, तो वो फिर आपकी चीजें ऐसे ही निकलेंगी। वो सारी की सारी, मैंने कहा किसी भी काम को करने से पहले उसकी नीयत मैटर करती है। आप जो जिस नीयत के साथ कर रहे हो उसने एग्जैक्ट वही रिजल्ट देना है। अगर आप चाहते हो कि इस चीज से आपको सियासी फायदा हो तो फिर इंशाल्लाह आपको उस चीज से सियासी फायदा ही होगा, उससे अवाम को कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन नॉट जस्ट टू ब्लेम कि जो भी सियासत में होते हैं या जो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में होते हैं हम, वो भी थोड़ा सा ना एक आसान काम हो गया कि आप सियासतदान को गाली दे दो या पॉलिटिशियन को गाली दे दो। उसको थोड़ा नैरो करके नीचे लेकर आए ना अपनी जिंदगियों तक, लोग खुद बैठ के अपने साथ एनालिसिस करें ना, अपने घर पे क्या करते हैं। मतलब आपका अपना घर जो होगा ना छोटा सा, उसके अंदर उसको लेके आपकी क्या ओनरशिप है कि अगर कोई चीज खराब हो रही है तो आप उसको, आप किराए के मकान में रहते हो गए, आप कहोगे यार भाड़ में जाए मालिक मकान ठीक कराएगा। अगर आप मालिक मकान हो और किराए के घर में कोई रह रहा है और वो बेचारा जलील हो रहा है, आप कह रहे मैं तो नहीं रह रहा। सो ये चीज बड़ी नीचे करके आती है कि चले बड़े बड़े इश्यूज को तो हम कह देते हैं कि यार ये पॉलिटिशियन है वो तो पैसे में, ताकत में, कुर्सी में, इस चीज के नशे नुशे में हो गए ऐसे। ओ भाई तुम लोगों को क्या हुआ भाई, इतना मो अमालो बिन्नियाद। मुझे इतनी हंसी आती है कभी कभी लोग पोस्ट करते हैं ये हालात अपडेट्स चीजों में, फॉर अ वीक ऑल दिस कचरा हैज बीन इन आवर गली एंड गवर्नमेंट इज नॉट पिकिंग अप। ये आया कहां से कचरा? इसका तो आप जवाब देना कि अगर आपकी बिल्डिंग के पीछे वाली गली में हफ्ते से कचरा भरा पड़ा है, कोई थैलियों में भी नहीं है, खुला लोगों ने कचरा फेंका है, गवर्नमेंट ने तो नहीं फेंका? दुनिया में कहीं गवर्नमेंट का ये काम नहीं होता कि आप अपनी बिल्डिंग से कचरा नीचे फेंकें और वो आके आपकी पोटियां धोएं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना, वही 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 वाली बात है कि आप कम से कम, आप या तो कि आपको अपनी हुकूमत का ना पता हो, आपको अपने इदारों का ना पता हो। आपको पता है आप ही ने जाके दोबारा म्यूनिसिपल में भी आप ही जैसे लोग बैठे हैं, आपका भाई बैठा है, मेरा दोस्त बैठा है, वही लोग बैठे हैं ना इन दी एंड। कोई अंग्रेज, कोई अफ्रीकन, कोई इंडियन आगे हमें रूल थोड़ी कर रहा है यार, हम खुद अपने इदारों में बैठे हैं। पता नहीं हम कैसे जो है ना वो सब ब्लेम कर देते हैं यार, बस ये चीज नहीं ठीक, ये चीज कुछ नहीं होगा। तो इन दी एंड मीडिया ने बड़ा बेड़ा गर्क किया लोगों का, अब वो मीडिया से थोड़ा सा जो है वो उतर गया तो यार सब सोशल मीडिया का गंद है, कौम खराब हो गई है। हम लोग इतने लोग हैं, हम लोग अब गरीब आदमी को एंजॉय करता भी नहीं देख सकते। मतलब अगर वो अच्छा वो क्या करे, क्या करे, वो सारा दिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, वो सारा दिन गोनियाजी कहे, या वो सारा दिन बिलावल के नारे लगाए, या वो सारा दिन जो है ना वो काफिर के नारे लगाए, यार उसका नहीं दिल कर रहा। वो आप सबसे तंग है, उसने गाने लगाए हुए ठीक है, या वो ईंटे तोड़ रहा है, तो अगर वो इंजॉय कर, हाँ वो अगर वो आपको सुन ही नहीं रहा, ये दैट वॉज अ क्लियर सा। मैंने जितना देखा तो मैं देखता था यार असल में इनको जो तकलीफ ये हो रही है कि हम लोग अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, इनको कुछ बताने के लिए कि देखो ये आदमी तुम्हारा दुश्मन है या ये चीज तुमने करनी है या इस मुल्क को मारना है, उनको परवाह ही नहीं है। वो तंदूर पे रोटियां लगाते हुए गाने गा रहे हैं, वो बजरी उठाते हुए नाच रहे हैं, ठीक है, खुश है ना।
और जो उनको देखने वाले हैं वो भी खुश हैं, वो उनको देख के खुश हो रहे हैं, आपको क्या तकलीफ हो रही है भाई? मुल्क में आयरनी समझ नहीं आती हमें लोगों को, जो फेसबुक पे बैठे होते हैं ना, गुड टिकटॉक वाज बैंड, पीपल वर वेस्टिंग टाइम, आई एम लाइक आप फेसबुक पे हैं इस वक्त, आप क्या कर रहे हैं, आप भी वेस्ट कर रहे हैं टाइम, तो वो उनको भी करने दो। टाइम तो एक इंतहाई पर्सनल चीज है ना, मेरी है ना यार, मैं कर देता हूँ वेस्ट, मैं हैप्पी हूँ एक चीज से, आप मुझे आगे क्या बोलोगे क्योंकि तुम किताब पढ़ लो यार, अबे नहीं पढ़नी मैंने किताब, जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने नहीं देते ठीक है, जो नहीं पढ़ना चाहते उनको पढ़ानी है, ये क्या फॉर्मूला है? और टाइम वेस्ट करना चाहिए, आप अगर दिन में 12-14 घंटे सिर्फ काम करेंगे आप मर जाएंगे, मतलब ठीक है बहुत ही बेसिक मुहावरा है, बट ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, बिल्कुल सच है, सारा दिन अगर काम करते रहोगे वेस्ट किया करो, दिन में 2-3 घंटे कोशिश किया करो, बिल्कुल जाया हो। इतना इतना काम ये कर रहे होते ना तो आज हम इस हाल में ही ना होते ठीक है, हम लोग सब एक दूसरे को जानते हैं, मतलब मैं कम से कम मैं आई एम इन मिड 30s, सो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अब एटलीस्ट मेरी जो सराउंडिंग है, जब कभी मैं क्वेटा जाता हूँ जो मेरा शहर है, और मुझे वहाँ ऐसा होता है कि दोस्त वगैरह मिल जाते हैं कोई, चलो बेड़ी दावत करते, तो जब दसर हाल लगता है ना तो आई नेवर फेल्ट कि हम दोस्त बैठे हुए हैं, या आई नेवर फेल्ट कि हम ह्यूमंस बैठे हैं, हमें मुझे हमेशा ऐसा लगता है आपके दस्तरखान पे ना प्रोफेशंस बैठे होते हैं, अच्छा ये अब सिविल सर्वेंट वाली बात आ गई, ये अब आर्मी वाली बात आ गई, ये एक बिजनेसमैन का रोना आ गया, अब सारा घूम फिर के सब मेरी तरफ देख रहे हैं, अच्छा अब तू भी तो बोलना ठीक है, तूने तू भी डिफेंड कर मीडिया को या अपने सिस्टम, सो हम ही है ना, मैं तो जब देखता हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है अच्छा मतलब इट्स नाउ माई जनरेशन इज एक्चुअली टेकिंग चार्ज, और ये सब मेरे साथ पड़े हुए हैं, और हम किस तरह पड़े हुए हैं ये तो मुझे भी पता है ना, अब वो तो नहीं मानेंगे कोई भी, मतलब मुझे बहुत ऐसी आती है, मेरी एक बुरी आदत है, मैं अपने पुराने दोस्तों को पुराने किस्से जरूर याद दिलाता हूँ कि यार तुझे वो वाला टाइम याद है जब हम लोगों ने ये किया था, सो व्हेन आई लुक बैक अच्छा हम किस एजुकेशनल सिस्टम से निकले हैं, हमने कैसे स्टडी की है वो तो हमें पता है, हमारे सामने नया नया इंटरनेट आया था, नया नया कंप्यूटर आया था, मेरी जनरेशन थी जिसने सबसे पहले अपने माँ बाप को झूठ बोला कि हमारे घर में हमारी पढ़ाई अब कंप्यूटर के बगैर, आपके माँ बाप ने भी अपने माँ बाप से झूठ बोला था, ये क्रेडिट ना लें, ये खानदानी सर्कल के आ रहे सिलसिले, ये वो पहले के जो थे जो थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि somehow ना ये जो अपना वाला तो मैं जानता हूँ ना कि ये सारी टेक्नोलॉजी के बहाने और इस चीज के बहाने और एजुकेशन के बहाने और ग्रुप स्टडियां कैसे होती थी, we have done it, हम सब एक दूसरे को जानते हैं कि हम कैसे हैं। आपने नाउम्मीद कर दिया मुझे, मुझे तो लग रहा था कि पाकिस्तान का मसला ये है कि बाबे मर नहीं रहे, बाबे जो है 70-70 साल के वो अब तक हर जगह बैठे हुए हैं, जब जवान लोग आएंगे तो ठीक होगा, आप कह रहे हैं हमारी जनरेशन भी ऐसी है, ये भी अपने जमाने में बाबे ही बनेंगे, तो अब तो मैं दुखी हो गया हूँ यार। नहीं थोड़ा सा वही वाली बात है कि थोड़ा सा फर्क एक जरूर इनको मिलेगा कि क्योंकि जो इनके सामने जनरेशन खड़ी हो रही है ना वो बहुत डिफरेंट है, यानी जो अब मेरे हमारे जो माँ बाप थे उनको हमने ना कोई खास टफ टाइम नहीं दिया, उन्होंने अपना टाइम आराम से गुजार लिया, जो उनकी ओपिनियन होती थी वो इम्पोज हो जाती थी, वो जैसे जी रहे थे वो जी रहे थे, अब के जो पेरेंट्स है ना उनके लिए थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करना लाजिम हो गया। बट ये ज्यादती नहीं है, हमने माँ बाप की भी सुनी अब हम बच्चों की भी सुने, हमारी कब सुनी ये हम दोनों तरफ से जलील हो रहे हैं, आजकल के बच्चे ऐसी बातें करते हैं वो उससे जलील होते हैं, माँ बाप के टाइम हम कुछ कह नहीं सकते थे, वहां से जलील हुए, हमें कब मौका मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा, ये अब आपको समझ आते ना चाहिए कि आपका ये करेक्टर है, मतलब मैं तो इसी तरह देखता हूँ, मुझे ओल्ड स्कूल कह देते हैं लोग, तो मैं कहता हूँ अच्छा मतलब अभी से ओल्ड स्कूल हो गया यार, हो सकता है मैं चेंज हो जाऊँ, मुझे थोड़ा टाइम दे दो। सच है कि जो सारे पुराने इदारे हैं उधर बाबे बैठे हैं, उधर हमारा कोई दाल निकलनी, फिर नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो हमें भी नहीं समझ में आती, तो हम तो बीच में ही पिस गए यार। बस वही वाली बात है ना कि एक मेरा दोस्त अक्सर औकात कहता था यार हमसे पहले वालों ने भी अच्छा वक्त देखा, हमारे बाद वाले भी अच्छा वक्त देखेंगे, ठीक है बस एक हम ही है जिन्होंने ये सब ऐसा था, हमने कहा नहीं यार कोई बात नहीं, हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें देख ली है, और ऑब्वियसली नॉट सार्केज्म है, बट किसी भी पूरी लॉट में कोई एक जैसे तो सारे होते नहीं है, सो वही आता है दुनिया ऐसे तो चल नहीं रही, कुछ लोग तो हैं जो काम कर रहे हैं। पर आपने ये बहुत अच्छी रिफ्लेक्शन वाली बात की कि हम अपने आप को भूल जाते हैं, इवन आजकल के जो बच्चे हैं या इवन जो एडल्ट्स हैं जो बच्चों को कहते हैं कि यार ये देखो कितनी प्रॉब्लमैटिक बात कर रहा है, इसको कैंसिल कर दो, यार आप जब 18-19-20 साल के थे, ठीक है मतलब मैं एडमिट करता हूँ यार, मैंने सारे पठान के जोक्स, मेमन जोक्स, सिंधी महाजर जोक्स सब किए हैं,
बिकॉज दोज वर व्हाट वो फॉरवर्ड आते थे लिटरली एसएमएस पे, ये भी नहीं कि कोई रेसिस्ट, मेहनती रेसिस्ट के 33-10 पे बैठ के तूने पठान जोक लिखा है, जो तुझे 5 मिनट लगे पठानों का मजाक उड़ाने के लिए, तूने मेहनत करके रेसिज्म किया है। Yes, यार आई स्टिल डू, मतलब मैं ऑब्वियसली वो वही वाली बात है कि हम थोड़ा सा उसको ले लेते हैं कि चीजें सेंसिटिव बहुत हो गई हैं, बट हमारी कोई पॉलिटिकल डिस्कशन चल रही होती है, यहाँ पे मेरे साथ लाहौर में एक दोस्त है वो खिलजी है, ही इज नॉट ही मोस्टली डजंट टेक पार्ट इन डिस्कशंस, हम ऐसे हिस्ट्री पे बात करते करते पीछे चले जाएंगे, फिर एक खिलजी बादशाह आ जाएगा, फिर खिलजी बादशाह के किस्से आ जाएंगे और उसके किस्से सुनाते सुनाते हम उसको पॉइंट आउट करना शुरू कर देते, हम कहते हैं तू है तुझ में हमें वो नजर आ रहा है, So, वो हमारे ऊपर बैक में इस तरीके के जोक्स करता है। मैं तो हम इतना एंजॉय करते रहते, लाइक मुझे याद है कि आपने भी ऑब्वियसली कराची में रहते हुए इस चीज को ज्यादा एक्सपीरियंस किया होगा, बाकी शहरों में जरा कम है, क्वेटा में भी ऐसा था कि एक ही क्लास में आपके बलोच बैठे हुए और बलोच भी हम अगेन एक बलोच कह देते हैं, बलोच जरा 3-4 किस्म के हैं, जो मकरान से आ रहा होता है वो बलोच डिफरेंट है, या जो डेरा बुट्टी से आ रहा है वो डिफरेंट है, फिर सिंधी बोलने वाला बलोच जो है वो डिफरेंट है, तो इस तरह 3-4 किस्म के बलोच, 3-4 किस्म के पठान, पंजाबी, हजारा, उर्दू बोलने वाले, हमारा जोक ही एक दूसरे के ऊपर होता था, और ऐसा नहीं है बस एक पता चल गया ना कि अगर अभी ये एक आ गया निर्गे में आ गया, एक पकड़ा गया तो सबने उस तरफ शुरू हो जाना, वो जैसे एक स्टेज ड्रामो वाला माहौल होता था ना जहाँ पे कोई किसी का साथी नहीं है, तो आप इस तरह चीजों को देखते हैं, इट्स नॉट अबाउट कि अब आप डिग्रेड करना शुरू कर दें, आप हेटरेड फैलाना शुरू कर दें, आप गालियां देनी शुरू कर दें, आप फेसबुक के, अब लाइक मैं अपने जितने पठान दोस्त होंगे मैं जब उनके साथ बैठूंगा मैं उनके साथ जोक करूंगा एंड दे विल डू जोक्स ऑन मी, लेकिन ये कौन सी स्टुपिडिटी है कि मैं जाके कहूं कि सारे ऐसे ही होते हैं, ठीक है, या इसने ऐसा किया या फलाने ने हिस्ट्री में एक ने ऐसा किया था बस अब इन सबको हटा, दैट इज वो उसको मैं कोई सेंस ऑफ ह्यूमर भी, क्योंकि इन दी एंड आप इन्हीं चीजों का मजाक उड़ाते, मैं आपकी किस चीज का मजाक उड़ाऊंगा ना, आपने छोटी कमीज पहनी होगी मैंने लंबी कमीज पहनी होगी, आपने पजामा पहना होगा मैंने बड़ी शलवार पहनी होगी, आप मेरी बड़ी शलवार का मजाक उड़ा लोगे मैं आपके पजामे का मजाक उड़ा लूंगा। As a comedian, the general rule of thumb is you make fun of what they do, not who they are. लेकिन आपके let's say जो close circle है, consent वाली बात आ जाती है ना यार, जिस तरह मेरा एक दोस्त है वो शिया है, सारे बचपन हम एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं कि तू मेरे खाने में थूकता है, नहीं तू मेरे खाने में थूकता है, इट्स फाइन फॉर अस टू डू दैट बिकॉज हम दोनों का एक हम आपस में कर सकते हैं, यू कांट डू दैट ऑब्वियसली, बट मी बीइंग अ सुन्नी मेल आई कांट गो ऑनलाइन एंड डू इट और आई कांट डू इट इन माय सेट बिकॉज ऑलरेडी एक शिया परसिक्यूशन चल रही है, तो when you have platforms or you do things publicly, like जिस तरह अगर कोई पठान जोक अपने फेसबुक या ट्विटर पे करते हैं, दैट्स प्रॉब्लमैटिक, लेकिन अगर आप दोनों की एक आपस की रिलेशनशिप है, इट्स अबाउट कंसेंट, लाइक काले अगर आपस में एनवर्ड यूज कर सकते हैं, दैट्स फाइन, दैट्स देयर डायनामिक, आप जाकर नहीं कर सकते, जो हमारे आजकल के बच्चे बड़े कूल बनने के लिए यूज कर रहे होते हैं, यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट कल्चर, यार बस वही है ना, अभी ये चीजें नहीं है, हम भी, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि यार पहले रेसिज्म नहीं था, रेसिज्म भी था, रेसिज्म आज भी है, आपको आपके तालीमी इदारों में भी मिलता है, आपको अपने जो सरकारी इदारे हैं आपको वहां पे भी मिलता है, आप कहीं भी चले जाते हो ना आपको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे, मतलब अब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं एक अपार्टमेंट बिल्डिंग अभी रेंट कर रहा था, उन्होंने बोला आप अपनी एथनिसिटी बताएं, मतलब मैं कराची में रहता हूँ, मे बी बिकॉज मैं शायद थोड़ा प्रिविलेज हूँ तो मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं करता, लेकिन मैं चौंक गया था, एक्सक्यूज मी इससे आपका क्या ताल्लुक है, मैं आपको रेंट दूंगा, आप देखें सारी जो भी रिक्वायरमेंट है, मेरी एथनिसिटी का क्या डालो, दे लाइक नहीं सर हम सिंधियों को नहीं देते, सो या दिस थिंग्स हैपन, सो बिकॉज़ मे बी मेरी वो आइडेंटिटीज नहीं है तो मैं इतना नहीं एक्सपीरियंस करता, बट लोग नहीं देते होंगे शियाओं को, लोग नहीं देते होंगे दूसरी एथनिसिटी या पठानों को, जो भी जिसके भी खिलाफ ज्यादा रेसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन है कराची में, दिस इज प्रॉब्ली अ थिंग, आप वही कहते हैं, मुझे अभी आप शिया की बात कर रहे थे तो मुझे एक दफा किसी ने पूछा, दोस्ती थी हमारी एक शिया, उसने कुछ खाने के लिए लाके रखा तो मैं ऑब्वियसली बड़े जोशो खरोश से खा रहा था, उसने कहा मैंने नोट किया तुम्हें नहीं मसला होता, मैंने कहा किस बात से, उसने कहा मतलब अक्सर लोग औकात लोग थोड़ा ऐसे न्याज को लेके भी कॉन्शियस होते हैं ना कि ये न्याज खानी है और ये न्याज नहीं खानी है या दैट टाइप ऑफ थिंग, तो क्योंकि मैं थोड़ा सा
अज्यूम किया जाता हूँ कि थोड़ा सा शायद रिलीजियस हार्डकोर होऊंगा, जो कि शायद हूँ भी. तो मैंने कहा यार, हमें ना बहुत पहले किसी ने कहा था कि खाना अगर मजेदार है ना तो बस ये एक चीज काफी है खाने के. हलीम का कोई मजहब नहीं है. ठीक है, हाँ, अगर आपको एक चीज अच्छी नहीं लगेगी तो आप कैसे खाओगे ना. ठीक है, वो तो नामुमकिन हो जाएगा. अब एक दोस्त, शिया है या सुन्नी है, हलीम मजेदार है. बात सिर्फ ये है कि अगर मजेदार है तो आप खाओगे. मैंने कहा यार हम तो खा लेते. ठीक है, मुझे नहीं पता आपने अगर वो क्लिप सुनी है, बट पाकिस्तान को वो बाबा चाहिए. वो लाहौर की एक बड़ी मशहूर क्लिप है कि पावे कोई सुन्नी होवे पावे कोई शिया होवे, जेड़ा जेड़ा दमाल नहीं पाएगा. ये फलसफा होता ना पाकिस्तान का, तो हम बहुत तरक्की करते हैं कि पावे तू सिंधी शिया हो दमाल पाओ. I think है, मैं वही कह रहा था ना कि आप अपने क्लोज सर्कल में एक चीज एंजॉय करते हो ना, मैं अपने क्लोज सर्कल में एक चीज एंजॉय करता हूँ. हमें ये चीज पता है कि हम यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं या हम किसी इदारे में जाते हैं, हम डिफरेंट एथनिसिटीज के लोग दोस्त भी बनाते हैं, उनके साथ मजाक भी करते हैं, और कुछ के साथ हमारे क्लैशेस भी रहते हैं. अब जब हम किसी को दोस्त बनाते हैं तो हम कभी ये नहीं कहते यार ये सिंधी है इसलिए मैंने उसको दोस्त बनाया. लेकिन जब हमारा किसी से क्लैश होता है तो हम कहते हैं यार ये चूंकि सिंधी है इसलिए इसका मेरे साथ क्लैश हुआ. ठीक है, सो इसलिए चीजें जो है ना थोड़ी भी, मैं हैरान होता हूँ कि ऐसा नहीं कि हमें किसी ने आगे लिबरेट करना है. मुझे अर्ली उस पर मेरा पिछले दिनों एक सिंधी से मुलाकात हुई, चाचड़ दोस्त है हमारा, तो मैं उसके साथ बैठा हुआ था. तो काफी देर, बहुत लंबी एक डिस्कशन के बाद मैंने कहा यार एक छोटा सा कन्फेशन कर लूं अगर बुरा ना मनाया. तो उसने कहा, मैंने कहा यार मुझे ना, मैं जब पहली दफा सिंध आया ना अपने बचपन में, मैंने कहा मुझे सिंध बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत गुस्सा आया सिंधियों पे ना. तो उसने कहा अच्छा. मैंने कहा यार ऐसा था कि एक तो हमने सुना बहुत कुछ था कि बस जरा सिंधी जो है ना जरा पाकिस्तान वाकिस्तान में इतना खास बिलीव नहीं करते, ये बस जरा अपने मस्त मस्त हैं, रिलीजन से भी थोड़े से दूर दूर ही हैं, और दे आर टू गुड विद हिंदूज एंड ऑल दैट, इस तरीके की बातें. मैंने कहा मैं सिंध आया, मुझे सिंधी नहीं आती थी, मैं उधर फिर रहा हूँ, मैं किसी के साथ बात करूँ, किसी दुकान पर कोई चीज लेने चला जाऊँ, मैं उर्दू बोलूँ, वो मुझसे मतलब आगे जवाब नहीं देते थे, सिंधी बोलते थे. तो वो जो मेरा रिएक्शन था वो हेट्रेड में काइंड ऑफ चेंज हो गया. और उसके बाद मैंने कहा एक दो लोग भी अब ऐसे हमने देखे कि फिर हमें कहा अच्छा यार ये तो है ही ऐसे. वही चीज इवेंचुअली करते करते वही बात है कि आपके बचपन में आप उसको फिर लार्जर स्पेक्ट्रम पे जब ले जाते हो, आप कहते हो बीबी भी ऐसी ही है. मतलब आप बीबी को देख ही नहीं रहे, नहीं, बीबी सिंधी है ना, जरदारी तो सिंधी है ना, तो वो चीज रही. बट लेटर ऑन बलोच नहीं है बाय द वे, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, आई थिंक जरदारी बलोच टाइप. जरदारी ट्राइब इज बलोच, बट सिंध में बलोच और सिंधी वो अगेन एक बड़ी कास्ट की डिवीजन है. तो आई डोंट वांट टू गो इन दैट. ही इज मैं पर्सनल ले गया, मैंने पर्सनल ले लिया था. आई सेड मेरी सफ में क्यों आप खड़े कर रहे हैं. अब मैं बाहर का एक आदमी हूं ना, तो मैं बता रहा हूं. सो मैंने खैर मैंने उस अपने चाचा दोस्त को कहा, मैंने कहा यार मैं ना बस ऐसे कन्फेशन कर रहा था कि एक टाइम पे मुझे अच्छे नहीं लगे थे और मेरा नजरिया मजबूत हो गया था जो बचपन में आपका बना होता है इधर उधर की बकवास बातों से. बट मैंने कहा लेटर ऑन वो इतना रिवर्स में चेंज हुआ कि जब मेरी एक्चुअल में सिटिंग सिंधी और बलोच ज्यादा इनके साथ होने लग गई, तो वो ना अब जो स्टोरी आपको नजर आने लग गई वो तो कभी हमने सुनी नहीं थी, कभी हमने पढ़ी नहीं थी. हम तो मुताला पाकिस्तान की किताब और पीटीवी को देखते आ रहे थे, उसके बाद तो कुछ मिल नहीं रहा था. ऑब्वियसली स्कूल वगैरह भी आप घर के पास ही होते हो, ये तो कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में, या जब आप बाहर अपने थोड़े से सर्कल से निकलते हो और आप ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, देन यू रियलाइज अच्छा यार ये मेरे जैसा ही है. और ये रीजन है अगर वो उधर उर्दू नहीं बोल रहा था या उसकी दुकान पर अगर सिंधी में बोर्ड लगे हुए थे, क्योंकि आप कोयटा में या लाहौर में फिरे ना तो आपको यहाँ पंजाबी में या कोयटा में आपको पश्तो में बहुत कम बोर्ड नजर आएंगे. बट सिंध मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि दुकानों के बोर्ड्स भी सिंधी में लिखे हुए हैं, स्टूडेंट टीचर भी सिंधी में बात कर रहा है. हम थोड़ा कॉमेडी भी करते थे कि यार फिजिक्स पढ़ रहे थे सिंधी में, मतलब हाउ कैन यू अंडरस्टैंड ग्रेविटी इन सिंधी. ठीक है, सो हमारे लिए ना ये बात ही बड़ी अजीब सी थी. वही वाली बात है जब लेटर ऑन रियलाइज करता है इंसान. तो मैं उसको उसके सामने चाचर के सामने कन्फेशन कर रहा था और उसने एंड ऑफ द कन्फेशन किया, उसने कहा कोई बात नहीं है, ऐसी ही सोच मेरी भी आप लोगों के बारे में. हम सब एक दूसरे के बारे में ऐसे ही सोचते हैं अंटिल वी एक्चुअली मीट. क्या जरूरत है हमें कि हम एक दूसरे को सिर्फ टीवी ड्रामों से जाने. या मैंने एक शिया के बारे में जानना है तो मैं अपने सुन्नी मौलवी के पास जाऊंगा ये पूछने के लिए कि बताओ शिया कैसे होते हैं. अभी शिया के बारे में जानना है तो किसी शिया से जाके मिलो ना यार.
तुम्हें किसी सिंधी के बारे में बहुत तुम्हें वो हो गई है, एक ओपिनियन बनाने का तुमको आ गया है, तो किसी सिंधी से कारोबार कर लो, सफर कर लो, साथ बैठ के खाना खा लो। ये प्रिंसिपल्स सिखाए गए हैं ना हमें हमारे रिलीजन की तरफ से, ये तीन चीजें आप कर लें, आप बंदे को बिल्कुल जज कर लें, तो आई डोंट डू दैट। तो आप इंटरेक्शन करेंगे, आपको पता चलता जाएगा, अच्छा भाई इस्माइली ऐसे होते हैं, शी ऐसे होते हैं, सिंधी ऐसे होते हैं, इंडियन, आपको तो चलता सारे इंसान है, सबकी वो ही जरूरियात है, वो ही स्टीरियोटाइप्स हैं, वही मूवमेंट ऑफ लाफ्टर्स हैं, वही सॉरोज हैं, क्या उससे डिफरेंट है? जिस तरह आई हैड कुमेल ऑन द पॉडकास्ट, वो यही कह रहे थे, कहते हैं भाई शामे गरिमा के बारे में हर तरह की गलत बातें की जाती हैं। लेट से आपका यकीन है, आप एक सुन्नी आदमी, आपको यकीन है कि शामे गरिमा पे तो ये होता है, जिस तरह की हमारी आवाम है, आजो मतलब अगर आपको वाकई लगता है कि यार ये होता है, आप काले शलवार कमीज पहनो और चले जाओ, आप देख लो खुद ही। मतलब ये एक डिस्कस्टिंग के लेवल से भी ज्यादा वो है कि हाउ कुड यू इवन बिलीव सच थिंग ना, क्योंकि देखे चले आपका सेक्ट और होगा, मेरा सेक्ट और होगा, आपका रिलीजन भी और होगा, मेरा रिलीजन भी और होगा, हम एक ही शहर में रहते हैं, आप मुझे रोज मिलते हो, आप मुझे देखते हो, मेरे साथ कारोबार करते हो या स्कूल जाते हो या मेरी बस में सफर करते हो, जो भी, और एक दिन आप ये इमेजिन कर लेते हो कि जो आज की रात होगी एक साल में साल, आज मैं बिल्कुल कुछ और ही बिहेव कर लूंगा, मैं फनेटिक हूँ, मतलब मैं और सुबह फिर मैं नॉर्मल आपके साथ फिर रहा हूँ, रात को अंबू लैनिस्टर, सर्सी लैनिस्टर, सुबह आदि लफ्ज, हाँ मतलब ये वही वाली बात है कि ये हम उस इतना सा भी टाइम नहीं देते जब हमें कोई चीज हमारे जहन में दिमाग में जा रही होती है कि कोई हमें बता रहा होता है और हम सुन लेते हैं, एक वो जो होता ना कि एक मिनट यार ये बात बस इतना सा कर लेना, अगर आप किसी कोई आपको बता रहा है और आप हल्का सा उसको रोक के कहें कि यार ऐसे अगर है तो ऐसे क्यों नहीं, और आपको पता चलेगा कि फिर किसी के पास भी बैक एंड उसको प्रूफ करने के लिए कुछ कहानी नहीं। मैं आप देख ले, आप मैंने तो नहीं आज तक देखा कोई बंदा ऐसा मिले जो कहे कि यार मैंने अपनी आंखों से फला चीज देखी। आई एम नॉट ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शामे गरिमा, वैसे भी जनरल कॉन्स्पिरेसीज भी जो हम फैलाते हैं, हमेशा किसी दोस्त ने देखी होगी, फलाने आदमी ने मुझे बताया था, भाई तुमने जिंदगी में इतने साल कहाँ गुजारे हैं, देखा हो तुम अपनी आंखों से वही जो आप कह रहे हो। इसीलिए तो हमें सुन्नी कहते हैं, हम सुनी सुनाई बातें मान लेते हैं। यार ये बात पता है, मैं अपने घर पे कहता हूँ ना, मेरे घर वाले मुझे बड़ा कहते हैं, मतलब दे गेट ऑफेंडेड कहते हैं, खबरदार। मैं कहता नहीं नहीं, मैं कह सकता हूँ, मैं खुद हूँ, मैं अपने बारे में नहीं, मैं कोई और गए तो बुरा लगता है, बट ऐसा है यार, हम सारे ही सुनी सुनाई, सुनी सुनाई गौर से सुनते भी नहीं है, वही वाली बात है, सुनी सुनाई भी नहीं है। हमारे ह्यूमन राइट्स लॉयर थे, वो कहते थे पॉवर्टी का लफ्ज ना इस्तेमाल किया करो, इम्पावरिश्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया करो, क्योंकि पॉवर्टी इम्प्लाई करता है कि बस खुदा की दी हुई एक चीज है जो कि रहेगी, इम्पावरिश्ड का लफ्ज एजेंसी अप्लाई करता है कि किसी ने इनको गरीब किया है, गरीब पैदा नहीं होता, कोई ना कोई होता है जो उसको गरीब करता है। तो उसी तरह अक्सर ऐसी चीजें हैं जो हमें लगता है कि बस हैं, लेकिन वो की जाती हैं, नफरतें जो फैलाई जाती हैं, आप कह रहे हैं सिंपल सोल्यूशन है, बात करो, देखो, लोग बेनिफिट करते हैं फ्रॉम दैट कॉन्वर्सेशन नॉट हैपनिंग, कि ये एक्सचेंज ना हो, कि ये बातें ना हो, कि ये गुफ्तगू ना हो, इवन समथिंग एज सिंपल एज टिकटॉक अगर बैन हो, कि ये आवाज गरीबों को मिल कैसे सकती है, या ये प्लेटफॉर्म गरीबों को मिल कैसे सकता है। इट कुड इवन बी एज बेसिक एज कि यार ये सारा दिन खेत पे काम नहीं करता, दो घंटे जाया करता है टिकटॉक पे, इसकी औकात क्या है, इसको इसको ये चीज होनी नहीं चाहिए इसके पास। सो दीज नफरतें, a lot of people benefit from that and we don't ever yes. have that conversation ki ye inka fayda hai ye ladaiyan karwane mein, ye privileges hai na, aap aur main kis position mein baith ke kehte hain ki ye nahi hona chahiye ya ye hona chahiye, ek hame clear baat karni chahiye na, like main kehta hu aap kehte hain tiktok ban nahi honi chahiye, main kehta hu nahi tiktok ban honi chahiye, who am I to say, ya to main kahun ki yaar I'm just giving my own opinion, बस एक छोटी सी मैं राय दे रहा हूँ, मैं फैसला नहीं सुना रहा, मैं उसके पीछे कोई बहुत ज्यादा जोश जज्बा, मुझे मेरी राय है मुझे लगता है, और फिर उस राय को मैं जस्टिफाई करने के लिए कोई रीजंस दूं, कोई और बातें करूं, ये प्रोसेस ही नहीं है ना हमारी उस चीज में। हमारी है प्रिविलेजेस, वो प्रिविलेजेस क्या है, अच्छा मुझे थोड़ी सी एजुकेशन मिल गई है, मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर मिल गया है, नाउ आई थिंक इफ आई डू समथिंग तो वो मसला नहीं है। ये लोग इनको क्या पता, मतलब वही है ना इनके हाथ में, अब देखें वही वाली बात जो आजकल तो गरीब के हाथ में भी मोबाइल फोन है,
तो यार गरीब में पैसों से लिए ना, तुम्हारी जेब से थोड़ी निकाल के लेके, गरीब के हाथ में फोन है, तुम्हें क्या तकलीफ है तुमको? अब क्या, अब देखें अमीर आदमी का मसला क्या, अमीर आदमी ने या प्रिविलेज आदमी ने ना यूनिक होना होता है। मैंने मैंने जो अपने अंदर मतलब ये अपने उसमें ऑब्जर्वेशन, अब आईफोन से बड़ा फोन ही नहीं है दुनिया में, ठीक है वो आप भी ले सकते हो, थोड़े से पैसे जमा करके मैं भी ले सकता हूँ, कमेटी डाल के कोई औरत भी ले सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। अब आपको तकलीफ होगी कि यार उसके पास भी आईफोन 12 है, फिर आप क्या करोगे, आप उसका सोने का कवर बना लोगे, फिर आप उसके ऊपर हीरे लगा लोगे जो अरबी करते हैं। मैंने देखे भाई इतना बड़ा फोन है, फोन पे क्या है जी, फोन 1.5 लाख रुपए का है, 2.25 करोड़ के उसके ऊपर हीरे लगे हुए, नाइस। आपको इतना डिफरेंट होने का शौक क्या है, क्या साबित करना चाहते हो कि मैं इन जैसा नहीं हूँ, मैं इन जैसा नहीं हूँ? यही है, बिल्कुल यही है। ये अभी जब टिकटॉक बैन हुआ तो ये मैंने काफी सोचा, एंड आई वाज लाइक ये जो आप एंग्स्ट देख रहे हैं लोगों में, ये मेरे अंदर क्यों नहीं है, या ये मेरे सर्कल्स में क्यों नहीं है, या मैं जिन लोगों को जानता हूँ उस वजह से क्यों नहीं है? अ लॉट ऑफ दैट देन आई रियलाइज, थोड़ी सी मैंने स्टॉक भी किया जो लोग गालियां दे रहे थे टिकटॉक को, इट्स मिडिल क्लास एंग्स्ट, इट्स मिडिल क्लास दैट वॉन्ट्स टू बी अपर क्लास, दैट इज सेइंग वी आर नॉट लाइक दीज पीपल, ये जो लोअर क्लास लोग हैं ये हमसे अलग हैं। जो बहुत अमीर है वो चिलिंग में, उसको नहीं फर्क पड़ता कि गरीब क्या कर रहा है, ठीक है मेरा ड्राइवर है उसको फोन भी दो, खुद देगा वो, जो बहुत ही अमीर है वो उसको फोन भी देगा, उसको गाड़ी भी देगा, लैपटॉप भी देगा, उसको पढ़ा भी देगा, उसको नहीं फर्क पड़ता। फर्क पड़ता है मिडिल क्लास को ये, और ये कॉलोनियल माइंडसेट है कि भाई एक तरफ तो आपके सब्जेक्ट्स हैं और एक तरफ आपके कॉलोनियल मास्टर्स हैं। जो लोग सोशल क्लाइंबर्स होते हैं वो कहते हैं हम इन सब्जेक्ट्स में से नहीं है। तारीख अगर हम देखी जाए, अक्सर हमारे जो अमीर खानदान है जो अभी भी बड़ी वो बातें करते हैं या कल्चरली सेंसिटिव बातें करते हैं, यू मेड अ लॉट ऑफ योर वेल्थ फ्रॉम लैंड होल्डिंग्स दैट वर गिफ्टेड टू यू बाय द ब्रिटिश बिकॉज़ योर एंसेस्टर, आप माने ना माने, आपके एंसेस्टर्स ब्रिटिश के गुलाम थे और अपने लोगों को बेचकर, अपने लोगों पे जुल्म करके उन्होंने ये पैसे कमाए या ब्रिटिश से फेवर्स कमाए, दैट्स हाउ दे मेड देयर मनी। So, ये मिडिल क्लास एंग्स्ट आ रहा है, ये वही कॉलोनियल मेंटालिटी है दैट वी आर क्लोजर टू द कॉलोनियल मास्टर्स। ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये इनका, हाँ ये जाने, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी राइटली पुट, के अभी जो बैठे हुए हैं ना, जो अपने आप को बड़े मौजज़ीन समझते हैं, लाइक जो भी हमारे सरदार होंगे, गतिनिशीन होंगे, या हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, जो भी आप इनका उठा लें, कुछ अरसे पुराना किसी जमाने में बेनिफिट हुए ना। अब ऑब्वियसली वो बेनिफिट ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने कोई अंग्रेज को गोली मार के जगह छीनी हो, वो ऐसे 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 तो हिंदुस्तान में मुझे नहीं याद कि किसी ने किया होगा, अंग्रेज को मार मूर के निकाला, सबने उसका हाथ पकड़ के बनाया। अब वो ना रिप्रोड्यूस करते हैं। एक हमारे टीचर थे, वो कहते थे कि अंग्रेज ने ना यहाँ पे एक फैक्ट्री लगाई, उस फैक्ट्री से ना बाबू बन के निकलते थे, और उन बाबुओं का ये काम होता था कि वो बाबू रिप्रोड्यूस करते थे। सो वही, जब वो बाबू निकले, वो बाबू कुछ सिविल सर्विस में चले गए, वो बाबू एजुकेशन में चले गए। अब जब एजुकेशन में गए तो उन्होंने वैसा ही करिकुलम बनाया जिससे सिर्फ बाबू ही पैदा हो सके, ठीक है, उसमें थिंकर की गुंजाइश नहीं है। उसने कह दिया कि यार बाकी दुनिया में 50% लोग, मतलब 50% होनी चाहिए, इंडियंस आर डम, इनको 33 पे पास कर दो। हमारा आज तक स्केल 33 है कि हाँ हम डम है, हमें 33 ही चाहिए, हमने डम्बेस लेकर आने। तो अगर आप अपने वो सिलेक्शन प्रोसेस देखो, आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ये जो सारे इदारे हैं, अभी भी वही लोग हैं, वही लोग निकल रहे हैं जिनकी ये मेंटालिटी है कि यार हाँ हम गोरे से बात करते हैं, ठीक है, और अगर कोई और करेगा ना। ये सर थोड़ी सी अगर मैं पॉलिटिकल डायमेंशन में आगे कहूं ना, तो जो सॉवरेनिटी ऑफ द प्रोविंसेस है ना, वो फेडरेशन को क्यों बुरी लगती है? वो इसीलिए बुरी लगती है कि अच्छा आप सिंधी खुद जाके डील कर लेगा, कल को ये बलोच खुद बैठा होगा अरबियों की तरह और ये अपनी जमीन के तेल के सौदे कर रहा होगा, नहीं मैं करूंगा। अगर बलोच ये कहता है कि यार बेचने ही है मल्टीनेशनल्स को, तो मैं बेच देता हूँ ना, मैं रहता हूँ अपनी जमीन पे, मेरी जमीन का तेल है वहां पे, तो नेशनलिज्म आ जाता है। तो ये वही सोच है कि हम कर लेंगे बात, हमें सब पता है, ठीक है ना। फौरन से आप राजपाल यादव बन गए थे। मैं करूंगा, मैं अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा हूं, मैं बिल्कुल गाने फिल्में भी देखता हूं, मुझे ये भी आता है, मेरे अंदर गैरत की भी कमी है, मैं सारे काम कर लूंगा, मैं जाके अंग्रेज से बात कर लूंगा। सो ये वो थॉट है जो बड़ी नीचे से पैदा की जाती है, क्योंकि इन द एंड आप देखो ना, हम कहते हैं कि यार इस मुल्क में तालीम जब तक नहीं होगी ना, ये मुल्क नहीं सुधरेगा।
कौन सी तालीम यार, इस तालीम में तो बेड़ा गर्क, यही तालीम से निकल के लोग हम पे रूल कर रहे हैं ना, ये कौन सी तालीम। मुझे मेरा एक सीनियर था, वो पठान था, अगेन अब फिर वही हम दोबारा से उस बात पे चले जाते कि इंटरेक्शन जब आपका होता है, तो सब पठान सीनियर था बल्कि, वो एक दिन बैठा हुआ मुझसे पूछ रहा, कहता है यार तुमने कभी गौर किया है ये तालिबान लोगों के ना ब्रेन वॉश कर देते हैं, और उसके बाद वो लोग जाके किसी की मस्जिद में, किसी के इमाम बारगाह में, किसी के जगह पे फट जाते हैं, मर जाते हैं। मैंने कहा सुना तो यही है कि वो ब्रेन वॉश कर देते हैं। कहते यार हम लोग 12 साल स्कूल में पढ़ते हैं, 4 साल कॉलेज में लगाते हैं, फिर 3 साल यूनिवर्सिटी में लगाते हैं, हमारे लाखों टीचर्स हैं, सैकड़ों अखबारात हैं, लाखों मसाजिद हैं, टीवी है, कोर्ट सिस्टम है, मतलब पूरा मुल्क एक बंदे को तैयार कर रहा है और एक तरफ एक मौलवी एक बंदे को तैयार कर रहा है। उसने कहा उसका बंदा फिर तुमसे बेहतर निकल जाता है, मतलब इन द एंड वो अपनी कॉज पे तो मर जाता है ना, वट एवर आप छोड़ दें कि वो ठीक कर रहा है वो गलत कर रहा है, हम सिर्फ भी देखते हैं हमारा दुश्मन है। उसको मौलवी ने तैयार किया और वो अपनी कॉज पे जान दे गया अपना जो भी उसका होता। अगर आप उसके उससे बेहतर होने के दावेदार हैं तो कम से कम आपके रिजल्ट तो यहाँ पे अच्छे हो ना। हम अक्सर कहते हैं यार वजीरिस्तान में बड़ा जुल्म हो रहा है, वहां पे तालिबान थे तो वहां पे ये था तो वहां पे था, तो वहां पे निजाम को लेके जाएंगे। बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानता हूँ वहां पे निजाम को लेके जाए, किस निजाम को, ये अदालतें, इन अदालतों ने 70 साल इस मुल्क के इस हिस्से पे जहां पे हम, मैं अगेन आई एम नॉट सपोर्टिंग द ट्राइबल सेटअप के लोग गोलियां लेकर आ जाए, कलाशनकोफे रखी हो, 8 दिन में फैसला हो रहा हो, जिरके हो रहे हो, पंचायतें हो रही हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमारे पास इससे बेहतर चीज है, वो बेहतर चीज कहाँ है सर, वो बेहतर चीज हमें भी तो दिखाए ना। अगर आप कहते हैं मैं वहां पे हेल्थ सिस्टम लेके जाऊंगा, वहां पे तो हेल्थ ही नहीं है, वहां पे बेसिक हेल्थ यूनिट्स ही नहीं है, यहाँ पे कहाँ है, ये 70 साल से बलूचिस्तान आपके अंदर है, यहाँ पे कहाँ है सर। उन्होंने कहा उन्होंने कहा दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने, अपने बच्चों को थोड़ी पढ़ाने, और हमें पढ़ा दो यार, हमने ही और इनको जो पढ़ा रहे हो इनको कोई सही चीज भी तो पढ़ा दो ना, इनको खुदा के लिए इनका करिकुलम तो बदलो यार। मेरा जितने मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, आई होप अगर कोई इतनी देर तक हमारी बात की अभी तक सुन चुका होगा, आई चैलेंज, मैं चैलेंज करता हूं कि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो बड़े फखर से कि आप किसी पाकिस्तानी को पकड़े उसको पूछे पाकिस्तान किसने बनाया, वो कहेगा कायदे आजम ने, उसके बाद आप उससे पूछे कैसे बनाया, अगर उसने आपको कैसे का जवाब दे दिया ना, तो फिर आप मुझे बिल्कुल आगे पकड़ सकते हैं कि यार मुझे फला बंदा मिला था उसने मुझे सब समझा दिया। वो आपको 14 पॉइंट सुना सकता है ज्यादा से ज्यादा रटे हुए। मैं सर 14 पॉइंट्स देखें, मैं वही कह रहा हूँ ना, जब आपके सामने बंदा ये कहे ना कि हाँ मुझे 14 पॉइंट्स आते हैं, आप उसको कहें सुनाए, वो कहेगा सिंध को बंबई से अलग किया जाए, ये उसका एक पॉइंट है, आप कहें क्यों किया जाए, इसकी रीजन क्या थी, ये तुम्हें पता है कि उस वक्त अगर कायदे आजम कह रहे थे कि सिंध को बंबई से अलग टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी थ्री नेशन बन चुकी है अभी। सो ये हमने चीजों को ऐसे याद की नहीं है, हम समझते हैं हमने बहुत तालीम याफ्ता लोग निकाल दी, तालीम याफ्ता बेचारे वो जो इस निजाम में किसी तरीके से कुछ अपना जोर लगा लोगों के पढ़ लेते हैं, वो बेचारे अच्छे मेहनती लोग हैं जिनको खुद कोई कंसर्न है यार, इसीलिए तो हम उनका मुंह काला करते हैं, इसीलिए तो उन लोगों का मुंह काला करते हैं कि तू तू हम निजाम को गाली कैसे देंगे, तू हमसे निकल गया, इट लुक्स अस मेक्स अस लुक बैड ना यार, मतलब इट्स हॉरिबल। सर आप फायदा देखें ना, मैं अपनी क्लास में हूँ 30 के 30 फेल हो रहे हैं, मैं बाप के साथ जाके बोलता हूँ सर पूरी क्लास फेल हुई, हम 30 फेल हो, एक को हार्वर्ड में स्कॉलरशिप मिल जाए, मेरा बाप तो मुझे जूते मारेगा ना। तो फिर मेरे पास रीजन क्या होगी, या मैं उसकी एथनिसिटी पकड़ लूं, या मैं उसका सेक्ट पकड़ लूं, या मैं उसका रिलीजन पकड़ लूं। पाकिस्तान में से कोई तरक्की करता है ना तो सही सबकी सड़ती है कि तुझे कैसे हॉस्टल अच्छा देख दे सर। मैं अब्बू को क्या रिजल्ट देता हूं, उल्लू के पटे तेरी कजन ऑस्कर मिल रही है, मैं सही बात देखा नहीं जाता, ये बात ये फैक्चुअल है यार। बड़ा हम लोगों ने चीजों का जिक्र किया, आपने अभी सुसाइड बॉम्बिंग का भी जिक्र किया था कि वो ब्रेन वॉश कर देता है। अमेरिका में कहा जाता है कि इफ यू आर नॉट अ लिबरल व्हेन यू आर यंग यू डोंट हैव अ हार्ट, एंड व्हेन यू आर नॉट अ कंजर्वेटिव व्हेन यू आर ओल्ड यू डोंट हैव अ ब्रेन। मुझे तो लगता है थोड़ा मेरे साथ उल्टा हो रहा है, या तो अनलर्निंग में बड़ा वक्त लग गया है, मैं तो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर का हिस्सा भी था, अमेरिका भी गया, वहाँ भी पढ़ा देखा वेखा, मेरा तो थोड़ा बहुत बिलीफ था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है सोशलिज्म की तरफ कम, मैं तो वैसे पर्सनली एनआरकी की तरफ ज़्यादा जा रहा हूँ,
लेकिन समझ यही आ रही है कि मार्क्स भाई को सही बातें करके गए हैं कि आप जितना खुरेचेंगे ना अंदर से मसला इकोनॉमिक रहेगा, ठीक है हमारी एथनिक मसले भी हैं, ठीक है हमारे रिलीजियस मसले भी हैं, लेकिन अ लॉट ऑफ सुसाइड बॉम्बर्स डोंट रियली डू इट आउट ऑफ कन्विक्शन. दे फिगर आउट कि यार मेरी जिंदगी में मैं सारी जिंदगी भी मेहनत कर लूँ मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, पर अगर मैं अपनी जिंदगी जाया कर दूं, मेरे बच्चों को 5 लाख रुपए अगर मिल जाते हैं, इट्स अ रैशनल डिसीजन. एज मच एज यू हेट टू थिंक ऑफ दैट एज दैट, इट इज अ कम्प्लीटली रैशनल डिसीजन फॉर दैट पर्सन इन देयर पर्सपेक्टिव टू मेक. तो वो ब्रेन वॉश नहीं हुआ, वो अपनी रियलिटी में एक रैशनल डिसीजन बना रहा है. यार बात वही है ना, देखें हर शख्स को आप उसके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ही जज करोगे ना. मतलब मैं अगर लेट्स से लाहौर में बैठा हुआ हूँ और मैं एक कम्प्लीटली प्रिविलेज एनवायरनमेंट में हूँ, मुझे यहाँ पे उस तरीके से कोई रेसिज्म का सामना नहीं करना पड़ रहा, मेरे आसपास कोई चेक पोस्टें नहीं बनी हुई, रैंडमली लोग आके ड्रोन अटैक नहीं कर जाते, कोई इमिग्रेशंस नहीं चल रही, ऐसा नहीं है कि कोई लॉ, मतलब समहाउ मैं एक प्रिविलेज्ड एनवायरनमेंट में हूँ. अब मेरे सामने जब कोई चीज आती है ना तो मैं उसको जज करूंगा अपने स्केल पे. अगर मैं खुश हूं और आप मुझे सुनाओगे कोई खबर, इस स्केल के ऊपर हम कैसे चीजों को जज कर सकते हैं? अगर आपने किसी भी चीज के बारे में स्टडी करनी, अब तो इंसान ने सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया ना, सोसाइटी क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है. मार्क्स ने कह दिया आप एक स्केल बना लें इकोनॉमी, आप इकोनॉमी की बेस के ऊपर इवेंट्स को पढ़ना शुरू करें, आपको नजर आना शुरू हो जाएगा. फ्रॉइड ने कहा आप सेक्चुअलिटी को रीजन बना लें, उसके स्केल के ऊपर जज करना शुरू करें, आपको चीजें इस तरीके से समझ आनी शुरू हो जाएंगी. सोशियोलॉजी में आप चले जाते हैं, साइकोलॉजी में आप चले जाते हैं, ये सारी चीजें आपको इन द एंड क्या हेल्प आउट करती हैं, आपको ये समझने की कोशिश, आपको ये हेल्प करती है कि आप ये समझ सकें कि कोई काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है. अगर तालिबान या सुसाइड बॉम्बर्स एक स्पेसिफिक विसिनिटी से ही आ रहे हैं, एक स्पेसिफिक एरिया से ही आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? शिकारपुर से क्यों नहीं आ रहे, बदीन से क्यों नहीं आ रहे, लाला मूसा से क्यों नहीं आ रहे? व्हाट्स द डिफरेंस? इट्स नॉट, एंड अगेन इट्स नॉट एथनिक, इट्स नॉट अबाउट एथनिक, इसके पीछे कल्चरल रीजंस हैं, इसके पीछे आपकी सोसाइटी की स्ट्रक्चरल रीजंस हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि आप पिछले 70 साल से उन लोगों के बारे में जानते ही नहीं. आपने एक लफ्ज सुना हुआ है और वो है इलाका खैर, यू हैव नेवर बीन टू देयर, बट इट डजंट मीन कि वो आपके साथ नहीं था, किसी का तो एक्सेस था ना भाई, कोई तो मैनेज कर रहा था ना. यहाँ पर अगेन किसी चीज को समझना है, आप जाएं, आप वहां पे रीजन निकालें, आप थोड़ी सी रैशनल स्टडी करने की कोशिश करें, केस स्टडीज उठा लें ना, एक दो केस स्टडीज उठा लें. एक ना पंजाब में आई रिमेम्बर भक्कर में ना सुसाइड अटैक हुआ, दैट्स द ओनली सुसाइड केस आई हैव एवर सीन के जो सॉल्व हो गया. एक पॉलिटिशियन ने अपने डेरे के ऊपर दूसरे पॉलिटिशियन को बुलाया हुआ था और वहां अचानक से सुसाइड अटैक हुआ, 50-60 लोग बेचारे शहीद हो गए. इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और 5 से 6 महीने में कल्प्रिट पकड़ा गया, जो मैं, मेरे लिए बड़ा, मतलब मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार आज तक हमने तो यही देखा ना, धमाका होता है फिर जिम्मेदारी कबूल कर लेता है कोई, पर जब जिम्मेदारी कबूल होगी तो फिर तो बात ही खत्म होगी, वो तो अब लंबी लड़ाई है, वो तो चलती रहेगी पता नहीं कब तक. एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के पैसे देने थे, वो पैसे नहीं दे रहा था, तो इस पॉलिटिशियन ने अपने डेरे पे इसको बुलाया हुआ था और इसने उस दिन आके 60-80 लाख रुपए की एक इनिशियल पेमेंट करनी थी, इट वाज ड्यू टू पे, उसने पे करना था. 8 लाख रुपए का वो सुसाइड बॉम्बर डी आई खान से खरीद के लाया और खुद वो पहुंचने में लेट हो गया. जिस पार्टी को पैसे देने थे वो पहले पहुंची हुई थी, पॉलिटिशियन भी पहुंचा हुआ था और ब्लास्ट हो गया. दिस इज वट आई हैव हर्ड फ्रॉम न्यूज, मेरी अपनी कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं है, दिस इज वट आई हैव हर्ड फ्रॉम न्यूज. हम जब ये वाक्य सुनते हैं हम कहेंगे उफ यार देखो कितना बुरा हो गया, कैसे यार लोग गिर जाते हैं. नहीं नहीं नहीं, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये कि उसने 8 लाख रुपए में एक चीज खरीदी, इसका मतलब है कि जो चीज आपने खरीदी है वो कहीं से बिक रही है ना, कौन बेच रहा है? और अचानक से तो कोई नहीं बेच सकता ना कि मैं मतलब एकदम से निकल जाऊं और डीए खान जाके कहूं यार मुझे कहीं से सुसाइडर मिलेगा. नहीं, इट मींस देयर इज
इंडस्ट्री है, कोई तो बना रहा है, इंडस्ट्री है, कोई तो बना रहा है, कैसे बना रहा है, अब चाहे वॉश करके बना रहा है, चाहे उसके पीछे इकोनॉमिक रीजंस लेके कर रहा है, वो बना रहा है। आप रीजंस खत्म नहीं करोगे, वो बनते रहेंगे, आप नहीं बनाओगे कोई और बना लेगा। एंड अगेन, डिडंट इट सरप्राइज यू कि आपके मुल्क में इतने सुसाइड अटैक्स होते हैं? एक सुसाइड अटैक है जो सॉल्व हो जाता है क्योंकि वो आउट ऑफ द सिस्टम हुआ है। समबॉडी ट्राई टू टेक द एडवांटेज कि यार अच्छा दहशतगर्दी चल रही है, हम भी कर लेते हैं, उसी खाते में आ गएगा ना। अगर कराची में इतने लोग टारगेट किलिंग में मर रहे हैं, आप जाके अपनी दुश्मनी में किसी को मार है। जी, एक एक पूरी इंडस्ट्री है ना सुसाइड बॉम्बिंग की। हाँ बिल्कुल, तो अब बात वही है ना कि जब एक चीज चल रही है उसको कोई ना कोई वॉच कर रहा है, आप अपने लिए चला रहे होंगे, कोई अपने लिए चला रहा होगा। जैसे अक्सर औकात लोग कह देते हैं यार ये जो काम है ये वो उसने किया है, इंडिया ने रॉ कर गए, दुनिया की पता नहीं कितनी एजेंसियां ये सब पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है। हकीकत टीवी अगर कभी आपको देखने का मौका मिला या जबरदस्त चैनल्स हैं। सो अब ये एक आपका ना माइंडसेट बनाते हैं, और वो आपको हकीकत टीवी जैसे लोग हर शाम को ना, हर शाम को उन्होंने एक कसम खाई हुई है आपको हर मसले का हल बता के जाएंगे। वो ये नहीं कहेंगे यार ये वाकया हुआ है, दो तीन दिन ठहरे, हो सकता है कोई अपडेट आ जाए। कहते नहीं मैं बेटा अभी तुमको बताता हूँ उसके पीछे कौन था, यूट्यूब पे वो है, फिर वो ओरिया है, वो शायद मसूद है और इस टाइप की, और ये साबिर शाह के टाइप इस तरीके की पैथेटिक मेंटालिटीज बड़ी पड़ी है। तो ये आपका वो माइंड बना देते हैं रॉ रॉ रॉ, ये आपको कभी सोचने नहीं देते यार मेरे घर में आके कोई चोरी कर जाए, मैं बस इसी बात को पीटता रहूं कि तू आया कैसे। मैं ये ना सोचूं कि यार मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है कि बंदा बड़े आराम से आ जाता है, क्या प्रॉब्लम है, कोई खामी मेरे में भी तो होगी ना, उस खामी की तरफ मैं पहले फोकस कर लेता हूं, उसको तो फिर मैं देख लूंगा। इंटरनल आपने एरर कोई दूर नहीं करना, ब्लेम गेम करके इस पे डाल उस पे डाल कहानी कर दे चीजों को, सेक्टेरियन इशू कर दे। अब क्वेटा में ऐसे कई लोग हैं जिनके बारे में उनके लवाहकीन कहते हैं कि वो सेक्टेरियन बेस पे कत्ल नहीं हुए, लेकिन उनके ऊपर लेबल यही है कि वो सेक्टेरियन बेस पे कत्ल हुए, जबकि जो उनसे वाबस्ता लोग हैं वो कहते हैं नहीं ये तो बहुत ज्यादा लिबरल लोग थे, इनका तो सेक्ट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था, ये तो अपने सेक्ट में ज्यादा बुरे समझे जाते थे, इनको दूसरा सेक्ट वाला क्यों आके मारेगा। आप इमेजिन करें ना कि एक शिया बंदा हो, वो इतना लिबरल हो कि उसके शियों के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो जो वहां की उसके साथ, और उसको आकर अगर लश्कर झंडी मार जाए कि यार ये बंदा शिया था, तो आप थोड़े हैरान नहीं होंगे कि यार इसको तो शिया भी नापसंद कर रहे थे, या कोई सुन्नी बंदा है और वो ऑलरेडी उसके अपने ही सेक्ट में इतने मसले चल रहे हैं, लेकिन आप कह दो कि इसको शिया मार के चले गए। सो ये जो वाली बात है ना कि आप चीजों को कभी भी समझना ही नहीं चाहते क्योंकि सॉल्व ही नहीं करनी, आवाम को ये इन्हीं ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाए रखना है, शिया सिंधी बलोची तो पंजाबी तो खा गए तो फौज तो सियासतदान तो आज जलसा कर लो, लीडर भी हमें खुद ही चुन के दे देते हैं, इन्होंने खुद ही दे दिया था इमरान खान, मतलब ऐसा ऐसा इंकलाबी लीडर है जो किसी ने नहीं मांगा। वो कहते हैं ना उसने 17 साल मेहनत की, उस 17 साल खुद लोगों को कहता रहा कि मैं तुम लोगों का लीडर हूँ, अवाम ने नहीं कहा कि ये हमें इंकलाब ला के देगा, उसने कहा मैं ला के दूंगा। ज्यादती हुई है पाकिस्तान के साथ, मतलब वर्ल्ड कप जीतने के बाद और शौकत खान बनाने के बाद इमरान खान कि ये रेप्यूटेशन थी कि कसम खुदा की वो किसी भी पाकिस्तान के सड़क पे उसकी गाड़ी खराब हो जाए ना वो घंटी बजाए, लोग उसको घर में बुलाकर खाना खिला, मतलब जितना उस इंसान को प्यार मिलता और उसने जो उसके साथ किया है। मेरा तो अब जिंदगी में यही फलसफा है कि जिस तरह हमने आपने बात की थी कि जिस सिंधियों से मुझे नफरत हो गई थी, कि हर चीज जो हम कहते हैं या देखते हैं ना दैट सेज अ लॉट मोर अबाउट अस देन द अदर पर्सन, हमारी राय क्या है, इवन टू द एक्सटेंट कि ये काफिर, ये आपकी इनसिक्योरिटी है कि यार ठीक है मैं झूठ तो बोलता हूँ, मैं दाढ़ी रख कर कीमत गलत बताता हूँ, मैं दूध में इंक मिलाता हूँ, मगर मैं नाचता नहीं हूँ टिकटॉक पे, देखा मैं इससे कितना बेहतर आदमी। आप अपनी इनसिक्योरिटी दूसरे इंसान पे प्रोजेक्ट करें, तो उसी तरह खान साहब की अपनी जिंदगी है, वो जो कौम के बारे में कहते हैं वो उनकी अपनी बात है, मतलब ये वेस्टर्न कल्चर डिवोर्सेस फैलाती है, ये फेमिनिज्म। सर आपकी तीसरी शादी सर सर आपके जमाने में तो टिकटॉक भी नहीं था, आपके स्कैंडल तो देखें आप।
मतलब क्या बोले ना, मतलब आप सारी जिंदगी करते रहे मजे, ठीक है। आपका उर्दू का एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, तुर्राए इम्तियाज, ठीक है। खान साहब की सबसे बड़ी वजह मकबूलियत था उनके ऊपर लड़कियों का फिदा होना। आपको चाहिए था, आप खान साहब को हमेशा लड़कियों में ही रखते हैं, आपने उनके हवाले मुल्क कर दिया। सर, वो एक ही काम के एक्सपर्ट थे, वो मुझे तो लगता है आधे वोट ही इसी वजह से मिले उनको, कि एक पाकिस्तानी मर्द की कलोनियल मेंटालिटी की वजह से होता है कि यार गोरी मिल जाए, बस जो हो जाए गोरी मिल जाए। मैंने जो समांथा जेरी भी किया था, लोगों ने घर खोल दिए कि तू आ समांथा, तू पाकिस्तान आ, हम तुझे सब देंगे। आधे वोट तो इमरान खान को मर्द इसलिए देते हैं कि इसने गोरी फंसाई है, कुछ तो होगा ना इसमें, कहीं तो अर्तुगरुल है हमारा लड़का। सॉरी, इससे तो इनकार ही नहीं है ना। मैं तो ये कह रहा हूं, उनकी लाइफ में इस अचीवमेंट से कोई इनकार नहीं कर रहा भाई। आपने गोरियां, कालियां, सामलियां, ब्राउनियां, मतलब आपने इतनी सबको गोरी इम्प्रेस फंसाई कि किया। उनका सरनेम भी वाइट हो। बट आई थिंक लोग जितना समझते हैं ना खान साहब को मासूम, इतने हैं नहीं वो। ये सारी जो उनके स्टेप्स है ना, लाइक उनकी शादियां, उनका पॉलिटिकल पार्ट, उनका पूरा पॉलिटिकल करियर भी उठा के देखें, वो बड़े वक्त के साथ डिसीजन लेते रहे। मुशरफ के टाइम पे वो MQM के खिलाफ स्कॉटलैंड यार्ड चले गए। मतलब जब वो जाते हैं तो वो इतनी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, वो कहते हैं अब मैं लंदन जाके केस करूंगा, मैं इस बंदे को नहीं छोड़ूंगा, ये MQM ऐसी पार्टी है। आज वो MQM के साथ जप्पी डाल के बैठे हुए। जब मुशरफ के टाइम पे खान साहब APDM में थे, उस वक्त की जो APDM थी उसमें महमूद अचकजई और नवाज शरीफ थे, आप बिल्कुल इसी मूवमेंट में साथ थे क्योंकि लोग यही बात कर रहे थे सारी। उन्होंने बड़े वक्त के साथ बड़े फैसले लिए हुए हैं, मुझे कहाँ शादी करनी है, कैसे करनी है, बहुत समझ, इतने बीबे बोले नहीं है जितना लोग आप उनको समझते हैं। इससे अंदाजा लगा लें कि अर्तुगरुल क्या लगता है, अर्तुगरुल की वजह से देखते हैं आप। अर्तुगरुल जो आदमी है उसको हाउसिंग सोसाइटी स्पॉन्सर करती है, जो फायसा हाउसिंग स्कीम एयरपोर्ट पे बनी हुई है, और जो हलीमा जी सुल्तान ने उनकी स्पॉन्सरशिप देख लें, फिर आप चेक कर अंदाजा लेना लगा ना, लें कि लोग अर्तुगरुल क्यों देख रहे हैं। जैज का क्यों देख कॉन्ट्रैक्ट रहे। बिल्कुल अर्तुगरुल को तो नहीं मिल रहा ना। ऐसे ही है। आप अगेन इंस्पायर इन दी एंड किस चीज से हो रहे हो भाई? एक लड़की के हुसन से ही हो रहे हो ना। चले ठीक है, वो उसमें कोई अच्छी चीजें होंगी सीखने के लिए आपको मिल गई, अच्छी बात है। यहाँ पे अर्तुगरुल क्या है, यहाँ पे मेरी तरफ से ब्रेकिंग बैड भी लगा दें, आई एम नॉट माइंड, ठीक है। कॉन्टेंट ही है ना, कॉन्टेंट लगाएं। लेकिन आप जैसे फोर्स करते हैं ना हर चीज को, इसकी शायद जरूरत आपको है। पता है 95 में ना खान साहब के ऊपर एक कोई डॉक्यूमेंट्री बनी थी किसी आई थिंक यूरोपियन या ऑस्ट्रेलियन चैनल की। वो एक दिन वैसे ही बैठा हुआ, मैं यूट्यूब पे मुझे नजर आ गया उसका क्लिप, तो उसमें एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का इंटरव्यू था, और ये जो अभी आपने बात की है ना, ये सेम बात उन्होंने उस वक्त कही थी 95 में, कि ये सारे जो खान साहब बातें करते हैं ना कि पाकिस्तानी जो है ये बड़े कॉलोनियल माइंडसेट में हैं, इनका बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इनको लोगों ने बेवकूफ बनाया हुआ है, और गोरा और ये और वो, और कल्चर के साथ एसोसिएट नहीं है, अपनी चीज को नहीं समझते। क्योंकि खान साहब ने हमेशा यही कहा ना कि पाकिस्तान में इतनी ताकत है, पाकिस्तान में इतना ये, उसने कहा ये सब मसाइल खान साहब के अपने अंदर है। खान साहब खुद सारी जिंदगी गोरे के स्टाइल में ही रहे हैं भाई। जो उनका लाइफ स्टाइल था वो तो पूरे का पूरा गोरे वाला था, मतलब अंग्रेजी बोलते थे, रंग गोरा था सारी बाकी टीम के मुकाबले में। हीरो तो बनना था उन्होंने ऑब्वियसली, मतलब थोड़ी ज्यादा हेट हो जाएगा, लेकिन वसीम और वकार, शोएब अख्तर, सईद अजमल, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, ये सब इमरान खान से बहुत छोटे प्लेयर हैं। लेकिन इन सब प्लेयर्स के मुतल्लिक मैंने दुनिया के बड़े बड़े प्लेयरों से सुना है कि यार हमें डर लगता था, हमें वसीम से डर लगता था भाई, हमें शोएब से डर लगता था, अजमल की गेंद नहीं समझ आती थी। कभी किसी प्लेयर के मुंह से आपने सुना वो कहे मुझे इमरान खान से डर लगता था कैरियर में? कैप्टन तो बेचारे बुरे नहीं अच्छा थे यार खान साहब। यार, ये तो बचपन की हमने नहीं, ही इज इवन 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 इन द इंटरनेशनल कैप्टन। क्रिकेट कम्युनिटी, आई थिंक विजडन की कोई टीम ऑफ द सेंचुरी भी होनी थी, उसमें उन्होंने वोटिंग में खान साहब को कैप्टन बना दिया था। ही डज गेट सम क्रेडिट, ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ पेस जब उन्होंने अपना बॉलिंग एक्शन जरा रिमॉडल किया, कैप्टन नहीं, आई 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 एम जस्ट बुरे नहीं थे। सेइंग, देखो अगेन अगेन, इतना देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वो को बहुत वो थे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं एज टैलेंट, इफ यू टॉक अबाउट द टैलेंट ना,
इमरान खान साहब से ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स भी टीम में थे। हाँ, of course. उस टाइम पे भी, वसीम अकरम इज द बेस्ट ऑलराउंडर, दैट इज द बेस्ट। हाँ, लेकिन वसीम अकरम की आप वसीम अकरम की आप बाकी हरकतें छोड़ दें जो उसने फिर हमारे साथ किया हुआ क्रिकेट में, ठीक है ना, जो जितने मैचेस उस बंदे ने हरवाए और जितना दिल मेरा क्रिकेट से खट्टा किया ना वसीम अकरम। ये वही, ये वही पॉलिटिशियंस वाला कन्वीनिएंट नहीं है कि जो मैच हम हारे हैं वो बिका हुआ है, कि जो हर पॉलिटिशियन ही कर रहा है। मुझे नहीं लगता मैच फिक्सिंग हुई वो उसकी यार, इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्टें बनी है। मुनीर मुनीर मलिक क्यों, मलिक क्यों, मलिक क्यों, लेकिन ये भी नहीं कि हर मैच ही, हर मैच बेचो वसीम ने, थोड़े बहुत बेचे होंगे। यार मैंने बहुत देखे हैं, मैंने 90s में ना क्रिकेट को बहुत फॉलो किया है, ठीक है, और सो आई हैव अ ग्रज अगेंस्ट वसीम अकरम एंड वकारी यूनिस, बट स्टिल आई से कि दे आर टैलेंट वाइज इमरान खान से ज्यादा टैलेंट था, बट अगेन इमरान खान एडसोनियन था ना, इमरान खान ऑक्सफोर्ड से आया था। इमरान खान अगेन, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई बड़ा प्लेयर नहीं था, और आई वाज सेइंग कि इन द एंड यही चीजें मैटर की ना उसको भी हीरो बनाने में, इट वाज नॉट जस्ट प्योर टैलेंट। अगर आप कहेंगे कि इमरान खान टैलेंट वाइज अपना हीरो बन के कप्तान बन गया और पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बन गया, नो, उसके भी हालात थे। क्यों? क्योंकि वो एजिसन से पढ़ा था, वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा था, एक खास सर्कल में रहता था, एक अमीर औरत से उसकी शादी हुई थी जिंदगी में, सारी दुनिया में उसके फैंस थे, एक हॉस्पिटल उसने बनाया था, ये सारी चीजें मिलके उसकी एक प्रोफाइल बनाती है ना, जो कि बाकी सब में नहीं है। मतलब वो ऑब्वियसली अगर आप उसके साथ मियादाद को खड़ा कर दो, तो मियादाद अच्छा प्लेयर था, स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर था, पर मियादाद की वो काम नहीं थे कि आज मियादाद मुल्क का वजीर आजम बनता, ठीक है, इमरान खान ने मेहनत की है, इमरान खान ने मियादाद चाहे तो वो बन सकते हैं, आपको उनके समझी नहीं पता। नहीं, मुझे बोल के कोई चीज नहीं है जो मियादाद चाहे और उनको ना मिले। अभी उन्होंने कहा इमरान खान तू कौन सा कैप्टन है, कैप्टन तो मैं था, याद रख तुझे मैंने बनाया, याद है मैंने तेरे कान में क्या बोला था उस वक्त, तू तू पे आ गए थे मियादाद। यार इनकी बड़ी पुरानी राइवलरी है ना, एंड आई फील कि इमरान खान वाज अ स्मार्ट मैन। इमरान खान ने प्रॉपरली अपना इमेज भी बिल्ड रखा, लोग उस वक्त कहते थे कि ये शौकत खानम को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज करेगा, इमरान खान साहब कहते थे कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, एंड इवेंचुअली वी सॉ किया, ठीक है, सो ही इज अ स्मार्ट मैन, वो किसी ने किसी तरह बदला करे कि कुछ मुल्क के लिए बेहतर करते। मैं कह रहा हूँ उसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग ग्रूमिंग वाली बात है कि आप वसीम और शुएब को देखें, उनकी दे वांट टू बी लाइक इमरान खान इन टर्म्स ऑफ देयर पर्सनालिटी। वसीम भी एचएसएन का लड़का नहीं है, बट वसीम हु हैज बिकम नाउ बाय ग्रूमिंग हिमसेल्फ, ही इज ग्रूम्ड हिमसेल्फ ओवर इमरान खान। या शुएब अख्तर भी इस तरह की बातें करता है कि सुबह सुबह रजाक है, उसको अंग्रेजी में नहीं आती है, निहारी खा रहा है, इट्स दैट सेम कॉलोनियल माइंडसेट जो इमरान खान का है, दीस पीपल ट्राइंग टू एमुलेट इमरान खान। यार अचीवमेंट ही यही है ना कि आपको अंग्रेजी, अब देखिए मैं अक्सर औकात देखता हूँ कि वसीम अकरम बिल्कुल अंग्रेजी में शिफ्ट हो चुका है, कंप्लीट वसीम अकरम अंग्रेजी में बात करता है, दिस इज नॉट व्हाट यू आर ब्रो, मतलब कम ऑन वसीम अकरम, तुम अच्छी बिल्ली पंजाबी आती है, तुम कम से कम जियो पे आके तो उर्दू पंजाबी बोला करो यार, तुम बात जाओगे किसी गोरे के मुंह मथे लगोगे तो वहां अंग्रेजी बोल लेना। ये जिगर अचीवमेंट है। मैं 2002 मैंने रेडियो ज्वाइन किया, और जब मैं रेडियो गया और जब मैंने एफएम ज्वाइन किया ना, तो मुझे वहां पे जो आइकॉनिक एक आरजे था ना कि यार उस ये तो लेवल है, इस तक कोई नहीं पहुंचा, तो मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि मैंने उसका शो कभी नहीं सुना था, मैंने बाकी लोगों के प्रोग्राम सुने हुए थे लेकिन मैंने उस आरजे को नहीं सुना था, एंड जब मैंने सुना भी तो मुझे इतना खास नहीं लगा, लेकिन उसकी क्वालिटी ये थी, लड़कियां बहुत पटा लेता था भाई, वो उसको गिफ्ट बड़े आते थे, ठीक है। सो अब जब हम लोग आए ना, हम भी एंटर हुए, हमने देखा, हमने कहा अच्छा इसका मतलब है कि आप जिस दिन आपको गिफ्ट्स आना शुरू हो जाएंगे या जिस दिन लड़कियां आपके बारे में थोड़ी क्रेजी हो जाएंगी, उस दिन आप आरजे कंसीडर हो जाओगे, आप जो मर्जी झक मारते रहो शाम को बैठ के, जो मर्जी बोलते रहो, नोबडी इज गोइंग टू केयर। तो वो तो
वही वाली बात है, वो अर्तुगरुल की भी वही बात है, वो हमारा बस जेन, हमारा हीरो वही है भैया, जो शुएब अख्तर बेचारा फंस गया कि फोन वोन आ गए थे उसके जमाने में, वरना पीछे भी लोगों ने कम हरकतें नहीं की वो वाली। सब कुछ की, शुएब अख्तर इतनी इतना बोलता है कि मैंने घुटन टूटे हुए घुटनों के साथ क्रिकेट खेली। भाई तू बता तेरे घुटने टूटे क्या काम करते हुए, क्यों सुबह तेरे घुटने नहीं चल रहे थे? हाँ ये डिटेल्स भी, ये डिटेल्स भी वो बताएगा कि कर क्या रहा था। ऐसे बहुत से किस्से हैं इनके। अच्छा वैसे मैं अभी बात करते करते सोचा था, मैंने कहा यार मैं बाद में शहजाद को कहूंगा कि भैया इसमें ना मेरा कतन इरादा नहीं था कि मैं इमरान खान साहब को इतना डिस्कस करूं और इतना ज्यादा वो करूं, तो भैया माफ कर देना बेशक या निकाल देना बेशक इसमें से। लेट्स जस्ट, अगर आप लोगों ने गालियां देनी है, फेसबुक पे इनका नाम है अदील अफजल, अदर्स इनबॉक्स में प्लीज सारे हमारे जो यूथ है इनको प्लीज गाली। नहीं यार मैंने 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 बचपन में बहुत उनको एडमायर किया हुआ। That's what I mean, कि I अगर मैं लिख रहा हूँ कहानी, I will write Imran Khan as a Greek tragedy. It's tragic who he has become, and उनकी जो lack of self awareness है, it's a tragedy. यार एक 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 saying है, या आप उसको कह सकते हो कि एक thought है कि जो hero होता है ना उसको कभी भी आपका leader नहीं होना चाहिए, क्योंकि हीरो का ना एक सर्टेन इमेज होता है और वो सारी जिंदगी उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। आपके जो मामला चलाने हैं ना उसके लिए सिर्फ आपको एक रिस्पॉन्सिबल आदमी की जरूरत चाहिए। मैंने उस वक्त आपको कहा था कि अगर आपको वजीर आजम चाहिए, वजीर आजम कोई मतलब इमरान खान इज नॉट अ विजनरी मैन, आई एम सॉरी, वो कोई ऐसा इंकलाबी बंदा नहीं है कि अगर इंकलाबी बंदा होता तो कोई ऐसे लिखता, कोई बुक लिखता, कोई रिसर्च करता, कोई थॉट लाता ना कार्ल मार्क्स की तरह या बाकी जितने दुनिया में रेवोल्यूशनिस्ट गुजरे, ऐसा ही काम नहीं किया इमरान खान साहब। वो हीरो थे, वो फेमस थे, लोगों का उनपे ट्रस्ट था ड्यू टू क्रिकेट एंड शौकत खानम। मतलब शौकत खानम का आउट ऑफ ऑल द क्या कहें कि हेट कहें, व्हाटएवर, जो भी इमरान खान से, आई वुड प्रेफर टू गो इन शौकत खानम और एनी पाकिस्तानी वुड गो के हाँ नहीं यार इनकी लैब, इनके हॉस्पिटल, इनके डॉक्टर्स, आपका एक ट्रस्ट है। आप उस ट्रस्ट को इतने अच्छे तरीके से यूज कर सकते थे, आप कुछ बनाना चाहते ये कौम आपके साथ खड़ी हो जाती। आप हॉस्पिटल के बाद कहते मैंने 10 यूनिवर्सिटियां बनानी है, ये कौम आपको 10 यूनिवर्सिटियां बना के देती। आप कहते यार मैं रिसर्च सेंटर बनाना चाहता हूँ, ये कौम आपको वो बना के देती। आप कोई स्ट्रगल शुरू कर देते इकोनॉमिक सिस्टम के अगेंस्ट के यार हमने IMF से बाहर निकलना है, और उसके लिए आप सेमिनार्स पे सेमिनार्स कराते, आप लोगों के साथ जा जाके मिलते, यूनिवर्सिटीज में जाते, इदारों में जाते, ये बार रूम्स के अंदर, चैम्बर्स में, हर जगह जाके आप बात करते। ये अगर आपको एक्चुअली सोसाइटी को चेंज करना था, यही 17 साल इमरान खान साहब ने ये लगाए होते तो आज वो लेजेंड होते। वो जो आप बात कर रहे हो ना कि एक हीरो को लोगों ने कहा नहीं, आप पॉलिटिक्स में आए और अब आप कॉम्प्रोमाइज करते जाएं। मतलब जहांगीर तरीन क्यों आ रहा है, किसी ने कह दिया खान साहब को सर जरूरत है। अब जहांगीर तरीन गायब हो गया है तो क्यों गायब हो गया है, किसी ने कह दिया सर बस ठीक है। तो जब आप इतने कॉम्प्रोमाइजेस करने लग गए हो, यानी आप अपने कैरेक्टर में ही नहीं हो, आप खुद ही वो नहीं हो जो आप करना चाहते हो, तो भाई फिर उस कुर्सी पे, उस ओहदे पे अब सिर्फ अना का मसला रह गया हुआ है। अब वो सिर्फ हीरोइक एलिमेंट रह गया हुआ है कि यार अब मैं कैसे मान जाऊं कि मैं गलत था। सो अगर वो इस गड्डी पे ही ना चढ़ते, मतलब ठीक है पॉलिटिक्स करना तो हर एक का हक है, लेकिन अगर उनको पॉलिटिक्स करनी थी, पाकिस्तान में बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिगर जो नजरियाती सियासत कर रही है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा दो चार दान और दो चार सियासी पार्टियां नजर आती हैं। क्या सिंध में कोई और सियासी जमात नहीं है? आपको जहर लगेगा जरदारी, लेकिन फिर भी एस्टेब्लिशमेंट जाके बैठेगी जरदारी के साथ, कहेगी नहीं सिंध की नुमाइंदा तो पीपल्स पार्टी है, क्यों सिंध में और मूवमेंट्स नहीं है, क्यों नहीं जाते आप उनके साथ जाके बैठ के बात करते? आपको बलोचिस्तान में स्पेसिफिक लोग ही क्यों चाहिए? आपको अचकजई साहब बुरे लगते हैं या आपको मेंगल साहब बुरे लगते हैं? ठीक है, तो वो जो बाकी के बलोच है उनके साथ जाके आप बात कर लेना, साउथ पंजाब के साथ आप जाके बात कर लेना, गिलगित बल्तिस्तान में लोगों के साथ आप जाके बात कर ले। नहीं, इन द एंड एस्टेब्लिशमेंट ने चूज भी वही करके देने, यही भाई हमारा कोर्स है, इसी कोर्स में, इसी स्कूल से जो भी निकल के आएगा, चाहे आपने उसको ऑपोजिशन बनाना है, चाहे आपने उसको लिबरल बनाना है, चाहे आपने उसको कंजर्वेटिव बनाना है, वो आएगा यहीं से। सो उसमें फिर आप जब देखते तो आप कहते हो कि यार नहीं, ये तो ट्रैक ही गलत है। मतलब वह इवेंचुअली अगर मतलब अब तो वही वाली बात है कि इमरान खान खुद एक इतनी बड़ी केस स्टडी बन जाएगा आपके लिए कि अगर आप कोई चेंज लाना चाहते हो, कोई सेटअप बनाना चाहते हो, यार
एक आदमी ईदी, एक आदमी इस मुल्क से बड़ा हो गया। कैसे? मतलब पूरी गवर्नमेंट मिलके एम्बुलेंस का वो निजाम नहीं बना सकी जो एक अकेले आदमी ने बना लिया। कैसे बना लिया? इसका मतलब है कि यार काम करने की नीयत और उसका जो एक तरीका है ना, जो प्रोसेस है, सिर्फ उसके ऊपर चलना होता है सिस्टमेटिक वे में। कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस को मिरेकल्स का वेट नहीं करना होता आपको कि यार ऐसे हो जाए तो फिर ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। नहीं, आपने चीज को बस लगे रहना होता है उस जानिब जो आप करना चाहते हो। सो अगर ईदी इतना बड़ा हेल्थ सिस्टम बना सकता है, या हकीम सईद साहब जो है वो इतना कॉन्ट्रीब्यूट करके जा सकते हैं, या यहाँ पे और अगर किसी किसी हवाले से काम किया, अगर हर कोई अपने एरिया में काम कर सकता है, किसी एक चीज को भी ठीक करके चला जाइए, बहुत बड़ा एहसान होगा। ये अपनी जिंदगी के अंदर जो रेवोल्यूशन देखने का ख्वाब होता है ना, ये सेल्फ ड्रीम है, दैट इज अ हीरोइक ड्रीम। ये पुराना होता था वो एकलिस वाला के मैं बस हिस्ट्री में जिंदा रह जाऊंगा। खान साहब ये चाहते हैं, खान साहब का मसला ही हुबरिस है। सब तबाह कर दिया, तबाह कर दिया आपने अपने आप को और अपने साथ ले डूबे आप हम लोगों को। या हम जो अदील कह रहे थे, मैं भी एग्री करता हूँ कि हम इमरान खान की बात करें क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वरना हैं तो हमाम में सारे नंगे। इस तरह नहीं है कि हम यहाँ पटवारी बन गए, जाले बन गए, ऐसी बातें कर रहे हैं, कोई सब भाड़ में जाए मेरी तरफ से भी स्पेशली। और इकोनॉमिक जो हमने बात की थी, जो ये प्रिविलेज मिडिल क्लास लोग गालियां देते हैं कि कीमे वाले नान पे वोट भेज दिया, भाई उसको पता है कि सिस्टम ने नहीं बदलना। ये जो कंट्रोलर्स या जो सेलेक्टर्स हैं, ये बंदे बदलते रहेंगे। इवन अभी जब पीडीएम हुई थी, मैंने पीछे यही कहा था कि शिकायत ये नहीं है कि इमरान खान सेलेक्टेड है, शिकायत ये है हम क्यों नहीं है सेलेक्टेड। कल को इनको सेलेक्ट कर लिया तो ये भी आगे आगे रहेंगे। ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए। जरा मेरा 90% बिलीव इसमें, 80% हो गया है पीडीएम की स्पीचेस देखकर, बट बिलीव मेरा ये भी है। आपने देखी पीडीएम की स्पीचेस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट? यार मैंने बहुत, मैं थोड़ा सा ही फॉलो कर रहा हूं क्योंकि करंटली आई सी इस पॉलिटिकल ड्रामे को फॉलो करना ही सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। तो अच्छा अगर आप बोर हो रहे हैं, टिकटॉक बैन है, क्या करें क्या करें इंसान। हाँ, बट देखिए अगेन ये जो पॉलिटिकल, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जैसे पीपल्स पार्टी है वो सिंध की जमात है, मुस्लिम लीग नून है और वो पंजाब की जमात है, और उनका एक वोट बैंक है, उनके पास बंदे हैं। कौन है, कौन है बताएं मुझे, कौन है? फ्यूडल्स है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट्स है। सिंध में भी और पंजाब में भी एक बंदा है, उसकी एक कंपनी है पीपल्स पार्टी, एक बंदा है उसकी कंपनी है मुस्लिम लीग। उनके पास ज्यादा पावरफुल लोग हैं, वो पावरफुल लोग जाके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत कर लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट उनके रोल डिफाइन कर लेती है। आप इनको अवामी नुमाइंदा कैसे कहते हो? इनमें से कौन अवाम में से आया है? कौन? पाक डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, उसने एक अवामी नुमाइंदे को डिसइनवाइट कर दिया क्योंकि डेमोक्रेटिक मूवमेंट को लगा एक डेमोक्रेटिक लीडर एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। फॉर पीपल हु डिडंट गेट द रेफरेंस, मोहसिन दावर को बुला कर कि नहीं मोहसिन दावर, ये हमसे थोड़े ज्यादा एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ ना, अगेन वही वाली बात है। इसमें चूंकि एक जलसा गुजरांवाला में है, अब पीडीएम का जलसा कराची में होगा, सो मोस्ट प्रोबेबली मोहसिन दाबड़ वहां पे होगा। ये वही वाली बात है ना कि इन दी एंड तो सबने वही सियासत करनी है ना। खान साहब हट जाएंगे और ये पॉलिटिकल पार्टीज आके बैठ जाएंगी तो ये भी एस्टेब्लिशमेंट की यस को यस ही कहेंगी, इनके होते हुए भी मोहसिन दाबड़ और बाकी लोग जो है ना वो ही फेस करेंगे। हाँ। और फवाद चौधरी इनके होते हुए भी कैबिनेट में होंगे, शेख साहब इनके होते हुए भी कैबिनेट में होंगे, बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो इसलिए ये वाला जो, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि अगर तो कोई एक तो ऐसा हो जो सच्चा हो, लाइक एस्टेब्लिशमेंट कह दे यार ये नवाज शरीफ भी चोर है, जरदारी भी चोर है, हम सिंध से नई सियासी क़यादत ढूंढने जा रहे हैं, कभी नहीं जाएंगे सर। पर वो जो बैठना इन द एंड अपर क्लास को, अपर क्लास के साथ है, ये तो अब मुझे यकीन आ गया है कि जो स्टेटस को से फायदा उठाता है वो तो कभी नहीं बदलेगा। अगर आपकी उम्मीद ये है कि असद उमर जैसा इंसान अवाम की अवाम के फायदे के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी लाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। उनकी आप क्लास देख लें, उनकी आप तारीख देख लें, फॉर पीपल हु डोंट नो रिसर्च करें उनका खानदान, यू विल फाइंड आउट अ लॉट व्हिच विल सरप्राइज यू। जी जी, वो तो आपको कभी फायदा नहीं देंगे उस सिस्टम से। लेकिन वो जो इम्पॉवरिश और पॉवर्टी वाला मैंने आपसे बात की थी, ऐसा नहीं है कि लीडर नहीं है। आप ये भी तो देखेंगे मार किस किस को दिया गया है, खामोश किस किस को कर दिया गया है, मुल्क में किस किस को रहने नहीं दिया जाता। तो अगर तो आपका ईमान है, अगर तो आप सच्चे हैं,
तो आप इस सिस्टम नहीं सर्वाइव करेंगे। जो पॉलिटिशियन हम कहते हैं जी सारे पॉलिटिशियन बुरे, सारे पॉलिटिशियन बुरे, हाँ, क्योंकि इफ यू डोंट बेंड यू गेट ब्रोकन। तो आपके सामने वही आएंगे, जर्नलिस्ट भी वही आएंगे जो झुकते हैं, पॉलिटिशियन भी वही आएंगे जो झुकते हैं, क्योंकि जो झुकता नहीं है वो मार दिया जाता है। निजाम ऐसा ही है दुनिया का, आइडियल और 100% कभी भी नहीं हो सकता। बट फिर भी वाली बात आती है ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज करते हुए भी सोच लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आई नो कि मुझे करप्ट पॉलिटिशियन मिलेगा, आई नो कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला के चलने वाला पॉलिटिशियन मिलेगा, दिस इज माय रियलिटी। एक कहावत है कि फौज हमेशा होती है, अगर आपकी अपनी नहीं होगी तो किसी दूसरे मुल्क की होगी। तो रियलिटीज मान ली, एक्सेप्ट कर ली, हमने अदालत का रोल भी तस्लीम कर लिया, हमने फौज का भी, हमने सियासतदान का भी, हमने अमीर गरीब के फर्क को भी तस्लीम कर लिया। मुझे इससे भी गर्ज नहीं है कि यार दुनिया के सारे लोगों को मसावी पे दे दो, पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया का कानून है, ठीक है, कुछ लोग ज्यादा खाएंगे, लालची हैं वो ज्यादा खा लें, कुछ लोग ऐसे होंगे जो खाएंगे ही नहीं, वो भी अपना नसीब। बट जो सोसाइटी के प्रिंसिपल्स है ना, उसमें कुछ एक लाइन जरूर खींचने की जरूरत है कि यार मैं एक्सट्रीमिज्म पे नहीं खड़ा होऊंगा, मैं बैंड होऊंगा, मैं रियासत के साथ जाऊंगा, पर मैं एक्सट्रीमिज्म पे नहीं जाऊंगा, मैं सेक्टेरियनिज्म पे नहीं जाऊंगा, मैं ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशन पे नहीं जाऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि आप आज IMF के मुंह के ऊपर 200 अरब डॉलर मार दो, पहले ही मुराद सिंह एक दफा मार के आ गया था, बड़ी इनको छोटे छोटे लगे थे, तो ना करो ये काम, ठीक है, नहीं होगा आपसे। लेकिन ये जो 2-2.5 साल के अंदर भैया पोलराइजेशन हो गई, एंड अगेन 2-2.5 साल में नहीं हुई, पहले भी हुई। पीपल्स पार्टी एक जमाने में उठी, पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए आपने क्या निकाला, उसका आपने हल क्या निकाला? आपने उसके बाद हमें वो तोहफे दे दिए जो पूरा 90s और पूरा 2000 हम फिर उनको भुगतते रहे। वो तोहफे खत्म हुए, तो अब जो तोहफे मिल गए ये पिछले 4-5 साल के अंदर हमने देख लिए, कई लोग सड़कों पर आए, गालियां, फतवे, पोस्टर काले, असिस्टेंट कमिश्नर, वो एक आपको याद होगा कि उसको एक बच्चे ने रोक लिया था ड्यूरिंग स्पीच जब उसने कहा था माइनॉरिटी के राइट्स बराबर होते हैं, और फिर वो बिचारी को, वो यंग लड़की, उसको प्रिंसिपल ऑफिस में बिठाया हुआ और सारे उसके ऊपर के तुमने कैसे नाम कैसे ले लिया, तुमने अहमदीस का ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया, और एक छोटा कॉलेज का बच्चा और असिस्टेंट कमिश्नर लड़की के ऊपर चीखी जा रहा चीखी जा रहा। और मैं जब वो वीडियो देख रहा था ना, मेरा पारा ऐसे हाई हो रहा था कि अगर मैं पढ़ रहा होता मैं क्या करता। जब मैं अपना टाइम सोचता हूँ ना, अगर मैं अपने मतलब 90s में या 2000 का टाइम सोचूंगा, तो मैं तो ये सोचूंगा कि ये बंदा अगर मेरे क्लासरूम में होता तो शायद मैं इसको खुद ही पकड़ के बिठा देता कि बेटा नीचे, इतना ऊंचा वॉल्यूम नहीं करना। लेकिन अगर आज मैं क्लासरूम में होता तो मैं भी शायद चुप होता, आज वो माहौल नहीं है। तो इसका मतलब है कि कुछ तो बिगाड़ मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पहले बिगाड़ नहीं था, पहले भी बिगाड़ था, लेकिन अब तो डर लग रहा है यार इस पोलराइजेशन से। तो ठीक है यार, आप बेंड हो जाए, आप हाथ पकड़ लें, आप शुगर मिले लगा लें, गैर मुल्की दौरे भी कर लें, बच्चियां भी बटा लें, जो आपका दिल करता है आप कर लें, बट कुछ चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें। जब मैं ये सुनता हूं ना, ये वाली जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, और एक खास इस मुल्क की एक सोच बनाई गई है, 18वीं तरमीम से बड़े मसले हो रहे हैं क्योंकि सूबों के पास राइट चलेंगे। अब 3 सूबों में PTI की हुकूमत है यार। कल वो लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको जाके कह रहे हैं मसला वफाक का नहीं है, सूबाई है, तो सूबाई सतह पे हल कर दो यार। और कितने ढिटाई से तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं कि हम तो क्रिकेट देख रहे हैं सारे, फवाद चौधरी और पता नहीं कौन कौन थे, 3-4 लोग उसमें। आपने तमाशा बनाया ना अवाम को, अवाम आपके पास आई, आप कह रहे हो नहीं पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम कर दी थी, जाओ जाके उससे राइट्स लो। ठीक है यार, अगर सिंध में पीपल्स पार्टी नहीं देगी तो पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, लेकिन जिन 3 सूबों में आपकी हुकूमत है आप तो दो, आप 18वीं तरमीम पे अमल कर लो। इन्होंने कोरोना के टाइम पे भी 18th अमेंडमेंट पे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था कि मसले सूबों में, सर गवर्नमेंट आपकी है। अब आप कुछ भी कह दो ना यार, कुछ भी कह दो, आपको ऐसे है कि बस ठीक है, फैला दो, और एक ही बात है उसको बस फैलाई जो आवाम के जुबान पे चढ़ाई जाओ। आवाम भी बिल्कुल ऐसी बन गई हुई है कि अगर आप किसी भी आदमी के साथ बातचीत करना शुरू करते हैं, मैं खुद भी अपने आप को उन्हीं लोगों में शुमार करता हूँ, मैं बाहर नहीं हूँ, हर आदमी के पास जवाब है, जवाब कहाँ से आया है, वो
जर्नलिस्ट ने टीवी पे उसको दिया, कहाँ से आना उसके पास जवाब? मतलब आपका और मेरा कितना ही इंटरेस्ट होगा कि हम सियासतदानों की पूरी लाइफ हिस्ट्री बैठ के पढ़ रहे हैं और फिर उसको दुनिया के बाकी हिस्ट्री के साथ जो है ना वो बैठ के कंपेयर करके और फिर कोई ओपिनियन ड्राइव कर, ऐसा तो हो नहीं रहा। वो चार घिसे पिटे जुमले हैं वो लोगों ने आपको बताए हुए, आप बात करना शुरू करते हो अगला आदमी ठक करके आपको बात दे देता है। आप ये इतना बड़ा डायलेमा है कि आप गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू करते हो वो आपको पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के खाते में डाल देते हैं। मैं आपको बल्कि इस पर जोक सुनाता हूँ। मुझे एक बंदे ने, मैंने एक पोस्ट लगाई अगेंस्ट पीटीआई, तो किसी ने ना नीचे आके गाली गुली दे के कहा कि पता नहीं पहले ये लोग कहाँ मरे हुए थे पिछले दौर में। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, मैं अपने स्लो इंटरनेट के बावजूद अपनी टाइमलाइन में को 3 साल पीछे गया और मैंने वहां से जाके ना शहबाज शरीफ के अगेंस्ट एक जलसे में, मियां साहब के जलसे में कुछ लड़कियों के साथ बदतमीजी हुई थी। तो उन दिनों खान साहब अपनी कैंपेन चला रहे थे, जब वो बदतमीजी हुई तो ये तलाल चौधरी और नून लीग के ये जो बाकी इस तरीके के डफर और बदतमीज किस्म के जिनका काम सिर्फ बकवास करना है, मैं तो पर्सनली नहीं समझता किसी काबिल इस तरह के सियासतदानों को, वो आए और उन्होंने बोला कि इमरान खान का काम यही है, इसके जलसों में गंद फैल रहा है, लड़कियों के साथ ये हो रहा है, लड़कियों के साथ वो हो रहा है। तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया, तो मैंने उस टाइम पे लाइक इन 2016 15 आई डोंट रिमेम्बर, मैंने वो एक स्टेटस लगा दिया कि यार 35 साल से सूबा आप चला रहे हो, कौम को आपने पाला है, अगर आज नौजवान बदतमीजी कर रहे हैं तो इनकी बदतमीजी का तो कम से कम वो ले लो ना, तुम लोगों ने हुकूमत की है, इमरान खान के जलसे में आने वाले बच्चे ना इमरान खान ने नहीं पाले, तुम लोगों ने पाले। सो मैंने वो एक अपना पुराना स्टेटस निकाला और मैंने उस लड़के को कमेंट में जाके जवाब दे दिया, मैंने कहा भैया मैं ना 4 साल पहले ये कर रहा था, अब तुम बताओ कि तुम 4 साल पहले क्या कर रहे थे। उसने आगे से मुझे जवाब दिया या तुम तो किसी टाइम पे फिर इसका मतलब है खुशी नहीं होते, तुम्हें तो सिर्फ तनकीद करना आती। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, पहले तुमने मुझे कहा कि तुम पहले काम मरे हुए थे, मैंने तुम्हें सबूत दे दिया कि मैं पहले भी यही काम कर रहा था, तो अब तुम मेरी इस बात से अनहैप्पी हो कि मैं तो बस, हाँ मैं तो कंप्लेनर हूँ, मैं तो हर वजीर आजम और हर वजीर आला के खिलाफ ही कंप्लेन करता हूँ। आपको बेहतर रिस्पांस मिला, मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही चीज हुई और मैंने अपना एक आर्टिकल जो पीएमएलएन को क्रिटिसाइज करते हुए लिखा था पीएमएलएन की गवर्नमेंट में, उसने मुझे आगे से बोला ये तो तुमने इसलिए लिखा था ना कि आगे तुम जब इमरान खान को क्रिटिसाइज करो तो बैलेंस लगो। I said, मतलब नॉस्ट्राडेमस स्ट्रेटेजी बनाई, ये गालियां तो मैंने 5 साल बाद इमरान खान को देनी है तो अभी से थोड़ी बहुत बैलेंस को दे दो। इतने सियाणे हैं हम लोग, मतलब यार कोई वो वाली बात है ना कि ऐसा नहीं होता कि हम लोग कोई अपने आप को कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं या वो, आप एक चीज को फील करते हैं। yep. ठीक है, एक बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ कॉमन पाकिस्तानी, मैं तो बहुत आम पाकिस्तानी हूँ यार, जितना एक आम पाकिस्तानी हो सकता है हुलिये से, शक्ल से, जुबान से, मैं वो हूँ और माली हालात से भी, तो मैं बिल्कुल वो वाला पाकिस्तानी हूँ। तो मेरी बात को तो आपको बिल्कुल ऐसे लेना चाहिए ना कि जैसे यार हमने ही किए। मैं मतलब किसी एजेंडे के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी लॉबी के साथ, ठीक है, उस तरह का आपको मतलब क्यों एक हर चीज के साथ एक एसोसिएशन देखने का शौक है कि नहीं ये बात की है तो फिर ये रीजन होगी। तुम लोग मतलब एक बंदे ने लिखा हुआ था कि He's trying to attract पता नहीं कौन, मतलब like इसको अपने टाइम पे प्यार नहीं मिला। चलें फिर भी उन्होंने तमीज से लिखा, मेरे भी तो कभी कभी लिख देते नहीं देगी डायरेक्ट। नहीं देगी, इसको मैं पॉजिटिवली लूंगा कि उनको लगता है मेरा टाइम अब तक चल रहा है, लाइन देने की उम्मीदें हैं मेरे तक, आप पे आ रहे कि वक्त गुजर चुका है, अपने टाइम नहीं मिला। बट आई थिंक वही वाली बात है ना कि यार देखो हम लोग ही सेट करते हैं मिजाज, हम लोग ही बताते हैं। When I see, अब ये कुछ हमारे यूट्यूबर्स भी हैं, वो भी टिकटॉकर्स बेचारों की बहुत आत्मा रोलते हैं। आप हल्का सा किसी यूट्यूबर को थोड़ा सा कुछ कह दो या उसके खिलाफ के बात कर दो, वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता। मतलब हम सबको गिला है कि यार हम लोग सारे कीबोर्ड जादी बन गए और ये और वो, आप खुद अपनी लैंग्वेज देखो आप क्या करते हो। मतलब आपको किसी बात पे गुस्सा आया है तो आप गालियां निकालनी शुरू कर दोगे और फिर आप ये कहोगे कि अच्छा यार, जैसे आमतौर पे लोगों का अक्सर मुझे ये होगा या आपको होगा या हम सबको होता है, अब ये काम तो तुम लोग व्यूज के लिए कर रहे, आपको अंदाजा ही नहीं है कि यार समटाइम इट बिकम्स गिल्ट, समटाइम इट बिकम्स अ सीरियस कंसर्न एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर के यार एक इशू आया है
मुझे भी फील ही हुआ है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं आपको अपना डीएम दिखा सकता हूँ कि कितने मुझे मैसेजेस आते हैं, यार फलां चीज पे बात करो, फलां चीज पे बात करो. आई कैन नॉट टॉक अबाउट एवरीथिंग. इट्स नॉट जस्ट कि आई एम अफ्रेड ऑफ सेइंग एनीथिंग, लेकिन कितना को आदमी बोल सकता, ठीक है? और फिर कभी आप बोलो और कोई आपको, मतलब मुझे बहुत कम हेट आया, बहुत कम क्रिटिसिज्म आया, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, गालियां भी थोड़ी बहुत ही आई. लेकिन जब कोई इस तरह से कह देते ना यार, क्योंकि आई एक्चुअली फील दैट, आप मेरा अपने आप से क्वेश्चन हो जाता है कि यार मैं इस इशू पे बात करने लगा हूं, व्हाट माय पर्पस इज, मैं क्यों बात कर रहा हूं, मैं व्यूज तो नहीं लेना चाह रहा, हालांकि मेरी मेरा यूट्यूब के ऊपर एग्जिस्टेंस जीरो, मेरी यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से इनकम जीरो. आई हैव क्या बोलेंगे, ऐसे आटे में नमक के बराबर भी नहीं हूं मैं पाकिस्तानी डिजिटल मीडिया की जो भी कम्युनिटी है उसके अंदर. आई एम नो वन, आई एम नॉट अर्निंग अ पेनी. बट ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मुझे मिल तो रहा है ना. ऑब्वियसली चार लोग इज्जत कर लेते हैं, दो लोग फैन बन जाते हैं, हो सकता है कोई इस बात से इंप्रेस होकर कोई और काम दे दे, तो कल को मैं कोई और काम करूंगा और फिर मैं अपने आप के साथ बैठ के सोचूं कि यार क्या मैं सारे इश्यूज को सिर्फ इसलिए डिस्कस करता था, वॉज आई मेकिंग माई ओन करियर, मतलब मेरे लिए चाहे वो कोई रेप का किस्सा हो या कोई दहशतगर्दी का वाक्या हो या कोई ब्लास्फेमी का इशू हो या सेक्टेरियन वायलेंस हो, क्या मैं इतना सेल्फिश था कि मैं सिर्फ व्यूज के लिए बैठता था? सो आई थिंक ये चीजें ना, ऐसा नहीं है कि लोग आके बहुत आराम से लिख के चले जाते हैं, बट समटाइम्स दीज आर द क्वेश्चंस जो मैं तो कम से कम, और आई हैव सीन द पीपल अराउंड मी, देन दे आल्सो आस्क देमसेल्व्स कि यार क्यों बात करनी है. सो नियत तो वही वाली बात है कि अल्लाह बेहतर जानता है, बट खैर छोड़े. ये जिस कश्मकश में आप है ना, इसमें मैं भी हूं. अल्लाह का शुक्र है कि बहुत गालियां पड़ी हैं, बहुत क्रिटिसिज्म में बहुत कुछ हुआ है. बट देन यू ऑल्सो सी व्हाट एल्स इज हैपनिंग आउट देयर, राइट? अब वकार जका अगर कहते हैं टिकटॉक पे बेहाई होती है तो बंदा बोले अल्लाह, तू अपना स्नैपचैट देख, तू अपना नो हेडफोन शेक, हेडफोन शो देख, तू किस मुंह से कह रहा है. और सिमिलरली यही साहब हैं जो रोहिंग्या मुस्लिम पे भी बात करेंगे, जो इस्लाम भी फैलाएंगे, जो पीटीआई की भी बात करेंगे. तो वो जो परफॉर्मेटिव एलिमेंट है, या जिस चीज पे शायद आपको तनकीद आती है या मुझे भी आती है, परफॉर्मेटिव कर रहे हैं व्यूज के लिए कर रहे हैं, या तो आपको लगता है हम इतने अहमक और जाहिल आदमी है कि हमें पता नहीं हम पाकिस्तान में रहते हैं, कि हमें नहीं पता पाकिस्तान में व्यूज कैसे मिलते हैं. कल को अगर हमजा साहब या वकार साहब जैसी बातें करते हैं, हम अगर करना शुरू हो जाए, अगर हमारी नियत सिर्फ व्यूज हो, बड़े व्यूज मिलेंगे, बहुत व्यूज मिलेंगे. मैं अगर आज वीडियो बना दूं कि जी नवाज शरीफ ने कल जो बात की है, ये इंडियन फॉरेन ऑफिस से इसके पास एक खत आया था दोपहर के टाइम, मैं हकीकत टीवी, व्यूज ही व्यूज. ये बात सच है कि असल में तो हम इंसान हैं. अगर दो लोग तारीफ करते हैं, सच्ची बात है, अगर मुझे एक मैसेज आए कि यार एक सैलाब ऑफ गंद में आपकी वॉइस मुझे थोड़ी सेन लगी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. क्या ठीक है, कोई सुन रहा है, किसी को अच्छी लग रही है बात, बट जस्ट बिकॉज यू फील गुड एट दैट डज नॉट मीन कि आप इसलिए कर रहे हो कि लोगों में मेरी वाह वाह हो, क्योंकि वाह वाह आपको ज्यादा वो बातें करके मिलेंगी, लेकिन आप अपना ईमान नहीं बेच रहे. खान साहब वाली बात है ना कि प्राइम मिनिस्टर तो बन गए हैं, पर अगर हर चीज जो आपको इमरान खान बनाती थी वो बेच के आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं जी, तो ये बनने का कोई फायदा है? क्या फायदा, बात हुई ना कि क्या फायदा आपको खान साहब, फिर याद रख दूं जो बार बार खान साहब के लिए, तो खान साहब जिस वक्त बड़े अच्छे कैप्टन थे ना, जब आप कह रहे थे कि खान साहब कैप्टन बड़े अच्छे थे, खान साहब जिस वक्त बड़े अच्छे कैप्टन थे उस वक्त मसला ये था कि खान साहब टीम अपनी मर्जी लेके जाते थे, खान साहब का बड़ा रोब था, खान साहब बोर्ड के कहने पे नहीं चलते थे, सेलेक्टर्स कहते थे हम रिजाइन कर देंगे. खान साहब की अपनी एक स्पीच है जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने 92 के वर्ल्ड कप में एक प्लेयर को एड ऑन किया, तो सेलेक्टर ने कहा कि मैं रिजाइन कर दूंगा कि अगर तुमने इस प्लेयर को वर्ल्ड कप स्क्वाड में डाला, और खान साहब ने कहा कि नहीं, यही लड़का तो मुझे वर्ल्ड कप जिताएगा, तुम देखना. और उस लड़के का नाम था इंजमामुल हक, और इंजमामुल हक ने सिर्फ 92 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल फाइनल नहीं जिताया, उसने अगले 20 साल आपके क्रिकेट को भी संभाला. सो वो जो डिसीजन था खान साहब का, वो आतिफ मिया की दफा कहां गया, नहीं बना ना वो बात. आतिफ मिया की आप बात कर रहे हैं, असद उमर 10 तो नहीं चले, 3-4 साल हर रात टीवी पे
उसने समझाया पाकिस्तान की इकोनॉमी और फाइनेंसिस क्या मसला, साल भी नहीं रहे वो। हाँ आतिफ मियां तो चले, बड़ा बैकलैश, बड़ी मुश्किल डिसीजन था। मैं तो कमेंट करता हूँ कि ये डिसीजन भी लिया, मैं उधर क्रेडिट दे देता हूँ, ये डिसीजन भी लिया। चले बाद में नहीं खड़े रह सके उस पर, यू टर्न हो गया, कोई मतलब नहीं, बट डिसीजन भी लिया, कमेंट करता हूँ। असद उमर हर रात टीवी पे असद उमर ने इतनी बातें की और फिर साल बाद बैठे घूम रहे हैं अप नॉर्थ में, उनकी तस्वीरें आ रही सर। बस रटे रटाए बातों में ना, मैं कहता हूँ 15-16 साल खान साहब ने भी एक ही जैसी बातें की, नहीं 15-16 साल नहीं, 2010 के बाद खान साहब काफी चेंज हो गए। उससे पहले बहुत ट्रैक पे थे, बड़े काम की बातें किया करते थे। उसके बाद जो बातें थी ना वो बस सब सिर्फ बातें थी। मतलब असद उमर साहब आ गए थे फाइनेंस को संभालने और असद उमर साहब के बारे में यही था बड़ा, खान साहब चीफ सीके कहते होते थे कि मैं सागडार जैसा आदमी थोड़ी लाया हूँ, असद उमर एक लॉयल आदमी है, उसने ग्रो को चलाया है, उसने ये किया है, उसने वो किया है। हमने कहा अच्छा 9 महीने बाद आपने उस बंदे को निकाल दिया। 9 महीने मतलब एक आदमी के ऊपर आपकी साल हा साल की इन्वेस्टमेंट थी, वो आपका मेन प्रमोशनल आइटम था कैंपेन का, और सिर्फ 9 महीने बाद आपने कहा नहीं वी नीड हफीज शेख। हफीज शेख हु? अच्छा वो जो जरदारी के साथ चलता था मिस्टर आईएमएफ, उसको फाइनेंस बहुत अच्छा आता है। सो अगर हफीज शेख ने फाइनेंस चलाना था ना यार, जरदारी भी बुरा नहीं था फिर। मतलब ठीक है खान साहब वैसे देखने में अर्तुगरल लग रहे होंगे लोगों को, लेकिन और जरदारी नहीं अच्छा लगता, अपनी फेस की चॉइस की बात और है। बट अगर हफीज शेख ने फाइनेंस चलाना था तो फिर क्या बुराई थी जरदारी साहब में, और क्या डिफरेंस है? जरदारी को ये मैं जरूर क्रेडिट देता हूँ कि कॉम्प्रोमाइज जरदारी से बेहतर कोई नहीं करता। बात एक पॉलिटिशियन का हुनर है कॉम्प्रोमाइज करना, मैं ये सरकास्टिकली नहीं कह रहा ये बात ना, यार हर... वो देखे एक 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 चीज का ना, अगर आप सार्केस्टिकली नहीं कह रहे, अगर एक आदमी वाकई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर, उसने अपने हिस्से की भी कई चीजें वाकई ऐसी हैं, उसने ये नहीं कि सिर्फ मजबूरी के तहत मफाद में तपलाई है, वो जहां रिवेंज ले सकता था उसने वहां भी नहीं लिया, बहुत सारी जगहों के ऊपर उसने मफाद। बट आल्सो कम्स फ्रॉम बेनजीर, बेनजीर डिडंट डू इट व्हेन बेनजीर केम इनटू पावर पोस्ट ज़ियाउल्लाह। ठीक है रियल पावर उनके पास कम थी, बट उन्होंने नहीं लिया बदला। इवन जुल्फिकार अली भुट्टो आई थिंक didn't shame the army in 71 is probably the only time where civilian supremacy had at least awam mein thoda root, zillat ki haar thi, but we didn't wo I think PPP ne ye theek hai jitne corrupt hain jo bhi hain ye credit thoda jata hai ki politicians acche hain, unko samajh aati hai ki mulk chalo agar कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ी बहुत पावर लेके इस तरह करके आगे चलना है। इवन समथिंग लाइक द 18th अमेंडमेंट इज विजनरी, इट्स वेरी रेयर फॉर अ गवर्नमेंट टू सीड पावर। देखिए अभी आपने बात की ना 71 की, 19 हम लोग अक्सर औकात बहुत इजीली ना चीजों को कह देते हैं इसने खराब कर दिया, इसने 1971 में जब आपका मुल्क, आप जो मुल्क आपने जुल्फिकार अली भुट्टो के हवाले किया था ना, उससे पहले कहते हैं अयूब खान के मुल्क में हमारा जीडीपी यहाँ था, ठीक है। अब ये नहीं बताते कि वो जीडीपी बांग्लादेश की वजह से था, इंडस्ट्री तो सारी वहां पे थी, भैया आप तो यहाँ पे कुछ करते ही नहीं थे, ठीक है, आपकी तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी और फौज थी और आप जाके बंगालियों पे राज करते थे। सो जैसे ही बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान टूटा, तो ए आपका मुल्क टूट गया, आप कलेक्टिवली एक आपकी कौमी डाउनर में चली गई, शिकस्त हो गई ना। इंटरेस्टिंगली सॉरी मैं काट रहा हूँ, आसिम सज्जाद ने बहुत अच्छी बात की थी, बोलते हैं पाकिस्तान दुनिया भर में वाहिद मुल्क है, हर जगह मुल्क टूटते हैं मुल्क बनते हैं, पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर अ लार्जर पोर्शन सीसीडेड इनटू अनदर कंट्री। मतलब एक छोटा हिस्सा पाकिस्तान था और बड़ा हिस्सा कोई और मुल्क बन गया। जी आप ये देखें कि उस मुल्क ने अपना नाम पाकिस्तान नहीं रखा। What if they had claimed कि यार पाकिस्तान तो हम है, मुस्लिम लीग तो ढाका में बनी थी, ठीक है, they didn't claim it, उन्होंने कहा नहीं भाई हम लोग बंगाली हैं, हम लोग अपना बांग्लादेश ही बनाएंगे, वो चले गए, उन्होंने जाके अपना बांग्लादेश बना लिया। वो आपसे जितना फायदा था, जैसे आपकी फिल्म वहां पे भी लगती थी, एक सर्किट था आपकी ट्रेड का सर्किट था, वो आस्ता 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 कम होता गया। सो आपका बिजनेस डाउन था, आप कलेक्टिवली एज नेशन डाउन थे, आपकी फौज
सिर्फ जंग नहीं आ रही थी, कैद में भी थी. सरेंडर्ड जी, वन ऑफ द लार्जेस्ट सरेंडर्स एवर बाय द वे एवर जी. और उससे पहले के जो हालात थे ना वो भी कोई इतने अच्छे नहीं थे. यानी चले ये सरेंडर तो एक मैदान जंग है, हार जीत होती रहती है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. आज आप जीत जाओगे, कल कोई जीत जाएगा. इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्ट्रेटजीज, किस वक्त कौन बेहतर हिकमत अमली के तहत मैदान जंग में उतरता. उससे पहले यहा खान था, यहा खान से पहले मूसा खान था, मूसा खान से पहले अयूब खान था. ये अयूब खान ने किसी भी आदमी को मेरिट पे ना ऊपर आने नहीं दिया, क्योंकि अगर कोई आदमी मेरिट पर ऊपर आ जाता तो अयूब खान हट जाता. सो अयूब खान ट्राइड हिज बेस्ट के ठीक है, जनरल मूसा वाज अ गुड जनरल, बट वो हजारा था, उसकी पावर नहीं थी फौज में कोई. तो चलो जितने पंजाबी और पठान जनरल है उनको खोडे लाइन लगाते रहो, यहा खान को लेकर आओ. सो एक पूरा एक पीछे पूरे तबाह सेटअप को आप लेकर आए थे. तो 71 इज अ रीबर्थ ऑफ पाकिस्तान, कि जब आपने पाकिस्तान को दोबारा बनाना शुरू किया. विद इन 5 years आपका मुल्क इतना काबिल हो गया कि आपके मुल्क में एक आईन मंजूर हो गया. और अगेन जिस वक्त बांग्लादेश बना था ना, आप लोगों को यह बात नहीं पता कि 1971 में बलूचिस्तान सूबा बना था. बिफोर दैट बलूचिस्तान हैड नो एग्जिस्टेंस, इट वॉज इंक्लूडेड इन वन यूनिट. यानी पाकिस्तान जब आप बना रहे थे तब आपने कहा था सूबों को खुद मुख्तारी दी जाएगी as per the Jinnah's 14 points. Even as per Pakistan resolutions, Texas, Pakistan would be independent and sovereign states. ये बात sovereign states गायब कर देते शुरू से. ये गायब हो गई. और आपने आते ही पाकिस्तान बनाते ही आपने पहला काम ये किया कि आपने वन यूनिट बनाया, और वन यूनिट बना के आपने चार सूबों का एक सूबा बना दिया, पावर को बिल्कुल एक सेंट्रलाइज कर लिया. 71 में बलूचिस्तान बना, और बलूचिस्तान में भी उस वक्त क्योंकि मूवमेंट 1948 से शुरू हो चुकी थी, दे वर लाइक थिंकिंग कि यार अगर बंगाली अलग हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं. और उस वक्त तो आप कोई जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे, उस वक्त तो आप किसी और सूबे में तो मजीद गन नहीं चाहते थे. भुट्टो साहब ने बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन करवाया, ही वॉज अ सिविलियन लीडर, बट उन्होंने बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन करवाया. उन्होंने किसी तरीके से बलूचिस्तान को जम रखा, फेडरेशन की अलामत बने, कैदी छुड़ा के लेकर आए, आईन मंजूर करवाया. 5 साल नहीं गुजरे और आपकी कौम का अचानक से सबर का पैमाना लबरेज हो गया. उस कौम का जिसका 10 साल अयूब के उस पर पैमाना लबरेज नहीं हुआ, याया के ऊपर पैमाना लबरेज नहीं हुआ, 71 की हार के ऊपर पैमाना लबरेज नहीं हुआ. 4 साल के बाद एकदम से लोग ऐसे बाहर निकले हैं कि बस उड़ा के रखते हैं कि इट्स नॉट डन लाइक दिस. ये फियर था जो एस्टेब्लिशमेंट को और उस कैपिटलिस्ट सोच को आ चुका था कि यार अगर ये चीज चलती रही, ठीक है भुट्टो भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चल रहा है, आई एम सेइंग भुट्टो ने इलेक्टेबल्स अपने साथ शामिल किए, भुट्टो ने मिलिट्री ऑपरेशन करवाए, वट एवर ही वॉज डूइंग, लेकिन वो जो फाउंडेशन रखी जा रही थी कि कम से कम आइन तो बना दो ना यार, इन चार का कुछ स्टेटस तो बने. आइन अब देखे आपके आपके मुल्क में एक दरिया गुजरता है सिंध, जो सारे मुल्क में गुजरता है, उसकी पानी की तकसीम कैसे होगी भैया, कोई फार्मूला चाहिए ना यार, वो कौन डिसाइड करेगा, वो एक फौजी आके एक छड़ी करके नहीं कर सकता. अयूब खान ने 3 दरिया बेच दिए आपके, वो दरिया जो हिस्टोरिकली जिनका रूट यही था. आप पुराने नक्शे 1947 से पहले के नक्शे उठाएं तो वो तीनों दरिया पंजाब के थे, वो सीधे पंजाब में आते थे, सिंध में गिरते थे. आप इमेजिन करें आपके पास एक बहुत बड़ा पूल हो लेकिन पीछे से उसकी टूटियां ही आप बंद कर दें, तो उस पूल का आप क्या करेंगे, खाली पूल का आप क्या करेंगे. आपने 3 दरियाओं का पानी बेच दिया, नोबडी रेज्ड अ क्वेश्चन, किसी के सबर का पैमाना लबरेज नहीं. भुट्टो की दफा 4 साल में आपके सबर का पैमाना बस यहां तक हो गया कि नहीं 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 नहीं, भुट्टो साहब रिजल्ट क्या मिला, हैंग हो गए. 11 साल का मार्शल लॉ आ गया, एक्सट्रीमिज्म आ गया, क्लाशनकोफ कल्चर आ गया, ड्रग्स आ गई, आपके अड्डे बिक गए, आपके मुल्क में जहादी ऑर्गेनाइजेशंस बनना शुरू हो गए, आपकी फॉरेन पॉलिसी खत्म हो गई, आपके हर इदारों में से सिविल सुप्रीमेसी जो थोड़ी बहुत रहती थी वो भी खत्म होते होते गई. 90s सारा इसी कशमकश में रहा, मियां साहब आए, मियां साहब ने कोई थोड़ा सा 2/3 की गवर्नमेंट ली, कुछ 4-6 चीजें बनानी शुरू की, थोड़ा सा पावर को एक्सरसाइज किया. मियां साहब ने
कोई बड़ा काम नहीं किया था अभी, उन्होंने सिर्फ अभी थोड़ा सा पावर को एक्सरसाइज करना शुरू किया था कि मेरे पास 2/3 मेजॉरिटी है। सबसे पहले बेनजीर ने मतलब 1.5 साल में कितनी करप्शन कर ली होगी कि फारिग हो गई कितनी, मैं वही कह रहा हूं ना, 2 साल नहीं गुजरते थे और दैट वाज माय चाइल्डहुड ना, तो आई स्टिल रिमेंबर के सड़कों के ऊपर बड़े बड़े चार्ट्स लगे होते थे ऐसे वो पोस्टर्स, और उसमें ना पाकिस्तान का नक्शा बना होता था और उस नक्शे के ऊपर ना एक अजदहा बना होता था और उस अजदहे पे लिखा होता था करप्शन का सांप। कौन लगाता था रात को जाके हमारी दीवारों पे ये पोस्टर, कौन लगा के जाता था? भले वो मियां साहब उस वक्त पीपल्स पार्टी के खिलाफ चल रहे थे या जो भी चल रहा था, ये वही काम कर रहे थे जो इस वक्त हम पीटीआई से अकेला करते, गलत कर रहे थे ना। उसका समर मिल गया 99 में, परवेज मुशर्रफ आया। 10 साल परवेज मुशर्रफ के दौर में या लाल मस्जिद हो गई, ड्रोन अटैक्स हो गए, अकबर बुगटी का कत्ल हो गया, ठीक है, आपके मुल्क में दहशतगर्दी फैल गई, आफिया सदीकी, आप इंसिडेंट उठाते जाएं वो सारे मुशर्रफ के दौर में निकलेंगे। 10 साल बाद 2007 में जब मुशर्रफ ने मुल्क आपके हवाले किया, 3 सूबे मुकम्मल तौर पे बदजन हो चुके थे। That is a harsh reality, अब माने या ना माने, केपीके, सेन, बलूचिस्तान, केपीके में ऑपरेशन चल रहा था, बलूचिस्तान में ऑपरेशन चल रहा था और कराची तो गैंग्स के हवाले हो चुके। ये 2007 में मुल्क है जो आपने दोबारा लाके पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले किया, कंबाइंड विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस, वो तो छोड़ दे, वो तो हम काउंट ही नहीं कर रहे। इस हालत में जब 2007 में उनको मुल्क मिला, मुल्क मिलते ही मुंबई में वो अटैक हो गया ताज में, आप फॉरन भी किसी के साथ बात नहीं कर सकते, आपको एक फॉरन क्राइसिस भी आ गया, इंटरनल तो आप बिल्कुल ही गर्क हुए बैठे हुए। And then 2008 global financial crisis also. जी, अब आप सोचें कि 10-10 साल के मार्शल ला के बाद एक जब मुल्क बिल्कुल ऐसे खत्म होने वाला हो जाता ना, तो ये जाके ऐसे फेंक देते हैं सियासतदानों के सामने, यार इसको देख लो कुछ कर सकते हो, जैसे हमारा होता ना गाड़ी बिल्कुल तबाह होगी मिस्त्री के पास लेके, यार इसको देख लो इसका कोई निकलता है कोई इंजन उंजन हो जाएगा सेट, ठीक है। थोड़ा 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 बनना शुरू किया और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी 18 अमेंडमेंट। 18 अमेंडमेंट इज द ओनली थिंग जिसने 2008 में पाकिस्तान को बचा लिया। ये यही सारे पॉलिटिशियंस ये रिस्पॉन्सिबल बन गए कि यार हम सूबों में अलैदगी की, तशद्दुद की ये सारी फिजा खत्म करेंगे, हमें आप जिम्मेदार बनाए, हमें आप पावर दें, लेकिन हमें अब 18वीं तरमीम दें ताकि हम लोगों को जाके कुछ तो दें ना। एक पठान का दिल करता है कि उसके सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा हो, तो 3 सूबे कौन होते हैं ये तय करने वाले कि भाई नहीं होगा। Baffles me कि it took us 60 years to be like, wait, हम इसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस क्यों बोलते हैं, हम ब्रिटिशर्स कॉलोनियल पावर नहीं है। मतलब शॉकिंग बात है ये कि हमने मतलब उसको NWFE बोला। जी, आप उसका एक उसका एथनिकल कल्चरल हिस्टोरिकल जो उसका एस्पेक्ट है उसको आप तस्लीम ही नहीं कर रहे। सूबा बनाया हुआ है, बस उसका नाम सरहद रखा हुआ है। उर्दू में शुमाल मगरबी सरहदी सूबा नाम ही नहीं है, बच्चा पैदा हुआ है उसका नाम ही नहीं है, उनको नाम देने में 60 साल लग गए, ठीक हो गया जी। अब 18वीं तरमीम आने के बाद हमें ये लगता है कि मसाइल इतने हो गए हैं कि अब जो मसाइल हैं वो 18वीं तरमीम के, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, बाकी लोगों से पूछना चाहूंगा, हुआ क्या 18वीं तरमीम के बाद से अब तक, मुझे बताएं, क्या चारों सूबों ने अपने करिकुलम बना लिए? नहीं। क्या चारों सूबों को टैक्सेस अपनी मर्जी से लगाने की इजाजत मिल गई? आप कहेंगे हाँ मिल गई, तो फिर वो टैक्सेस भी बताएं जो फेडरेशन फोन करके खत्म करवा देती है। बलूचिस्तान में जो हकूमत है वो हकूमत ही वफाक चूज कर रहा है ना, वो काहे की कितनी कुछ सॉवरन हकूमत हो जाएगी भैया। अभी तो 18वीं तरमीम के असरात भी नहीं नमूदार होना शुरू हुए कि मैं कहूं कि हाँ यार ये काम हो गया। अभी तो चीजें, यानी एक पावर है उसने अभी डिवाइड होना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है, वो हुई नहीं। मैं हैरान हुआ था, बस अगेन हम इतने पढ़े लिखे जाहिल हैं मेरे जैसे, कि मैं क्वेटा पे फिर रहा था इन द पीपल्स पार्टीज एरा, तो मैं फिर रहा था और मैंने देखा कोई एक दो ना नई बिल्डिंग्स बनी, तो मैं वहां घुस गया। मैंने कहा यार ये किस चीज का है? उन्होंने कहा म्यूजियम। मैंने कहा वेरी नाइस, क्वेटा में म्यूजियम बन गया, मुझे पता ही नहीं था, मैं कुछ तस्वीरें खींच सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ खींचे। मैं अंदर गया तो सारी हिस्टोरिकल गन्स ना शीशों के बाहर पड़ी हुई थी
लाहौर के म्यूजियम मैंने देखा हुआ है और बाकी, तो वो तो जरा चीजों को प्रिजर्व किया था, तो वो बाहर पड़ी हुई थी। मैंने कहा उठा लू, कहा उठा लो यार जो तुम्हारा दिल करता है। अब मैं वो सारी 1800 की बंदूकें उठाऊं, तस्वीरें खिंचवाऊं, ठीक है, कहीं भी छूने की इजाजत नहीं होती। तो मैं बड़ा हैरान था, मैं चीजों की फोटोग्राफी वगैरह करता रहा और मुझे पता चला कि ये नया ऑफिस बना है, टूरिज्म की मिनिस्ट्री अभी निकली है पता नहीं कल्चर से बाहर, ठीक है, और जो कल्चर की मिनिस्ट्री है ना वो है ही नहीं, वो आती है इंफॉर्मेशन में। अब इंफॉर्मेशन की जो मिनिस्ट्री है ना उसका एडिशनल चार्ज है शफकत महमूद साहब के पास। यार आपने मुल्क में आर्ट को, कल्चर को, हेरिटेज को, हिस्ट्री को, मतलब ये अहमियत है कि 70 साल में आप उसकी सेपरेट मिनिस्ट्री नहीं बना सके कि यार अच्छा आर्टिस्टों को एक अलग डिपार्टमेंट डील करेगा, इंफॉर्मेशन इज समथिंग एल्स, काम बहुत फैल चुका हुआ है, नहीं एक ही मिनिस्टर होगा वो ही। क्या क्या हमारे हमारे मुल्क में क्या है, आर्टिस्टों की कोई यूनियंस नहीं है, हमारे मुल्क में लेबर यूनियंस का कोई हाल नहीं है। आपके अभी मेरे साथ कोई मसला हो जाए, कोई कॉर्पोरेट कर जाए, कोई कर जाए, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे साथ कोई चैनल मसला कर देता है, मैं अदालत जा सकता हूँ, मैं कोई वकील कर सकता हूँ? इन्वायरमेंट, एक फैक्ट्री है वो मेरे एरिया में इन्वायरमेंट के लिए कुछ पोल्यूशन कर रही है, तो मैं अदालत जाऊंगा, वो तो अगले दिन मुल्क का सबसे बड़ा वकील खरीद लेंगे और साथ मुझे 2 चपेड़े भी करा देंगे। सो अभी तक आपके मुल्क में ये जो सॉवरेनिटी के असरात थे ये आए भी नहीं है, और गालियां पहले 18वीं तरमीम को आपने देना शुरू कर दी। हालांकि मैं तो अपने आप को उस चीज में शामिल भी नहीं करता कि मैं कहां बैठा हूं कि मैं अपने आप को कहूं कि यार मुझे 18वीं तरमीम से बेनिफिट होगा, मैं तो बाहर निकल गया वो उस चीज से, मतलब जब तक ये इम्प्लीमेंट होगी और 10 लोगों को इसका फायदा होगा। बट पर्सनली अब मैं इतना जज्बाती हो जाता हूं कि जब भी मैं इस गवर्नमेंट के किसी बंदे के मुंह से सुनता हूं, मैं कहता हूं जिस दिन 18वीं तरमीम के खिलाफ ये चाहेंगे ना, मैं खुद पहला आदमी हूंगा, मैं जाकर सड़क पर खड़ा हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा कि यार आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो आप कम से कम गलत तो ना करो। आप अब ये 10 साल गुजारे पीपीपी और पीएमएलएन ने, 10 साल, इस 10 साल का अरसा जो था ये हमने किस तरह देखा है। 2 दफा कादरी साहब सड़क पे आए, 2 दफा रिजवी साहब सड़क के ऊपर आए, खान साहब 2 दफा सड़क के ऊपर आए। यार सियासी जमातों को या आप एक तो तबाह करके मुल्क दे देते हो, ठीक है, उसके बाद जब वो बनाना शुरू करते हो तो आप उनको बनाने भी नहीं देते। ये तो या आप बारी ले लो पूरी एक दफा, अगर आपको लगता है ना आप बिल्कुल ठीक चला सकते हो, आपके पास बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको बहुत काम आता है, आप एक लंबी बारी ले लो, रूल बना दो, भाई जो चीफ होगा ना आर्मी वही मुल्क का प्रेसिडेंट होगा, किसी ने बात की चपेड़ करा देंगे मुंह पे। ये इस कौम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस कौम को सिर्फ बेनिफिट्स चाहिए। वी एक्चुअली डोंट केयर कि सदर है, वजीर आजम है, बादशाह है, अमीर है, बेनिफिट कौन दे रहा है? आप बेनिफिट देना चाहते हो ना, आप एक 10 साल ले लो, एक दफा ले लो, लेकिन फिर तय कर लो भैया कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो फिर किसी और को करने दो। यार इतनी जल्दी हमारी बर्दाश्त ऐसे, अब देखना ये जो 2.5 साल गुजरे हैं, इस 2.5 साल में क्या ये मीडिया वैसे ही है जैसा ये मीडिया यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर चढ़ा करता था? क्या ये मीडिया वैसे ही है जैसे ये मियां नवाज शरीफ के ऊपर चढ़ा करता था? ऐसा नहीं है। रियलिटीज मतलब इनकम के फैक्ट्स, इनकम डिनाई तो नहीं कर सकते। 10-10 साल की आमरियत की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसने 5 साल पूरे क्यों कोई प्राइम मिनिस्टर करने ही नहीं देता। कुछ तो लियाकत अली खान को गोली मार दी, बेनजीर को आपने मार दिया, सिविलियन यूसुफ रजा गिलानी के बच्चे किडनैप कर लिए। इमेजिन, चले बेचारा नहीं, जो भी होगा उसका जो भी पर्सनल लाइफ है मुझे नहीं पता, जो भी है लेकिन आप लेवरेज तो देखें, आप कि आप ज्यादा बोलेंगे तो आपके बच्चे हमारे पास क्या। दूसरा है कि एक वजीर आजम अगर 4 साल अदालतें झेलेगा क्या करेगा? इसमें मैं ये नहीं कहता कि गिलानी ने कोई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा काम करना था जो हो नहीं सका। बात यह है भैया, सुबह होती है वजीर आजम की अदालत में पेशी, रात को सारे एंकर्स बता देते हैं कि हुकूमत कल चली जाएगी। उसके बाद हमारा वजीर आजम आगे कहता है कि मेरी आज मुलाकात हो रही है डेनिश सफीर से और मैंने उसको कहा कि पाकिस्तान में न कारोबारी सरगर्मियां करें। या आप अपने पीएम को कुछ मार्जिन दे रहे हो कि वो किसी के मुंह दिखाने का लायक है? मतलब मैं अगर किसी बाहर मुल्क से आया हूंगा और पीएम आके मुझे कहेगा यार आप हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, हमारी गवर्नमेंट ये सोच रही है, तो मैं तो उसको कहूंगा भैया मैं सुबह टीवी देख रहा था और मुझे लग रहा था कि तुम खुद जाने वाले हो,
क्योंकि तुम तो सुबह अदालत में पेश ही देके आए। ये अनसर्टेनिटी, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये कोई नहीं डिस्कस करता। लोग कहते हैं जी मुशरफ के टाइम इन्वेस्टमेंट आई, हाँ क्योंकि वो एक अथॉरिटेरियन लीडर था। अगर एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर हो तो आप खुद उसकी टांग खींचते हो और फॉरेन इन्वेस्टर को बोलते हो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आपने अगर ताहिरुल कादरी खड़ा किया हुआ है जो कह रहे हैं 3 बजे गवर्नमेंट गिर जाएगी, फॉरेन इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करेगा, कैसे इन्वेस्ट करेगा? आपके आपके एंकर स्पेकुलेशन फैला रहे, दबा दब स्पेकुलेशन फैला रहे, गलत से गलत इन्फॉर्मेशन दी जाए यार। कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, वो वही वाली बात है, वो तोता आ जाता है। शेख रशीद जैसा बदतमीज आपने, मुझे तो वो वीना मलिक के सियासतदानों की उसका क्या काम है? मतलब मैंने तो आज तक नहीं सुना कि शेख रशीद ने कोई विजनरी बात की हो। वो आएगा स्पाइस दे देगा, हर टीवी चैनल उसको ऐसे बुलाता है जैसे उससे ज्यादा मुदब्बर पॉलिटिशियन कोई नहीं गुजरा। वो एक अनऑफिशियल नुमाइंदा एस्टेब्लिशमेंट का, अनऑफिशियल नुमाइंदा। इससे बड़ा क्या मजाक हो सकता है यार? आप मुझे आके कहते हो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी को अनऑफिशियली, मैं कहूंगा सॉरी मैं अनऑफिशियल आदमी के साथ बात नहीं करता, मैंने ऑफिशियल आदमी के साथ बात की। शेख रशीद की पूरी पार्टी है सर, जिसमें वो अकेले वन मैन पार्टी है वो। भाई हम छोटे थे ना तो ये आदमी बीबी के बारे में गलत गलत बातें करता था जलसों में, ठीक है। इसने कहा था ना कि इसने कहा था कि बीबी कहती है मेरी एक टांग सिंध में, एक टांग NWFU में है, तो जी पंजाब के तो मौजा ही मौजा। मतलब I remember all that shit and personally मुझे इसलिए शेख से ज्यादा नफरत भी है कि मेरा बीबी के साथ थोड़ा लव है, तो मुझे जब भी इसकी बातें याद आती तो मुझे गुस्सा आता, बट ज्यादा गुस्सा तब आता है कि कोई नई बात नहीं है। 40 साल बाद इससे पहले मादरे मिल्लत के बारे में जो बातें होती थी आज वो ट्रीजन कंसिडर किया जी, जाएगा जी, जी, जो फातिमा जिन्ना के बारे में बातें हो चुकी हैं। सर बात ये ना कि क्या एवोल्यूशन है इनका, मतलब फातिमा जिन्ना आई आपने उसको बोल दिया, बीबी आई आपने उसको बोल दिया, बिलावल आया आपने उसको बोल दिया, मरियम आई आपने उसको बोल दिया, और बोला आपने क्या गंदी बात। मतलब अल्लाह ने आपको पैदा किया था, अल्लाह ने आपको इतने मौके दिए जिंदगी में, आप 6 से 7 दफा असेंबली के मेंबर बन गए, पैसा दिया अल्लाह ने, टीवी पे आने का मौका दिया, ये सीखा है आपने 70 साल की जिंदगी की। शेख रशीद की 70 साल की जिंदगी की कहानी क्या है कि ये पहले बेनजीर को गालियां देता था, बिलावल को देता है, 2 लफ्जों में तो यही है, ये काम किया इसने बस। ये वो वाला क्वेश्चन है ना जो इंसान को अपने आप से पूछना चाहिए। अयूब खान के सामने फातिमा जिन्ना खड़ी थी, उस वक्त का राइट विंग अयूब खान के साथ खड़ा था और आज का राइट विंग फातिमा जिन्ना के साथ खड़ा है। यार तुम लोग कुछ कहां जा गया, हम किस दीवार में अपना सर मारे यार, ठीक है कि उस वक्त फातिमा जिन्ना के साथ सिर्फ इस वजह से कि फातिमा जिन्ना के साथ बाचा खान खड़ा था, तो आपने कहा नहीं यार बाचा खान तो पश्तूनिस्तान बनाना चाहता है और बाचा खान पश्तूनिस्तान बना रहा है और बाचा खान पश्तूनिस्तान बना रहा है और बाचा खान पश्तूनिस्तान बना रहा है, और एंड भी पता चला वो सिर्फ पख्तून खान नाम की बात कर रहे थे। आप कहते हैं ना विजनरी नहीं है हमारे पास लीडर, बाचा खान है विजनरी, बाचा खान विजनरी थे। क्या किया उनके साथ उनकी, मुझे अब वही वाली बात है, अब हम चीजें पढ़ते हैं मुझे इतना अफसोस होता है कि 48 में 50s में केपीके में आपने सरेआम गोलियां चलाई, चारसदा के अंदर, सवाबी के अंदर, खुदाई खिदमतगार के लोग मारे में। बाचा खान की गांधी से दोस्ती थी, इससे क्या साबित होता है? सर गांधी के स्टैचूज होने चाहिए पाकिस्तान में। अगर आप कहते हो हमने ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस ली, ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान बनने की बात नहीं कर रहे। कहा क्या था है? जी मैं कह रहा हूँ ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस लेने के लिए गांधी का बहुत रोल था, ही शुड बी रिस्पेक्टेड एज ए लीडर इवन इन पाकिस्तान। जी जी ये तो देखें लड़ाई तो कॉमन थी ना, मतलब जेना साहब लड़ाई कर रहे थे या गांधी साहब लड़ाई कर रहे थे, निकालना तो दोनों ने अंग्रेज को बाहर था ना, मकसद तो एक था मुल्क बनाना, तो दूर की बात है, पहले तो उनको निकालना, सॉरी पहले तो उनको निकालना था। मेरी पिछले दिनों बात हो रही थी इंडिया में कुछ दोस्तों से इसी तरह जूम पे, तो मैं उनसे कह रहा था, मैंने कहा यार 70 साल ना हमने यही समझा था कि नेहरू जो था ना वो बहुत कट्टर हिंदू था और कांग्रेस एक हिंदू जमात थी, इस वजह से हम साथ नहीं रह सकते थे। अब 70 साल बाद हमें पता चला है कि इंडिया को ना नेहरू के विजन पे चलना चाहिए, क्योंकि अब हमने ना कट्टर हिंदू देख लिया, अब हमें पता चला कट्टर हिंदू कैसा होता। सो आप 70 साल झूठ बोलते रहे, मतलब वही वाली बात है ना, उस वक्त चूंकि वो आपका ओपोनेंट था आपने कहा ये कट्टर हिंदू है, ये तो नेहरू
उसको अपने मुल्क में तो इसी बात पे गालियां पड़ती हैं ना कि वो सेक्युलर था। वहां का जो राइट विंग है वो तो कतन नेहरू को पसंद नहीं करता ना भाई, वो तो उस जमाने में देखें गांधी को आरएसएस की गोली मारी, आरएसएस का बंदा जैसे गांधी को गोली मारी। जी जी जी, हमने हमने वही वाली बात है ना, हमने चीजों को जो बाद में डॉक्यूमेंट किया ना, हमने अब उससे हम देखते हैं। हमने ये देखा कि नेहरू ने ना कुर्ता पजामा वेस्टकोट और सर पे टोपी पहनी हुई और वो कश्मीरी पंडित है, ऑब्वियसली बाय कास्ट को कश्मीरी पंडित था। और जिना साहब को हमने देखा है शेरवानी में और कराकुली में। अब हम भूल गए कि ये चीजें ना कभी भी जिना साहब की लाइफ का हिस्सा नहीं थी। यानी जिना साहब जब पैदा हुए थे और वो अपने घर में ऐसे शेरवानी पहन के नहीं फिरते थे, उनका अपना लिबास होगा कराची में जो भी उनकी अपनी फैमिली का, उसके बाद उन्होंने सारी जिंदगी सूट पहना। ठीक है, पॉलिटिकल मूवमेंट के एक स्टेज पे आके उन्होंने शेरवानी पहनी है, जो मैं मान लेता हूं, लेकिन उस शेरवानी से आप साबित क्या करना चाहते हैं? अगर तो आप ये साबित करना चाहते हैं कि जिना साहब उस वक्त मुसलमानों के लीडर थे और वो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना रहे थे, तो उस दौर के जो मौलाना हजरात थे, जिनमें दो बहुत अहम फिगर्स थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद और मौलाना मौदूदी, ये दोनों तो पाकिस्तान के हामी नहीं थे। ये दोनों अशखास जो थे जिनका इस्लाम से एक किस्म का उस तरीके का ताल्लुक था कि ये रिप्रेजेंट तो करते थे ना। मौलाना मौदूदी साहब तो मुफस्सिरुल कुरान है, अबुल कलाम आजाद साहब ने बहुत सी किताबें लिखी है, दीन के हवाले से उनका नॉलेज बहुत ज्यादा था। अगर हमें कोई रिलीजियस कंट्री बनाना था, अगर इट वॉज अ मैटर ऑफ रिलीजन, तो हम किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाते। मुस्लिम लीग तो जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना रही थी, उसमें उस वक्त भी इलेक्टेबल्स थे मासरत के साथ, उसमें उस वक्त भी बहुत सारे फ्यूडल्स थे, वहां पे भी कॉम्प्रोमाइजेस हुए थे, वहां भी पॉलिटिकल पार्टी को मशहूर करने के लिए बहुत सारे काम किए गए, कुछ गलत बुनियादें रखी गई थी तब भी। और वो पाकिस्तान बनने के बाद वाली बात है कि जब पाकिस्तान बना तो सबसे पहली चीज लगता है कि जिना साहब ने यही रियलाइज की होगी ना कि मेरे हाथ में क्या है। उनको आपने ज्यारत भेज दिया, आज क्वेटा से 3 घंटे लगते हैं ज्यारत जाने में भैया, आज 2020 में चले, आप बहुत तेज गाड़ी चलाते होंगे, आप 2 घंटे में चले जाएंगे। 1948 में आपने उनको ज्यारत भेज दिया कि इसकी फिजा बहुत साफ है, कराची कितना को गंदा था, कराची से थोड़ा सा बाहर निकलते फिजा साफ हो जानी थी, कोई पूछेगा नहीं, कोई मतलब एक भी वाली बात है ना कि बस वो बीमार हो गए थे तो उनको भेज दिया। तो बाकियों ने ये क्यों नहीं सोचा कि यार हम मतलब फिर मुल्क कैसे चलेगा, हमारा लीडर कहाँ है? जो दूसरा लीडर था उसको गोली मार दी 1951 में आपने, उसके बाद सब ठीक हो गया, उसके बाद फातिमा जिन्ना ट्रेटर बन गई। तो ये पॉलिटिकल, ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है ना, इसको पॉलिटिकली पढ़ने की जरूरत है। दैट्स व्हाट आई थिंक, अगर कभी जिंदगी में 18वीं तरमीम होगी और करिकुलम्स बनना शुरू हो जाएंगे और सिंध बताएगा कि सिंध ने एक्चुअली क्या किया था 1947 से पहले पॉलिटिकल प्रोसेस में, सिंध का क्या कंट्रीब्यूशन था, और फिर पंजाब भी ये बताएगा कि उसका क्या पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन था, यहाँ पे तो यूनियनिस्ट पार्टी की हुकूमत थी। तो जब आप ये चीजें पॉलिटिकली देखेंगे, अगेन एक और चीज मैं इसमें ऐड करता जाऊं, पूरे का पूरा पार्टीशन जो है ना, पूरे का पूरा पार्टीशन हम उसको यूं करके क्लोज कर देते हैं, आजादी ली थी, बहुत सारे लोग शहीद हुए थे, ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद बना है। देखें अगर तो आपकी अंग्रेज से जंग होती ना, और यहाँ पे आपकी 20-25 हजार अंग्रेज मार देते और उसके बदले आपका 1.5-2 लाख बंदा मर जाता, तो हम कहते हैं कि कुर्बानी है। सारा कत्ल हुआ फसादात में, लूट मार में, लोग ट्रेवल के दौरान मरे, लोगों के घरों पे अटैक हुए, मॉब लिंचिंग हुई है, इनको इसको आजादी की लड़ाई नहीं कहते। उस वक्त हिंदुस्तान कौन चला रहा था? अंग्रेज सर, गिनती के अंग्रेज थे 1947 में हिंदुस्तान के अंदर, गिनती के अंग्रेज। फौज में कौन थे, मैनेजमेंट में कौन थे, पॉलिटिक्स में कौन थे,
रिलीजियस सेक्टर्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे, किसी ने भी नहीं रोका कि यार ठीक है मुल्क बन रहा है या ये वो है, कुछ तो जोर लगाओ ना कत्लो गारत रोकने के लिए। यार मिले हुए थे यहां से ट्रेन इंस्टेंसेस उठाए, मिले हुए थे, मॉब के साथ थे, फोर्सेस। अब अगेन वही वाली वो, तो ये तो लूट मार हुई ना। हाँ। आपने पार्टीशन के टाइम पे छोड़े रिलीजन को और छोड़े एथनिसिटी को, यार क्या बंगाल क्या पंजाब आपने नहीं देखा औरत किसकी है। आपने उठा ली, अगर सिख ने उठा ली तो वो भी उसने इसलिए नहीं उठाई कि ये एक मुसलमान औरत है, और अगर एक मुसलमान ने उठाई तो उसने नहीं इसलिए उठाई कि वो एक हिंदू औरत है। आपकी बेसिक तरबियत ही नहीं थी ना फिर कोई, मतलब आपको किसी का माल ऐसे, किसी के माल पे आप कैसे हाथ डाल सकते हो, या किसी की इज्जत पे आप कैसे हाथ डाल सकते हो, या किसी शख्स की जान के ऊपर आप कैसे हाथ डाल सकते हो, कैसे, आपका कोई हक ही नहीं है। लेकिन उस वक्त आपने फील किया कि आप कर सकते हो, आपने किया, कोई रोकने वाला भी नहीं था। चले पार्टीशन हो गई, खत्म हो गया, हिजरत हो गई, हजारों औरतों के रेप हो गए, लाखों लोग कत्ल हो गए, एक केस कर ले उस दौर की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, उस दौर की रूलिंग एलीट के खिलाफ एक केस कर ले, वर्ल्ड कोर्ट में कर ले, अपने मुल्क की अदालत में कर ले, कुछ तय तो करें। आपने क्या किया, आपने उठाया व्हाइट वॉश और उस दौर के सारे फसादात को चूना करके उसके ऊपर लिख दिया आजादी की तहरीक कुर्बानी। नहीं सर, 47 से पहले आजादी की तहरीक थी, उस दरमियान में जो कुछ हुआ वो आजादी की तहरीक थी, उसके बाद जो कुछ हुआ है वो फसादात है, वो लड़ाई है, वो लूटमारी है, वो कत्ल है, और उसका आपको हिसाब देना चाहिए था। लेकिन आप किसको मुर्द इल्जाम ठहराएंगे ना, आप क्या मुस्लिम लीग को मुर्द इल्जाम ठहराएंगे, कांग्रेस को ठहराएंगे, मुल्क की तकसीम को ठहराएंगे, अंग्रेज को ठहराएंगे, होगा नहीं। लेकिन कम से कम इस चीज को वो नेशनल कॉन्शियस इल्यूजन से तो बाहर निकले कि हमारे, हाँ कि हमारे अबाव अजदाद ने बड़ी कुर्बानियां दी। नहीं यार, आपके अबाव अजदाद विक्टिम थे भाई, या परपेट्रेटर उधर से, या परपेट्रेटर जी, या हम अपने माँ बाप की जनरेशन को गाली देते हैं। आप ये भी तो देखें कि उनके बाप रेपिस्ट थे, उनके बाप मर्डरर्स थे, उनके बाप जेनोसाइड में मुलव्वस थे। ये एक्चुअल ठीक है, आपके दादा आपसे प्यार करते होंगे, जिस तरह भी एक डॉक्यूमेंट्री डेविल नेक्स्ट डोर, उसमें एक नाजी ऑफिसर जूश गार्ड थे जिन्होंने, लोगों ने बोला कि इन्होंने छुरी से औरतों के छातियां काटी हैं, और उनके घर वाले कह रहे हैं ये हमारे दादा हैं, ये हमारे साथ 20 साल से रह रहे हैं, हमसे इतना प्यार करते हैं। ये दोनों चीजें सच हो सकती हैं अगर पार्टीशन के रायट्स में और फाइट्स में आपके फैमिली मेंबर्स वर इन्वॉल्व। This is who they are. Just because they're loving grandfathers to you does not mean that they probably did not rape women and multiple women. जी, it's national consciousness. So, ये है यार बड़ी एक वो, अब जब तक हम इन चीजों को इस तरह ठंडे दिल से unfold करना, मुझे पता है कि चीजें इरिटेट करती हैं क्योंकि हम एक ऐसे कल्चर से आ रहे होते हैं। जैसे अब मैं कहता हूँ कि यार हमने स्कूल में 14 अगस्त बहुत सेलिब्रेट की है, ठीक है, हर साल 14 अगस्त होती थी, हम सेलिब्रेट करते थे, किताबों में पढ़ते थे, फिर टीवी देखते थे, एक जज्बा आप में जाग जाता है ना, आपको एक सेंस ऑफ एसोसिएशन फील होती है, फिर टीवी आपको बताता है कि आप जैसी तो कौम ही कोई नहीं, ठीक है, दुनिया में जो आप हैं वो तो कोई है ही नहीं। अब जब वो आपके अंदर एक बुत बन जाता है बहुत बड़ा, वो ऑब्वियसली जब आप वीजा लेने जाते हैं तो टूट जाता है, आपको पता चलता है कि आपकी टके की औकात नहीं है दुनिया में। लेकिन उससे पहले भी अगर आप किसी का वो बुत तोड़ने की कोशिश करेंगे बुरा लगेगा। मुझे भी ये चीजें एक इस चीज के साथ सिर्फ एक यही एक एग्जाम्पल मैं इस तरीके से बता सकता हूँ कि यार चीजों को ना डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, बताने वाले को भी सबर करना है, सुनने वाले को भी सबर करना है। मुझे ना एक बाबा जी मिले, अब वैसे सुना नहीं चाहिए लेकिन मैं भी तुम्हें इसकी स्टोरी सुना देता हूँ, आ गई है मुझे यार। और बाबा जी को ना पता नहीं क्या हुआ, मैं बाबा जी से इंप्रेस नहीं हुआ, बहुत लंबी कहानी है, फिर मैं कभी इंशाल्लाह सुनाऊंगा। बाबा जी ने ना
बाबा जी को आ गया गुस्सा। बाबा जी ने कहा कि मैं तो इस लौंडे को ना इम्प्रेस करके रहूंगा, वो के वहां उस महफिल में बहुत सारे लोग थे। बाबा जी का बड़ा गेटअप चेटअप था, दाढ़ी बाल होलिया पूरा। अब उन्होंने मेरे साथ ना बातें करने शुरू की। कई घंटे गुजर गए यार शशांत, रात समझो पूरी गुजर गई, और उस पूरी रात में मैं कुछ नहीं बोला। मतलब एक लफ्ज होता है ना कि एक लफ्ज भी मेरे मुंह से निकल गया, और सिवाय इसके कि यार पानी मिलेगा, सिगरेट मिलेगा, बस इससे ज्यादा मैंने बात नहीं की। बाबा जी को आ गया गुस्सा शदीद, उन्होंने कहा यार ये आदमी बात ही नहीं कर रहा, और वो मौला अली का कॉल है कि बात करो ताकि पहचाने जाओ। तो हम तो इस चीज पे हैं कि यार मुंह खोला तो फिर तो पता चल जाएगा ना आप कौन है। काफी देर बाद ना बाबा जी तब गए। बाबा जी ने खैर मुझे एक तो और इनडायरेक्ट वे से कैच करने की कोशिश की। उन्होंने कहा यार मुझे लगता है आपने ये बातें कभी सुनी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहली दफा आप इस तरह की बातें सुन रहे। मैंने कहा अब आपने इतना मुझे बोल ही दिया है और रात भी गुजर गई है, तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगा ये जो बातें आपने मुझे सारी सुनाई हैं ये आपने एक रात में सीखी थी? सो बाबा जी ने कहा नहीं मेरी तो जिंदगी लग गई। तो मैंने कहा आप पहली ही रात में मेरा सरेंडर क्यों चाह रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि मैं आपके ही किस्से सुन के यहीं पे आपका मती हो जाऊं? गिव मी 20 years टू सीख लूंगा मैं 20 सालों में, आपको अगर 20-30 साल लगे हैं ना मुझे भी 20-30 साल लग चाहिए। सो चीजों को हमारे अंदर जो वो होता है ना कि यार मुझे एक बात पता चल गई है तो मैं भी तो एक प्रोसेस है, वो अक्सर कंजर्वेटिव से लड़े होते हैं और कबाल नहीं है कोई तुमने कोई अपनी जाकेशन कि आज तुम लोगों को चार चीजें पता चल गई। अब जिस बेचारे को नहीं पता चल सकी उसके ऊपर तुम सर पे ऐसे माय गॉड व्हाट हैपेंड टू दिस सोसाइटी व्हाट इज दिस मेंटालिटी, उसको डाइजेस्ट करने में क्योंकि उसने चेंज मारना है, उसको उसके प्रोसेस से ही समझ आएगी। जब उसको यहाँ पे फील होगी तो हमारे जैसे लोगों का अगेन यहाँ पे सेंसरशिप भी रहेगी, आप अमेरिका में भी चले जाएंगे तो रहेगी, आइडियल एनवायरनमेंट कहीं नहीं होती। यहाँ पे सेंसरशिप भी रहेगी, यहाँ पे क्राइम भी रहेगा, यहाँ पे आपकी जो बाकी सामाजिक बुराइयां हैं वो भी रहेगी, बट आप अपनी लाइफ में कितना रोल प्ले करते हो आप बस इस चीज के थोड़े से आप जिम्मेदार हो जो कि आप अपने काम में जब हम बेंड करते हैं आप भी झुकोगे, मैं भी झुकूंगा, सियासतदान भी झुकेगा, फौजी भी झुकेगा, सब झुकेंगे, लेकिन किस बात पे झुक रहे हो? सिर्फ जाती फायदे पे झुक रहे हो या किसी और के लिए झुक रहे हो, या किसी को सिर्फ टॉन्ट करने के लिए इल्म दे रहे हो या उसकी अवेयरनेस के लिए उसको इल्म दे रहे हो? इससे ही तो फर्क डलेगा ना कि आप किसी को समझाना चाहते हो, आप कहते हो नहीं भैया आप अब मुझे ये बात ना बाबे की मैंने आपको ऐसी सोचे, मुझे ये बात पता है कि यार मैं अगर टाइम लेता हूं तो अगला बंदा भी टाइम लेगा। मैंने आज उसको एक बात बताई है ना तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो आज ही माइंड उसका चेंज हो जाए। एक मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था शिया, और उसके साथ एक दफा मैं वैसे ये किस्सा खोल बैठा। वो 2-3 दिन आया ही नहीं मेरे पास, 2-3 दिन बाद आया और मुझे आगे ना यूं करके ना ऐसे देख और देख के कहता है इतनी गालियां पड़ी है ना मुझे मेरे बाप से आपकी वजह से। मैंने वो जो उस दिन आप बात कर रहे थे ना मैंने घर पे जाके कह दी, मेरे बाप ने कहा कि तुम किस किस्म की घटिया लोगों में आजकल उठ बैठ रहे हो ये ना। तो मैं हंसता रहा, मैंने कहा देख तुझे मैंने एक बात बताई थी, मैंने तुझे ये कहा था कि जाके अपने बाप को बोल दे। भाई तू और मैं इस जनरेशन के लोग हैं, हम चीजों को अपने हिसाब से चुका है। उसे अब आगे बताओगे ना कि तुमने जो ये बात बिलीव की थी वो अब गूगल ने साबित कर दी है कि ऐसे नहीं थी, तो उसको नहीं वो एडजस्ट होगी, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा उस चीज को। सो इट नीड्स टाइम, कंसिस्टेंसी, पेशेंस। मसला यही है बाबे सारे पाकिस्तान में एक रात में सरेंडर चाहते हैं। असल प्रॉब्लम ये कि बाबो पहली रात सरेंडर मत मांगो, ये कहते हैं बस हम मती हो जाएं। एक रात से ज्यादा लगता है ये और वाली पाकिस्तान समझते नहीं है ना वो। सर ये सुहागरात पे भी जाके ना इनको होता है कि हम आज ही रात में ना अपने सारे असूल बताते हैं, मुझे ये ना पसंद है, मुझे ये ना पसंद है, मुझे ये ना पसंद है। अबे पूरी जिंदगी पड़ी है उसको बताने के लिए, पहली रात में 3 चीजें बता दोगे, अगली रात कुछ बताओगे वो कहेगी कि यार कल तो तुम कह रहे थे मुझे सिर्फ 3 चीजें ना पसंद है, अब ये चौथी कहां से आ गई। सो आपने भी सीखना है आप, मतलब मैं आई बिलीव कि मैं मुसलसल गलती करूंगा। मैं अभी पिछले दिनों अपना एक प्रोजेक्ट बैठ के एडिट कर रहा था जो 9 साल पहले मैंने शूट किया था,
उस वक्त मुझे लग रहा था मेरी टीम मेरे साथ दिल से काम नहीं कर रही, मतलब दे वर नॉट वेरी सपोर्टिव बट काम कर रहे थे। 9 साल बाद अब मैं खुद बैठ के प्रोजेक्ट एडिट कर रहा हूं तो मुझे उन पे तरस आ रहा था ठीक है कि यार कितने बकवास काम लिए मैंने उनसे और कितने ज्यादा काम लिए उनसे, वो बेचारे कितने फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे। सो ये अब ये एक रियलाइजेशन है कि जो मुझे अब हो रही है, उस वक्त नहीं थी, उस वक्त भी मैं ही था, आज भी मैं ही हूं। अब फर्क कोई उस तरह नहीं आया, मैं ही हूँ, उस वक्त गलत भी मैं ही था, आज रियलाइजेशन करने वाला भी मैं ही। आई थिंक जो लोग सुन रहे हैं वो भी बैठ के यही सोचें कि जो मैं हूं ना वो है क्या, इस पे जरा थोड़ा ध्यान दें। मसला ये है कि आपने जिस तरह वो बुद्धों की भी बात की थी, हम हर चीज को अपना आप बना लेते हैं। अगर हम कहते हैं जी इमरान खान के सपोर्टर पर्टिकुलरली गालियां देते हैं क्योंकि उनको इमरान खान पे तनकीद करना अपनी जात पे तनकीद लगती है। ठीक है, मैंने मजाक में कहा था, बट इवन ओवरसीज पाकिस्तानी उनको ये मैटर ऑफ प्राइड लगता है कि यार मैं चलाता तो टैक्सी हूँ, मुझे वो जो बैठते हैं गोरे मुझे गालियां भी देते हैं, मुझे बुरा भला भी कहते हैं, मैं पैसे भी नहीं कमाता। लेकिन खान साहब जब आके दो टोक छाती बड़ी करके अंग्रेजी बोलते हैं यूएन में, ये मेरा शेर, जरा एक प्राइड फील होती है कि मैं भी पाकिस्तानी हूं। और फिर मैं अपनी आइडेंटिटी, अपनी प्राइड, अपनी जात, अपना ईगो खान साहब के दरवाजे पे जाके बांध देता हूँ कि खान साहब अगर ऊपर जाएंगे अंग्रेजी बोलेंगे अच्छा लगेगा, आई विल फील प्राइड। तो आप अगर कहते हैं नहीं जी खान साहब ने यहाँ लेस देन परफेक्ट बात की, उसका जो जहन है वो उसको इंटरप्रेट करता है कि शहजाद तू कमतर है, तू तुझे जो लगता था तू शेर है तू नहीं है, तू कमतर है। तो आगे से फिर जवाब ये आता है कि तू कौन होता है मुझे बोलने वाला, जबकि आप उसको नहीं बोल रहे, आप पॉलिसी खान साहब की क्रिटिसाइज करेंगे, जबकि पॉलिसी जो कि आपका हक है एज अ सिटीजन, बट द अदर पर्सन हियर्स इट एज मेरी आइडेंटिटी पे ये इसने अटैक, मेरी जात पे इसने अटैक किया। इसी चीज को लोग फिर रिलीजन का कलर देके, एथनिसिटी का कलर देकर लड़ाइयां करवाते हैं, जंग करवाते हैं कि यार अगर आपको ये लगता है कि दूसरे इंसान की एग्जिस्टेंस, उसका जिंदा रहना, उसका जीना, उसका सांस लेना कहीं ना कहीं आपके मजहब, आपकी जात को एक गाली है, तो ये आपकी इनसिक्योरिटी है। और अभी जिस तरह आपने पार्टीशन का भी जिक्र किया और शुरू में भी थोड़ा बहुत ये जिक्र हुआ था कि इकोनॉमिक एलिमेंट हम बिल्कुल भूल जाते हैं इस सारी चीजों में, पार्टीशन, टू नेशन थ्योरी ठीक है जी, जंग, फसादात ठीक है जी, लॉट ऑफ इट वाज इकोनॉमिक। मॉडल टाउन अगर लाहौर में आप देखें, हिंदू कॉलोनी कहां गए, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक वजह की जी मुझे इसकी हवेली मिल जाएगी, फर्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू हो सिख हो। वही चीज एक साल बाद आप देखें अगर अहमदी राइट्स हुए, वही बात कि यार हमें तो 47 में वादा किया था कि दूध की नहरें बहेंगी पाकिस्तान में, तो अब तो हिंदू चले गए हैं, अब कौन है, अच्छा चाहिए अहमदी हैं, ये जायदाद लेके बैठे हैं सारे, ये पैसे लेके बैठे हैं सारे, इन ये पाकिस्तान बर्बाद कर, अच्छा जी इनको भी मार दो, अब कौन है आगे, शिया है इनके पास है, ये पाकिस्तान बर्बाद कर रहे हैं इनको भी मार दो, फिर कल ये देवबंदी बरेल भी आपस में लड़ जाएंगे। आप अगर इकोनॉमिक, और ये बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है कि अगर आप इकोनॉमिकली मुल्क को बेहतर करेंगे आपकी एक्सट्रीमिज्म कम हो जाएगी, नॉट टू से के खत्म हो जाएगी, यूएस में भी है, यूरोप में भी है, लेकिन जितनी यहाँ पर है उतनी नहीं है। और अक्सर इनकी डिमांड्स भी जब होती है ना, आप जरा पील अवे करें रिलीजियस सेंटिमेंट को, तो आप पीछे देखेंगे बेसिक इकोनॉमिक डिमांड्स होती हैं। और ये ऑपोजिशन थोड़ी समझ गई है, अभी जो कल पीडीएम का जलसा हुआ था, स्पीचेस इकोनॉमिक थी, नवाज शरीफ की एक तो रीब्रांडिंग बहुत मजे की है, फ्रॉम दिस अमीरुल मोमिनीन टू सीनाइल ग्रैंडपा, इमरान नवाज शरीफ की अगर आपने स्पीच देखी हो तो उसने सुना है मैंने रोटी महंगी हो गई है, बताओ भाई आप दादाजी जैसे बैठे नहीं होते अपने बच्चों को बिठा के, बड़ा है सुनने में आया है, मैंने नहीं देखा, सुनने में आया है कि तुम अपने बेटे की स्कूल की फीस देने जाते हो तो आंसू लग जाते, बताओ ये सच है। इन लॉट ऑफ वेज स्पीच वॉज वेरी इफेक्टिव, बट आई फाउंड दिस एलिमेंट कॉमिकल कि यार आप दादाजी ने बिठाए हुए, हाँ नहीं इनके अंदर से अभी तक वो ड्रामाई चीज निकली नहीं है, वो ठीक है थोड़ा बहुत चाहिए ड्रामा, बट अगेन आई डोंट नो व्हाट अ सिंपैथाइजर ऑफ मियां नवाज शरीफ, बट स्टिल आई सी अ वेरी स्ट्रेंज ट्रांसफॉर्मेशन। साहब क्या थे और अब मियां साहब क्या है, बड़ा अजीब सा लगता है। कुछ लोग कहते हैं
कि मियां साहब का मसला ये है कि ये फौज के साथ बिगाड़ लेते हैं। सो मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि एक आदमी आता फौज के बलबूते पे है, कुछ तो है, कोई गड़बड़ वक्त के साथ चली है, मतलब या तो आपने किसी बंदे को बनाया था, अब वो आपके काबू से भैया काट देना, इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन कोई सुनेगा ना वो तो मुझसे नफरत करने लग जाएगा। जो लोग सुन रहे हैं अब तक, अदील भाई को लगता है कि कोई इनकी बातें 3 घंटे नहीं सुनेगा, जिसने ये पूरी पॉडकास्ट सुनी है इनको मैसेज करें ताकि इनको पता चले लोग सुनते हैं। ऑनेस्टली बड़ी हमने जो बातें की हैं वो आप घंटे में कर भी नहीं सकते, और मसला ये होता है कि घंटे में वो बात समझ में भी नहीं आएगी जो हमारी बातें हैं। अगर ये मैं ट्वीट कर दूं, लोगों ने सिर्फ गालियां देनी है क्योंकि उनको समझ नहीं आएगा। इवन इफ यू ट्वीट समथिंग लाइक पार्टीशन वाज मोर अबाउट इकोनॉमिक्स देन रिलीजियस इंटॉलरेंस, लोगों ने दुनिया भर की गालियां देनी है। एक तो आपने उनका वर्ल्ड व्यू चैलेंज कर दिया, दूसरा इतनी नुआंस नहीं है जो गुफ्तगू में आ सकती है कि अच्छा ये भी एलिमेंट देखो, इसको इस तरह से भी देखो, ये भी सोचा जा सकता है, एक नुआंस डिस्कशन हो सकती है। प्लस आप दूसरे इंसान की टोन देख रहे हो, दूसरे इंसान की बात समझ रहे हो एज अपोज टू टेक्स्ट। सो दीज कॉन्वर्सेशंस वो की ही सिर्फ 2-3 घंटे में जा सकती है, वो हो नहीं सकती 15-10 मिनट में। चले आई होप सो अच्छी रही होगी, और काफी पता नहीं कहाँ हम लोग जाते रहे हैं, फ्रॉम क्रिकेट टू वर्ल्ड पॉलिटिक्स टू इकोनॉमिक्स, एंड प्लान असल में कुछ नहीं था, बस बातचीत थी, लेकिन ये कि लगा नहीं, महसूस नहीं हुआ आपके साथ बात करते हुए कि पहली दफा बातचीत हो रही है, सो दैट वाज गुड। बस सर आप अगर आ जाएं कराची कभी, इंशाल्लाह पैसे जमा कर रहा हूं मैं, और जो लोग सुन रहे हैं सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज, पैसे दे दो थोड़े से ताकि स्टूडियो बन जाए। नहीं सही बात है, ये तो ज्यादा अच्छी बात होगी यार। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मुझे ना, मतलब obviously from many many years की due है कि कराची जाना है, और कराची जाके ख्वाहिश है कि कुछ कराची के व्लॉग्स बनाने और कुछ कराची के कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम करना। वैसे ऑन एंड ऑफ तो बातचीत होती रहती है लोगों के साथ, लेकिन कभी कंटेंट बनाने का मौका नहीं मिला। लेकिन बस अब वो कराची में नाले बंद हुए, फिर वो एक दोस्त था हमारा, उसने फोन किया, उसने कहा यार आपने वीडियो नहीं बनाई, देखा फिर आप भी कराची के साथ जो है ना, वो वाली बात नहीं है आदिल भाई, कराची डूबा हुआ था, आपकी वीडियो नहीं आई। मैंने कहा यार बात सच है, मैं इंशाल्लाह कराची पे एक ही दिन वीडियो बनाऊंगा, और एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि बस। लोगों को ये भी लगता है ना कि हम हर चीज पे एक्सपर्ट है, मुझे बहुत लोग आते हैं कि आप कोटा सिस्टम की बात नहीं करते, मैं आज आप लोगों को सच बता रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आती। मैं सिंधियों से बात करूं वो कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हो रही है, मैं मुहाजिर से बात करूं वो कहते हैं हमारे साथ ज्यादती होती है। आज तक मुझे खुद सच में नहीं समझ में आया कि कोटा सिस्टम सही है या गलत है, तो मैं आपको क्या समझूं जी, मुझे ही नहीं पता। हर आदमी हर चीज का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, हाँ। और फॉरन तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि मतलब अभी इशू आए और मैं अभी ओपिनियन दे दूं, वो वाला जो काम होता है ना वो थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा बगैर सोचे समझे बोलूं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे व्यूज ज्यादा आएंगे, क्योंकि जैसे जिन लोगों को मिलते हैं यार उस कहना तो नहीं मैं चाहता, बट मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ में बड़ा आदम तशद्दुद किस्म का आदमी वो हूँ, आदम तशद्दुद के फलसफे पे, बट इस तरह के लोगों को देख के बहुत गुस्सा आता ना, लिटरली मैं उसके हैशटैग्स, उसकी बातें, और सबसे ज्यादा जो मुझे चीज अनॉय करती है ना, वकार जका एक एलिमेंट देने की कोशिश करता है कि वो बहुत टपोरी है, ठीक है, और आई एम फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ पाकिस्तान, मैं कोई बहुत बड़ा टपोरी नहीं हूं, मैं सिर्फ गलियों में हूं से आया हूं, मैंने गलियों में से लोग देखे, वकार जका जैसे आदमियों की ना चूं भी नहीं निकलती जनरल हाँ, लोगों के सामने, वो तो एक ट्रिमर के सामने चुप हो जाता है। सो इस चीज पे ज्यादा ना फिर मजा आता है, यार क्या तू आदमी है यार, तू सारा दिन इंडिया से लड़ाई, इससे लड़ाई, उससे लड़ाई, और ये कर देंगे और वो कर देंगे, और गंदी गालियां गूलियां देते हैं, क्योंकि तुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा, तुझे कोई सड़क पे चपेड़ मार के चला जाएगा, तुम्हें माइंड नहीं करना। तो इस तरह के जो लोग हैं कोशिश करें कि वो भी रहें, जिंदा रहें, इनका होना भी जरूरी है, कंटेंट बनाते रहें, बट इन लोगों की बातों को ज्यादा सीरियस ना लिया करें। दैट्स माय मैसेज टू द पीपल कि अच्छी चीज आप सुने या ना सुने, बुरी चीज को इग्नोर करना सीख लें। इस वक्त जो डिजिटल के अंदर और टीवी के अंदर जो यूं करके आपके ऊपर कॉन्टेंट फेंका जाता है, इफ यू कांट चूज द बेस्ट वन, जस्ट इग्नोर द वर्स्ट वन, वो आपकी कम से कम ना थोड़ी सी जो भी आपको सेम रखेगा, तो ये जरूर करें। अब हमारी अगर आप 3 घंटे कॉन्वर्सेशन सुन सकते हैं तो फिर तो आप ऐसे ही नॉर्मल नहीं है, फिर तो है आपके साथ कुछ है।
प्रीचिंग टू द क्वायर वाली बात है, ये जिब्रान नासिर से मैंने सवाल पूछा था कि आप प्राइम मिनिस्टर बन गए तो आप क्या बदलेंगे। बोलता है मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बन गया तो जो बदलना है वो तो बदल चुका है। अगर इस अवाम ने जिब्रान नासिर को इलेक्ट करके प्राइम मिनिस्टर बना दिया तो आधी चीजें तो वैसे ही बदल गई हैं, फिर बदलने की नहीं, जरूरत ज्यादा है नहीं। तो वो हाँ तो अगर इस तरह बना ना जैसे बाकी सारे बने, फिर कुछ नहीं बदलेगा, कि जिसके लिए बंदे को बदलना पड़ता है, निजाम नहीं बदलता, तो फिर तो कुछ नहीं वो जो तीन बनेगा। घंटे ये बातें सुन रहे हैं वो शायद ऑलरेडी इन चीजों में बिलीव करते हैं, बट अक्सर ऐसी बातें होती हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को जहन में बैठ जाती हैं, तो वो अगला बंदे को भी जाके बात कर सकते हैं, उनको कुछ छह सात समझे जिस तरह बुलेट जाती हैं आर्ग्यूमेंट्स की। अच्छा यार, अगर तुम कह रहे हो टिकटॉक पे बेहयाई है, कह रहे हो तुम टिकटॉक बैन इसलिए हो बेहयाई है, तो ट्विटर पे तो पॉर्न पोस्ट होती है, ट्विटर भी बैन करो, फिर तो सारे करो ना। अगर आप प्रिंसिपल की बात करो, जैसे ना लीगल एक प्रिंसिपल होता है वेल ऑफ इग्नोरेंस, कि आप वेल में पड़े, ये अगर आपका प्रिंसिपल है जिस प्लेटफॉर्म पे बेहयाई है वो बैन होना चाहिए, फिर तो इंस्टाग्राम भी होना चाहिए, फिर तो फेसबुक भी होना चाहिए, फिर तो ट्विटर भी होना चाहिए, फिर तो यूट्यूब भी होना चाहिए। वो फिर आप प्रिंसिपल नहीं आर्ग्यू कर रहे, वो आप कह रहे हैं क्योंकि टिकटॉक पे गरीब लोग बेहयाई करते हैं तो इनको बैन करो। या वो ऐप इसका के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं बचे, मतलब इंस्टाग्राम हो गया, ये जैसे आप ट्विटर कह रहे हो, ट्विटर पे पॉन भी है, तो जो बेहयाई है ना, वो कम से कम मेरी जनरेशन और मेरे बाद की जनरेशन के लिए तलाश करना कोई मसला नहीं है, हमें सब रास्ते आते हैं। हमने इंटरनेट का बैन भी देखा है, हमने 45 KB की स्पीड भी देखी है, उस पे पॉन खोल लिया करते थे, हमें ठीक हमें है। हम मजबूरन, मैं दो सेलफोन यूं जोड़ जोड़ के 30 मिनट यूं खड़ा रहा कि गंदा MMS एक मिल जाए। हमसे आप रोकेंगे, हमसे आप छुपाएंगे, फोन मिला मिलाकर इंफ्रा इंफ्रारेड पर, ब्लूटूथ भी नहीं था उसका इंफ्रारेड, अपना इंफ्रारेड वो अक्सर अक्सर खत्म हो जाता था, वापस जोड़ने पड़ते थे। बिल्कुल। इस तरह हमने गंदे MMS लिए हैं, तो हमें हम रोकेंगे आप? हमसे हमसे नहीं रुक रही, वो वही वही वाली बात है कि जो हमारी ख्वाहिशात ही खत्म कर दे, हमें लगा दे ना भाई, लोगों को रोजगार पे लगा दे, लोगों को अच्छे कंटेंट की तरफ लगा दे, लोगों को कामकाज पे लगा दे, लोगों को किसी तरफ लगा दे, वो नहीं करेगा ये काम। वो आदमी पॉर्न क्यों देखता है, या आदमी फलानी चीज क्यों देता है, डमकानी की, उसकी एक सर्टेन नीड्स होती है ना, जो उसकी अंदर आके उसको उस तरफ लेके जा रही होती है, तो उन चीजें को एड्रेस करना होता है, वो एड्रेस नहीं करना। खुदा की कसम, पाकिस्तान जिस तरह का मुल्क है, अगर लोग सिर्फ पॉर्न देख के फारिग हो जाएं, हजार मसले सही हो जाएंगे। बेहतर है वो दुनिया, बहुत बेहतर है। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर तो पॉर्न खोल देता, मैं तो पॉर्न पीटीवी पे, पीटीवी को पॉर्न टीवी बना देता कि भाई तू यहाँ घर बैठ के देख, तुझे जो काम है तू यहाँ देख। मुझे मैं मुझे पीटीवी ना स्पोर्ट्स पे डॉक्टर नोमान की पॉर्न पे कमेंट्री डाल देता, डॉक्टर नोमान की इंग्लिश में आपको पॉर्न नजर आ रही होती, दी एफ्रोडीजियाक Enters the vaginal womb. It is classic match. बहुत वो वैसे ना थोड़ा सा आवाज बना लेता डॉक्टर अमेरिकन नवाज, फिल्डी की यस। जगह अमेरिकन रंडी के प्रोग्राम चल रहे होते, आप मुझे बना दो। नॉट ही अमेरिका। सो खैर, वो भाई की रिसर्च ठीक है अगे भैया। यार, मैं आपको बताऊं ना, मैं एक बार कह रहा था कि मेरा बस नहीं चलता कि मैं कई इंस्टाग्राम पे मौजूद ऐसी शख्सियत हैं और पॉर्न इंडस्ट्री में वाबस्ता, मेरा बस चले मैं उनके घर जाऊं, बेल बजाऊं, उनसे कहूं मैं आपको सिर्फ थैंक यू बोलने आया, ठीक है। हम एक हमारा टाइम था, वो आशिकी होती थी तो भाई मिन्नतें करनी पड़ती थी कि मतलब ऐसे बस एक झलक तो दिखा दो ना, मतलब वो वाला एक एक टाइम बार था। आजा। सही है। कुछ लोग हैं वो बस खुशियां बांट देते हैं, घर बैठे दूर किसी को खुशी मिल जाती है, कोई किसी की जेनी वो निकल जाती है, क्या उसको कहेंगे, फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है, या गुस्सा निकल जाता है, या कुछ भी निकल जाता है, क्योंकि एटलीस्ट अगर आप फिर वही आदमी बात है लेसर इवल की तरफ जाओगे, तो अगर कोई आदमी गंदी फिल्म देख के अपने साथ इजी हो रहा है, ठीक है भाई, हाँ हाँ बिल्कुल तूने किसी बिल्कुल। को तूने किसी और को तो कुछ नहीं कहा ना। मैं अगेन आई एम नॉट सेइंग दिस इज वेरी गुड हैबिट एंड यू जस्ट अडॉप्ट इट, इट्स एडिक्शन। पॉन आपके बहुत तसव्वुरात खराब कर देती है, ऑब्वियसली ऑल दैट आई नो, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीथिंग, एडिक्शन ऑफ एनी काइंड इज बैड, बट बट ऑल आई एम सेइंग कि अपनी सोसाइटी को तो देखें, कि जहां पर आपकी सोसाइटी में बच्चे महफूज नहीं है, जी औरतें महफूज नहीं है, ट्रांसजेंडर महफूज नहीं है, आप अपनी मिजाज को देखेंगे, आपके लोग ऐसे ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होते जा रहे हैं,
बस चल रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, किसको खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस तरह की हालत वाली तो कौम नहीं चाहिए ना यार। तो इसीलिए वही वाली बात है कि कुछ वो गुलाम अब्बास साहब का गालिबन अफसाना है ना कि एक शहर था और शहर में एक बाजार हुसन था और उस बाजार हुसन को एक हकूमत आई और उसने कहा कि इसको निकाल के वीराने में भेजो, ये सारे कंजर रंडियां और गलत लोग, उनको शहर से निकाल के वीराने में फेंक दिया और रफ्ता रफ्ता वीराने में एक शहर आबाद हो गया। ठीक है, आप रियलिटी से बाहर नहीं निकले, कुछ चीजें रहेंगी। मतलब अगर आपको अभी सड़क पे कॉलगल नजर आती है और आपको गुस्सा आता है ना, आपकी गैरत जागती है, आप कहते हो कि यार ये कॉलगल यहाँ पे क्यों खड़ी है, एक औरत अपना जिस्म क्यों बेच रही है इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान में सड़क के ऊपर खड़े होके, जो कि मैं कराची का नहीं कह सकता, मैंने उस तरह से विजिट नहीं किया, लाहौर में आपको मैं आपको जीपीएस ट्रैक्स दे देता हूँ जहां जहां होता है, कराची में मैं हूँ ना, मैं आपको लोकेशन ड्रॉप कर करके दूंगा। आपको आपकी गैरत तो जागती है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक औरत सड़क पे खड़ी अपनी इज्जत बेच रही है, आपको उसकी भूख नजर नहीं आती, आपको उसकी मजबूरी नजर नहीं आती। तो अगर आप उसको पाल नहीं सकते, आप उस पर बैन लगाने की बात कैसे करते हो? आपने उसके घर में जाकर रिस्क डाला है? आपकी सोसाइटी ने, आपके सिस्टम ने उसको पाला है? तो एटलीस्ट आप किसी से अगर नफरत भी करते हैं ना, लाइक मैं अपनी जिंदगी में सबके लिए जज्बाए मोहब्बत नहीं रखता, मैं कुछ लोगों के लिए, कुछ चीजों के लिए, कुछ रवैयों के लिए नफरत भी रखता हूं अपने दिल में, लेकिन मैं उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स का भी चैलेंज नहीं करूंगा। ये चीज नहीं है कि इनका वजूद ही खत्म हो जाए। हाँ, मुझे नापसंद है, मुझे नहीं पसंद, मैं वो काम नहीं करना चाहूंगा, मैं कभी नहीं जाना चाहूंगा उसकी तरफ। आई वुड नेवर वॉन्ट के यार फला, लाइक टिकटॉक है, मैं नहीं बनाता टिकटॉक, मुझे अपना आप शदीद क्रिंजी लगेगा अगर मैं टिकटॉक बनाऊंगा, मुझे लगता है क्या स्टुपिड हरकत है यार टिकटॉक बनाना। अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे, दैट इज अ बुलशिट, दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट इफ समबडी इज मेकिंग ऑन देयर ओन फोन, उससे मुझे कोई गर्ज नहीं। वो एक छोड़ दस बनाए, उसका फोन है, वो बनाता है, उसको देखता भी कोई और है। आई कैन स्टे अवे फ्रॉम दैट ना, ये मैं अपने आप को बुराई से थोड़ा सा पीछा कर लूं, ये कितना मुश्किल है हमारे लिए, इस पे भी हम थोड़ा सा वो देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात की है सर आपने। कंदील बलोच का भी वाकया हमारे बिल्कुल सामने है कि सालों साल बहन की कमाई से आपका जब घर चल रहा था तब आपकी कोई खैरत नहीं जागी, पर जब मौका आया या किसी ने जगवाई आपकी खैरत किसी वजह से, किसी शेर के कोई कवि हो अगर जिन्होंने लिखे हों, जिस वजह से खैरत जाग जाती है, तो तब हमें ये मसले मसाइल आते हैं। एंड बिल्कुल आपने सही बात की कि कोई चीज़ अगर आपको ना पसंद है आप ना करें भाई, औरों को करने दें, आपका क्या जा रहा है, खुश रहें, खुश रहने दें। और लोगों को पहली ज़िंदगी में इतने मसले मसाइल हैं, खाने पीने के पैसे नहीं हैं, बीमारियां हैं, लोगों की खुशियां या अगर छोटे मोमेंट के लिए किसी को रिलीफ मिलता है। और जिस तरह आप अगर तारीख भी देखी जाए तो ये सेम लोग ही हैं, जब प्रिंटिंग प्रेस आई थी उन्होंने बोला ये गलत बात है, हद तक के जब लाउड स्पीकर आया था उन्होंने बोला ये बिद्दत है, लाउड स्पीकर पे नहीं होनी चाहिए अजान। आज लाउड स्पीकर ख्याल से सबसे ज्यादा इस्तेमाल ही मस्जिदों में मसाइल मैं यही कहता हूँ, कई जगहों पे ना ये लोग बिल्कुल ठीक थे, जब इन्होंने कहा था ना लाउड स्पीकर हराम है, हमें मान लेना चाहिए था हराम नहीं तस्वीर जब उन्होंने सर जिन मौलवी ने जब उन्होंने इस्तेमाल किया ना, जब उन्होंने इस्तेमाल किया हमने कहा हराम है भाई, खुदा के लिए छोड़ दो यार। सालों साल जिन मौलवियों ने फतवे दिए कि तस्वीर लेना हराम है, आज उनके टीवी चैनल पर। तो ये जब कोई चीज आगे की तरफ आएगी, टेक्नोलॉजी की तरफ आएगी, एक खौफ होता है उससे कि हमारे हाथ से निकल रही है ये, तो टेक्नोलॉजी हमें समझ ही नहीं आती। लाउड स्पीकर की टेक्नोलॉजी तक पर ये हो गया तो फिर टिकटॉक तो बहुत आगे है। तो ये खौफजदा रहेंगे और इनको खौफजदा करते रहें अपनी बातों से, हालात से। आप कोई कौम को मैसेज देना चाहेंगे जाते हुए? यार मैं ना कौम को बिल्कुल, क्योंकि मैं अपने आप को ना हमेशा कौम ही समझता हूँ, मुझे लगता है कि ये, मैं ही कौम हूँ। कीप कौम एंड कीप मूव ऑन। तो खैर मैं यार इतनी बड़ी कॉन्वर्सेशन के बाद क्या ही कहना है, बस ये है जो मैंने अभी अपनी जिंदगी में थोड़ा सा एक काइंड ऑफ मोटो बनाया हुआ, कोशिश करता हूँ इस बारे में, हालांकि बहुत मुश्किल है, कि आपके जो भी नजरियात है ना, जो भी, चाहे आप
100% मेरे नजरियात से डिसएग्री कर जाए या आपको 100% एग्रीमेंट हो जाए, आपको लगे कि मैं तो ये आदमी लव है, ये जरूर जहन में रखिए कि मैं इंसान हूं, मित्र बाकी सारे इंसान हूं, आपने मेरी एक साइड देखी है, वो साइड जो मैंने आपको दिखाई है, तो आपको लगी होगी यार ये आदमी तो बड़ा अच्छा है। हो सकता है किसी और शख्स ने मेरी कोई दूसरी साइड देखी जो अच्छी नहीं होगी। आप और वो जब मेरे बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली आप दोनों का व्यू डिफरेंट होगा, मैं वही हूं लेकिन आप दोनों आपस में लड़ रहे होंगे। सो इसी तरीके से हम जब भी दुनिया के किसी शख्स को या किसी चीज को किसी मुद्दे को उठाते हैं तो हम एक जगह से देख रहे होते हैं, कोई दूसरा शख्स किसी जगह से देख रहा होता है, हम सबकी अपनी अपनी रियालिटीज होती है। इन रियालिटीज का मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बिगाड़ लें। मैं अपने अब्बा की भी बहुत सारी बातों से अग्री नहीं करता, मुझे लगता है शायद 90% बातों से नहीं करता। अक्सर औकात माय फादर मतलब वो मुझे कभी गुस्से में डांट देते हैं या कोई ऐसी बात कर देंगे जो मैं कहूंगा कि बट मैं क्यों इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि यार ये मेरे वालिद है, या मेरा बाप मेरी हो सकता है कि 100% बातों से डिसएग्री करता हो लेकिन वो क्यों इग्नोर कर देता है कि ये मेरा बेटा है। अब हमारा ये ताल्लुक है कि हमने माना है कि ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा मजहब है, ये मेरा फिरका है, ये मेरा मुल्क है। हम हमेशा जो ताल्लुक जो बंदे के ऊपर जो डिसीजन ले रहे होते हैं ना वो किसी इस तरह के रेफरेंस से ले रहे होते हैं। इन रेफरेंसेस को थोड़ा सा साइड पे करते हैं, ये अपनी जगह रहेंगे, ये अपनी जगह रियलिटीज हैं। मैं अगर आपका दोस्त हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं या आपका दुश्मन हूं, वो रियलिटीज अपनी जगह रहेंगी, बट मेरे ह्यूमन राइट्स आपके ह्यूमन राइट्स वो सेम रहेंगे। हमें अपने हमसाए से बिगाड़ने की जरूरत नहीं है कि वो नवाज शरीफ को वोट देता है, हालांकि आपको गुस्सा आएगा कि यार इस तुम्हारी वजह से मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं, या कोई इमरान खान को अगर आप नापसंद करते हो तो आपको ये लगेगा कि यार ये आदमी इमरान खान को वोट देकर आया, ये जिम्मेदार है। ये रियलिटीज अपनी जगह रहेंगी, लेकिन जो असल कनेक्शन, जो असल चैनल है ना, वो आपने नीचे सोसाइटी के लेवल पे बनाना। So this is what I all want to say to people कि यार आप जो आपके आसपास लोग हैं ना, आप अपनी क्लास में जाएं, दो साल जो आपको कॉलेज के मिलने हैं दोस्त या यूनिवर्सिटी के मिलने हैं, ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इंजॉय करो, छोड़ दो एथनिसिटी को, छोड़ दो बाकी सारी चीजों को इंसान के तौर पे देखना शुरू करो थोड़ी देर। इस कॉलेज के बाहर शायद तुम्हें लोग ना देखने दें, इस यूनिवर्सिटी के बाहर शायद तुम्हें लोग ना देखने दें, लेकिन तुम अगर एक दफा देखने की आदत डाल लोगे ना कि यार बस मैंने इसको इंसान की तरह देखना है, इसमें खामी भी होगी, इसमें खूबी भी होगी, इसकी अच्छी चीज भी होगी, इसकी बुरी चीज भी होगी, और फिर तीसरा फैक्टर हालात का भी होगा, हालात भी बहुत से फैसले करवाते, तो यही सारी चीजें फिर आप पीछे हिस्ट्री में ले जाके भी अप्लाई कर देंगे उन सारे लोगों के ऊपर जिनके ऊपर अब आप मैं लड़ रहे होते हैं, नहीं वो ऐसा था, नहीं वो वैसा था, सब इंसान थे, ठीक है। तो अभी भी हम इंसान है, इंसानों की तरह रहना सीखे इन शॉर्ट, और नशे करो और एंजॉय करो, कॉलेज में करो, फिर बाद में मौके कम मिलेंगे, जो मतलब गंदे नशे नहीं करना, हेरोइन मत करो, कोकेन मत करो, मैथ मत करो, छोटे मोटे नशे कर लो, केमिकल से दूर रहो, केमिकल से दूर रहो, केमिकल ड्रग्स, हाँ नेचुरल सारे करो, सब करते आए हैं, सब जमाने में किया है, आप भी करो, खुश रहो। एक मैंने बड़ा अच्छा कोट पढ़ा था, जस्ट टू प्रोवाइड अ प्रोविजो टू व्हाट यू सेड, के रिस्पेक्ट एवरी ओपिनियन अनलेस दैट ओपिनियन रेस्ट इन द डिनायल ऑफ योर एग्जिस्टेंस। अनलेस किसी का ओपिनियन है कि इस इंसान को तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, ये जहां नजर आए इसको गोली मार दो, यू आर नॉट बाउंड टू रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन। अगर दूसरा इंसान आपको इंसान ही नहीं समझता, वो ओपिनियन आपको रिस्पेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बियॉन्ड दैट, कोई कोई गलत बात करता है, कोई कोई प्रॉब्लमेटिक बात करता है, कोई कोई ऐसी पॉलिटिकल राय का इजहार करता है जिससे आपके इख्तलाफ आते हैं, आप उस राय तक कैसे पहुंचे, आपने कैसे सीखा, आपको क्या फैसिलिटीज मिली जिसकी वजह से आपके पास ये नॉलेज है। अगर कोई ट्विटर पे है, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे, गालियां दे रहे होते हैं लोगों को, आपके पास वो वसाइल थे कि आप उस यूनिवर्सिटी में जाके वो किताबें पढ़ सकते, दूसरा इंसान पता नहीं कहाँ से आया है, क्या पढ़ कर आया है, या वो शायद 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल का। अक्सर जो बच्चे गालियां दे रहे हो तो ऑनलाइन उनकी प्रोफाइल देखो, 17, 18, 19, 20 साल के बच्चे होते हैं। आई एम लाइक, मैंने भी इस टाइम, चलें शायद सोशल मीडिया इतना ज्यादा नहीं था, बट शायद टीवी देख के किसी को गाली दियो, किसी के ओपिनियन से इख्तलाफ आ गया, या इंटरनेशनल किसी को कुछ बुरा भला कह दिया हो, सो दे हैव टू गो थ्रू देयर ओन प्रोसेस, एंड कॉन्वर्सेशंस रियली हेल्प, लाइक कॉन्वर्सेशंस लाइक दिस।
इसलिए मैं कहता हूँ कि डीप डाइव लॉन्ग फॉर्म कॉन्वर्सेशन होना चाहिए. कहीं ना कहीं ये चीज खत्म हो गई है. वी यूज टू चार डब्बे एक दूसरे को चिल्लाएं और गालियां दें, बट दो लोग बैठ कर यार अच्छा ये मेरी राय ये ओके आई रिस्पेक्ट दैट, इसमें मैं एग्री करता हूँ इसमें नहीं एग्री करता. आई थिंक वी लॉस्ट दैट समहाउ एंड वी नीड टू ब्रिंग दैट बैक. Yes, true, true, true. लंबी बात सुनने की और करने की आदत होगी तो मसाइल तो आधे उसी में सॉल्व हो जाएंगे. यार यार लंबी करने की आदत डालो ताकि पाकिस्तान से बाहर भी आपको मौके मिले. नॉट ही अमेरिका ही. खान साहब ने तो जॉब्स नहीं देनी, नॉट ही अमेरिका में सीवी भेजे. किसी को यहाँ के लोग नहीं ले सकते अपनी दीवारें. देखो यहाँ के हकीमों पे जा जाके इनसे तो नॉर्मल वाला नहीं हो रहा. आपको लगता है इनको नॉर्थी अमेरिका में जॉब मिलेगी? ये जो लोग टिकटॉक बैन करवा रहे हैं, आपकी मिलियंस ऑफ व्यूज क्या होती हैं यूट्यूब पे, अपना ऑर्थोग्रोल बड़ा करें 10 दिन में, ये तो बैन करवा रहे हैं. ये तो ये बेहाई नहीं है जल्दी. सलाजीत बिचारी छिपकलियां उनको मार मार के छिपकलियों की अगर सोच होती वो आपस में क्या डिस्कस कर रहे होते कि हाँ यार याद है तेरा कजन मार दिया क्यों यार, वो मोहल्ले में किसी का छोटा था ना तो उन्होंने सोचा कि खालू को मार के सलाजीत का तेल. यार बस ये 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 बताता है कि ये फंसी कहाँ हुई है कौम. ज़हन हमारे फियर्स कितने छोटे और कितने अजीब फियर है हमारे. हाँ बस वो भी क्या जीनियस आदमी होगा ना जिसने कभी देखा यार मेरा छोटा है इस छिपकली को अगर मार के खा शायद कोई उम्मीद है. ये फारिग इंसान की जो है ना सारी डिस्कवरीज हैं, क्योंकि एंशिएंट दौर में इंसान बहुत फारिग था, उसके बाद एक्चुअली में करने के लिए कुछ नहीं. सारी डिस्कवरीज फारिग हैं. इवन अगर हम इतना दूध पीते हैं, किसी ना किसी ने तो एक दफा गाय का देखे होगा ना और सोचा होगा इसके बच्चे भी तो चूस रहे हैं, मैं भी जरा मुंह मार के देखूं. बड़ी जाते जाते आपने बड़ी अजीब सी बात कर दी. कोई स्पीशी किसी दूसरी स्पीशी का वैसे जनरली दूध नहीं पीती. हम तो सबका पीते हैं, गाय का भी पीते हैं, कैमल का भी पीते हैं, भैंस बकरी. तो इंसान तो वेला है, वो ये बैठ के सोच लेता है कि यार गाय में बहुत दूध है, ये सिर्फ इसके बच्चों का हिस्सा नहीं है, ये भी मेरा है, मुझे थोड़ा सा तो चाहिए. वाकई यार क्रीप होगा वो इंसान जिसने पहली दफा ये सोचा होगा ना. सोचो कोई पुराने जमाने में आप और मैं यार, आज तूने क्या किया यार, बस घर पर था आज मैं गाय के मम्मी चल दूसरे इसको जूते मारे होंगे कि उल्लू के पटे तो करके क्या आया आज. अरे वो वही बात है कि उस टाइम पे पता नहीं क्या उसने सोचा होगा, बट समहाउ आज वो एक इंडस्ट्री आज वो अब हमने टीके लगाने शुरू कर दिए. मतलब इतनी ज्यादा तरक्की ना करो ना यार. हाँ नॉर्मल थोड़ा ख्याल कर ले गायों को भी जिंदा रहे. कसम से जो अगर आप इंसानियत पे आ जाओगे ना, जिसको कहते ना कि जो वो जो शुरू में भी आपने एक बात की थी कि हमें लगता है कि हमारा ताल्लुक नहीं है बाकी किसी चीजों के साथ, हालांकि ये पौधे ये कीड़े चूहे ये सब मैटर करते हैं. अच्छा मैं ये नहीं कहता आप इन पे बहुत तरस खाएं, आप मर के जमीन में जाएंगे इन्होंने भी नहीं खाना, ये खा जाएंगे आपको सेकंड लगा के, ठीक है. बट वो कब खाएंगे जब उनको भूख लगेगी ना. आप भी तब खाएं जब आपको भूख लगे. अपने बेकरियां सजा दी बना दिए टावर पागलों की तरह यार. सो ये सारी चीजें उसी की वजह है कि आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहे हो जमीन से, चीजों से, जानवरों से, लोगों से. कुछ नहीं रखा है इस तरह के किसी भी प्राइड में. अल्लाह ने जो ये दुनिया बनाई है, अगर आपका मेरा या हमारे देखने वालों में से किसी का ये ईमान है कि ये दुनिया अल्लाह ने बनाई है और उसके बाद आप ये सोचें कि आप किसी की बनाई हुई चीज को खराब कर रहे हैं तो उसको कैसा लगेगा. So, फिर आपको खुद समझ आ जाएगी कि अल्लाह की बनाई हुई दुनिया, अगर ये अल्लाह ने बनाई है, ऑब्वियसली अल्लाह ने बनाई है, तो अल्लाह की बनाई हुई जो दुनिया है वो अल्लाह किस तरह चाहेगा. ऐसे ही चाहेगा ना कि तमाम चीजें अपनी हद में रहें, उसके बनाए हुए कानून के मुताबिक कोई किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, बस फितरत पे चले, सुकून से रहें. सो ये चीजें समझने की जरूरत है किसी के साथ ना, इतने बड़े बड़े वो पालें. और छोटी सी जिंदगी है यार, पता भी नहीं चलना हमने आज मरना है. ये पिछले दिनों कोई मुझे किस तरह से कह रहा था कि कहता है यार ये कर लो वो कर लो फिर आप शहीद हो जाओगे. मैंने कहा तुम लोगों ने ना स्टेटस भी नहीं लगाना, मतलब अपने जो मेरे आस पालते ना, मैंने कहा तुम लोगों ने कहना यार शेट बहुत बुरा हुआ बस, इससे ज्यादा ना तुम लोग मैंने कहा मेरे बारे में कुछ नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है. दिस इज व्हाट आई डू ना. मैं भी आज बहुत लोगों को इंस्पायर करता हूँ. वो बेचारे जब अब
इसी जद्दोजहद में कोई मारा जाएगा, मैं क्या करूंगा, अफसोस ही करूंगा ना, बस यही कर सकता हूँ। सो ये सब रियलिटीज अपनी जगह पे, यही है हमारी जिंदगी। सो इसलिए अपनी जिंदगी में बेहतर करके जाओ यार, बस जिसके साथ हो, जिसके साथ तुम्हारा छोटा सा ताल्लुक वास्ता, एक मिनट का हो, एक साल का हो या 10 साल का हो, कोशिश करो अच्छे तरीके से अदा हो। जबरदस्त, मैं नहीं चुप करूंगा भैया, बस कर। बहुत अच्छे तरीके से आपने आज हमारे साथ रिश्ता अदा किया। इंशाल्लाह कराची जब आएंगे तो आपसे मुलाकात होगी, एंड वी विल बी जरूर हैव द मनी टू बिल्ड अ स्टूडियो। थैंक यू सो मच, आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।